ऑन द लाइक मोबाइल, और ये इस पे बहुत अच्छा चल रहा है सच। इसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया। डेमो वर्जन होगा ना उसमें? नहीं, मैं तो सर आई टोल्ड यू कि मैंने मून का सारा पोजीशन देख रही थी करवा चौथ पे, इसी पे ही। यार आई लाइक बस 2 मिनट उसके में निकलने वाला। आई लिटरली क्रैश दैट डे। मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ये सोलर स्कोप नहीं बचाया था हमसे। लिए माय वाह यार, फैमिली वाज लाइक पानी पी ले। मैंने कहा नहीं, हैंग ऑन, 10 मिनट में आ रहा है। दैट वाज रियली बहुत ही फनी। बढ़िया, बहुत ही बट ये बढ़िया। सोलर स्कोप पे देख रही थी मैं। हां ठीक है, जी। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का कंसेप्ट क्या है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। बिकॉज जो स्पीड ऑफ प्लैनेट्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई सन का चक्कर 1 साल में काटता है, कोई मरकरी की तरह बहुत जल्दी काट लेता है, कोई मंगल की तरह 1.5 साल में काटता है, कोई जुपिटर की तरह। जुपिटर कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये जुपिटर, जुपिटर और सैटर्न ये रहे। कोई जुपिटर की तरह बहुत धीरे काटता है, राइट? 12 साल में काटता है, 1 साल लगता है चक्कर काटने में। सैटर्न को 30 साल लगते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली 29.5 ईयर्स है, बट अप्रोक्सीमेटली हम कर लेते हैं तो 30 ईयर्स ही मानते हैं उसको हम, बिकॉज मोटा मोटी 30, कई बार उससे ज्यादा भी। देखो इसको कैसे समझो, 30 को हम डिवाइड बाय 12 करेंगे, 12 जोडियक साइंस, तो कितना आएगा? 2.5 ईयर्स आएगा। लेकिन कभी भी अगर तुम रियल लाइफ देखोगे प्रोग्रेशन, जैसे इस साल सैटर्न कैप्रिकॉर्न में करीब करीब 3.5 साल रहा है, ठीक है। 2020 में आया था आई थिंक जनवरी में वो कैप्रिकॉर्न में, और अभी तक कैप्रिकॉर्न में ही है। तो एक्वेरियस में वो आया था, तो टेक्निकल 2.5 साल में वो एक्वेरियस में आ चुका है एक्चुअली में। लेकिन वो अर्थ के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। तो हमें हमसे मतलब है। और लाइफ किस पर डिपेंड करती है? मैंने बताया था कि लाइफ क्या है एज पर शंकराचार्य, माया। माया का मतलब क्या होता है? परसेप्टिव रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी नहीं होती है। तो परसेप्टिव रियलिटी का मतलब क्या है? हमें क्या लगता है, तो हमें क्या लगता है भाई साहब, उसके लिए हमें अर्थ पे आना पड़ेगा। तो हम अर्थ पे आ लेते हैं, अब ये अर्थ पे आ गए अपन। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या बन गया? अर्थ। जब मैं अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के जीवन देखता हूँ, तो मुझे क्या लगता है भाई? सन हमारा चक्कर काट रहा है, हम तो वहीं के वहीं हैं। ये हो गया वीनस, ये होगा मरकरी, मार्स भी यहीं कहीं होगा, मार्स ज़्यादा दूर नहीं आ सकता। मेरा मून जो बहुत ही फास्ट घूम रहा है, और ये जो ब्राइट पर्पल तुम लाइन देख रहे हो, किसका पाथ है? ये सन का पाथ है। और नीचे जो पतली वाइट लाइट है, ये मून का पाथ है। इसको और पीछे कर देता हूँ मैं, तो मैं मून दिख जाएगा। खैर, ये हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? अर्थ के पर्सपेक्टिव से। हम अर्थ पे रहते हैं। अब गेम बदल जाएगा। अब क्या होगा? अब चलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिव मोशन। सो नाउ इन रियल लाइफ, बिकॉज अर्थ 1 साल में चक्कर काटता है सन का, और जुपिटर 12 साल में, यानी अर्थ की स्पीड कितनी तेज है? 12 टाइम्स मोर देन जुपिटर्स स्पीड। सो हर 1 साल में एटलीस्ट एक बार तो अर्थ जुपिटर को ओवरटेक करेगा ना। अगर पार्क में बूढ़े अंकल धीरे चलते हैं और हम तेज चलते हैं, तो जो पार्क के हम चक्कर काटते हैं, जो उनका सर्किट होता है उसमें चक्कर काटते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम अंकल को तो ओवरटेक कर ही लेंगे हर राउंड में, राइट? और जब भी हम किसी को ओवरटेक करते हैं, तो क्या लगता है हमारे हमारे रिस्पेक्ट में? क्या लगता है कि वो आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहा है? जैसे ट्रेन में होता है, जो ट्रेन में तुम बैठे हो, पास वाली गाड़ी चल जाए, तुम्हें लगता है हमारी गाड़ी चल गई। वो आभास होता है, वो टेंशन होता है, वो स्ट्रेस डेवलप होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस नो बोलते रहना है, मुझे पता पड़ता है यस तुम सर। सुन रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो हम उसको और आगे समझते हैं। ऐसे ही सैटर्न, उसको भी अपन करते रहते हैं, मरकरी, मार्स सब में होता रहता है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो एक बार।
तो अगेन कमिंग बैक, सॉरी, अपन थे अर्थ के ऊपर. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी जहां पर भी रिलेटिव जो स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड सन है हमारा, क्योंकि उसमें अंतर आता रहता है बार बार, इसीलिए हर प्लैनेट अर्थ के रिस्पेक्ट में रेट्रो हो ही जाता है कभी ना कभी. कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, मकरी बहुत तेज घूमता है तो अर्थ को वो ओवरटेक कर लेता है, और उसकी स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए मकरी आपको साल में एटलीस्ट 2-3 बार रेट्रोग्रेड मिल जाएगा. जुपिटर सैटर्न बड़े प्लैनेट्स हैं, उनको ओवरटेक करने में हमें 1 साल लग जाता है, इसे जनरली 1 साल में हर साल एक अराउंड तुम्हें पर्टिकुलर टाइम पे जुपिटर सैटर्न रेट्रो मिल ही जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है. और वो एक ही बार रेट्रो होते हैं साल में जुपिटर सैटर्न. मकरी तुम्हें रेट्रो मिलता रहेगा बार बार. वीनस भी रेट्रो होता है, वो भी साल में करीब करीब साल 1.5 साल में एक बार रेट्रो हो जाता है. मंगल भी रेट्रो 26 महीने में एक बार हो जाता है, वो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा अलग से. बट इन जनरल रेट्रो का सिंपल कंसेप्ट क्या है, जब हमारे रिस्पेक्ट में प्लैनेट हम जब ओवरटेक कर जाएंगे तो हम क्या लगेगा, उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपन क्या देखते हैं, अभी अभी अगस्त में ये हो गया. मास रेट्रो कब हुआ था यार, अक्टूबर में हुआ है ना. स्पीड थोड़ी स्लो लगेगी, सो आई हैव अ क्वेश्चन. मतलब इस पे मुझे बहुत कंफ्यूजन है, मैंने ढूंढने की भी कोशिश करी है बट कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी आता नहीं कभी नहीं आता. कोई बात नहीं. सपोज जैसे हम चार्ट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी के लाइक हाउ डू यू सी इट, किसी के अगर ऑलरेडी रेट्रो प्लैनेट्स हो और अगर इस टाइम एनवायरनमेंट में भी प्लैनेट्स रेट्रो हैं, तो क्या उसका इफेक्ट ज्यादा वर्स हो जाता है, लाइक आई थिंक यू ऑल्सो हैड पोस्टेड समथिंग लाइक दिस, या फिर हम कहेंगे उसका वो प्लैनेट सीधा हो जाता है लाइक एक लेमैन लैंग्वेज में. वो एप्लीकेशन पार्ट पे भी हम आएंगे जब हम व्हेन वी विल डिस्कस कुंडलीज. पहले एक बार एस्ट्रोनॉमिकल समझ लेते हैं फिर एस्ट्रोलॉजिकल पे आएंगे. अच्छा चलो, ओके ओके. तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 19 अक्टूबर के आगे ये आगे जा रहा है, क्योंकि ये रेट्रो होने वाला है 30 तारीख के अराउंड. इसकी स्पीड स्लो गई है अब. फिर जब ये स्लो होगा सीधे पीछे मूव नहीं करेगा, ये स्टेशनरी होगा पहले. अब ये स्टेशनरी हो गया है और अभी पीछे जाने लगेगा. कैन यू सी, देख रहे हो पीछे जा रहा है. अब देखो पीछे जा रहा है, सब आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहा है. मार्स टॉरस में गया, टॉरस में गया, कब तक रहेगा, 12 जनवरी तक. अब 12 जनवरी तक देखो रुक गया और फिर आगे आने लग गया, है ना. यस सर. इसी को हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, दैट इज इट. अगर कोई तुम्हें बोले कि ओरिजिनली तो रेट्रो कोई प्लैनेट होता नहीं हो तो हमें लगता है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्यों पड़ेगा. वो इन्फ्लुएंस उसका इसलिए पड़ेगा बिकॉज हमारी लाइफ किस पर चलती है, परसेप्टिव रियलिटी पे. फॉर एग्जांपल सन वो पूरब से उगता है पर एक्चुअली में कभी पूरब से नहीं उगता है. हमें जो स्टार्स भी आकाश में दिखते हैं एक्चुअली वो भी भ्रम है, वो भी इल्यूजन है. तुम्हें जो स्टार दिख रहा है कोई, आज अगर मान लो हबल टेलीस्कोप कोई फोटो खींच रहा है किसी गैलेक्सी की 20 लाख लाइट ईयर्स अवे दूर है. 1 लाइट ईयर का क्या मतलब होता है कि वहां से अगर लाइट निकली तो मेरी आंखों तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 साल. अगर कोई 20 लाख साल दूर है तो यानी 20 लाख साल पहले जो लाइट चली होगी वो मुझे 20 लाख साल के बाद मेरी आंखों पे पड़ेगी और तब मुझे उसकी इमेज दिखेगी. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इमेज, लाइट, राइट. यानी तुम आकाश में जो कुछ भी देख रहे हो आज भी वो एक्चुअलिटी नहीं है. हो सकता है वो शार अब खत्म हो चुका हो 20 लाख साल में. मान लेते हैं उनकी शाख खत्म हो गया, उसकी उम्र ही थी मान लो 5 लाख साल 10 लाख साल. वो पैदा हुआ, उसने रोशनी दी, वो मर गया. हो सकता है वो आज मर चुका हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे पास तो लाइट आ रही है वहां से. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो जो जो दिखता है वो बिकता है, ये नियम है ज्योतिष का, ठीक है. और वही यहाँ पे हम लगा रहे हैं. हमें क्या दिखता है, सूरज पूरब से उगता है. रियलिटी में कहाँ है, सेंटर में बैठा हुआ है. कभी वो राइज नहीं करता, कभी वो सेट नहीं होता है. क्या मतलब है उससे,
मेरा लाइफ तो बंधा हुआ है ना इससे कि पूरब में उगता है। आम आदमी को जब नहीं पता था कि सन सेंटर में, तब भी हम जीवन जी रहे थे। लेकिन जब हमें नॉलेज हुई, when we went beyond the concept of perceptive reality and when we found the actual reality, तो उसका हम और भी लाभ उठा पाए। और जो perceptive reality के beyond देख लेता है, उसी को हम wisdom बोलते हैं, उसी को तीसरी आंख बोलते हैं, उसी को objectivity बोलते हैं, ठीक है? Because वहाँ reference point टूट गया अब आपका, अब आप absolute reference point पे पहुँच गए हो। जब आप earth से बाहर निकल के space में से देखोगे, तो देखोगे shit, कुछ और ही हो रहा है। संतु सेंटर में बैठा हुआ है, ये तो भ्रम था। और मेरा जीवन किससे बंधा हुआ था? एक भ्रम से बंधा हुआ है। और क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी क्या करता है, वो परसेप्शन पे जीता है। जो दिखता है उसी को मान लेता है, उसी को हम कॉमन मैन बोलते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ेगा किसी भी एक चीज पे, और उनमें से जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ में आता है कि मोस्ट लॉजिकल है, मोस्ट रैशनल है, जिससे उसके लाइफ में कुछ बेनिफिट हो रहा है, उसको मानता है। इसीलिए हर किसी को क्या पढ़ना चाहिए, फिलोसफी क्यों पढ़नी चाहिए? बिकॉज व्हेन यू रीड फिलोसफी ऑफ लाइफ, आपको जीवन जीने का ढंग मिलता है। फॉर एग्जांपल, राम की फिलोसफी क्या है? अगर फादर ने बोल दिया कि वनवास जाना तो जाना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फादर मदर सबसे ऊपर है, ये राम की फिलोसफी है, ठीक है? कृष्ण की फिलोसफी कुछ और है, उसने बोला कि नहीं, कौन सी परसेप्टिव रियलिटी मेरे फायदेमंद है उसमें चले जाओ। छल करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, झूठ बोलना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राम की फिलोसफी क्या है? सत्य ही बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं। कृष्ण बोल रहा है कई बार बोलना पड़ता है धर्म के लिए। दोनों की फिलोसफी डिफरेंट है। राम सूर्य का एम्बॉडीमेंट है, प्योर सूर्य का एम्बॉडीमेंट है। कृष्ण चंद्रमा का एम्बॉडीमेंट है, इसलिए वो स्माइल करता रहता है, बदलता रहता है, बदल लेता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं यार, पहले मैं कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल दूंगा। इसीलिए कृष्ण का जो व्यक्तित्व है तुम्हें कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, राम का नहीं लगेगा, ठीक है? तो अगेन, कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज। तो रेट्रो से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो गया है, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो गया है तो उसका प्रभाव भी हमारे पे पड़ेगा, हमारा जीवन भी उससे बंधा हुआ है। यही अजम्पशन था रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करने का, कि हमारा बंधा हुआ है उससे जीवन। अब ये बंधा हुआ है कि नहीं है तो प्रमाण देख लेंगे कि जब मरकरी रेट्रो होता है और उस समय जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनका मरकरी में नॉर्मल गुण मिल रहे हैं या नॉर्मल से हटके गुण मिल रहे हैं? क्योंकि इन जनरल सारे प्लैनेट्स फॉरवर्ड मूव करते हैं, दिस इज नेचुरल नेचर ऑफ प्लैनेट्स। बट जब हम देखते हैं कि यार ये नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, रेट्रो जा रहा है, अब वहां पे रिजल्ट हमें डिफरेंट मिलेंगे। आप नॉर्मल प्लैनेट्स की जो ऊर्जा है उसमें नहीं मान सकते। यहां तक हमारा मेन चीज क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि रिलेटिव मोशन यही एस्ट्रोनॉमिकल है। एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हम डिफरेंट हो जाएंगी। एस्ट्रोनॉमिकली चीजें बहुत डिफरेंट होती है और एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ये पॉइंट क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल, आगे जाने को हम लोग क्या मानते हैं? फ्यूचर। जहां पर तुम हो अभी, इसको हम मानते हैं प्रेजेंट। और पीछे जाने को क्या मानते हैं? पास्ट। आगे बढ़ना ही नियति है तो फ्यूचर। जो पास्ट में ज्यादा जिएगा वो ऑटोमेटिकली रेट्रो हो जाएगा, और आज जो तुम हो वो तुम्हारा प्रेजेंट है। इसको एक और एग्जांपल देता हूँ, ऐसे अलग सा एग्जांपल है। जब तुम पैदा हुए, कुंडली में हमने काल पुरुष कुंडली में क्या पढ़ा है? फर्स्ट हाउस को कौन गवर्न करता है? एरीज। एट्थ हाउस को कौन गवर्न करता है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्या है? फिक्स साइन है। तुम जिस दिन पैदा हुए हो, मृत्यु ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। एस्ट्रो की दुनिया में कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, कि अकाल मित्र कुछ नहीं होता उसमें। मृत्यु है तो मृत्यु है, खत्म हो गई बात। अकाल तब बोल देते हैं जब हमें लगता है कि नॉर्मली एक यंग आदमी को जीना, मतलब एक यंग उम्र में मौत होना एक नॉर्मल चीज नहीं है, इसलिए उसको हम अकाल मृत्यु बोल देते हैं। लेकिन वो कुंडली में दिखेगा उसके, तुम्हें जो 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 जानकार है ज्योतिष का, उसको दिखेगा कि हाँ इसका मृत्यु का समय आ गया था। पॉइंट समझ में आई? मृत्यु और ये लाइफ स्पैन, इनका हम अगले कोर्स में बात करेंगे कि लाइफ स्पैन कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं। थोड़ा बहुत तुमने डिस्कस किया है कुछ एग्जाम्पल्स में, जैसे राहुल गांधी वाला, और वो हमने एग्जाम्पल्स चीखे थे इंदिरा गांधी वाले। बट इन जनरल, तो तुम जब पैदा हुए, तुम बढ़ रहे हो आगे की तरफ, और डेथ जो है वो तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रही है। अब तुम आगे बढ़ रहे हो,
और हर दिन क्या है, मृत्यु की तरफ तुम बढ़ रहे हो, या उसको उल्टा कर लो, तुम यहीं के यहीं हो और डेथ तुम्हारी तरफ आ रही है। डेथ तो तुम्हारी तरफ डेली आ रही है, किसी की 60 साल के को में पहुंचेगी, किसी की 80 में, किसी की 35 में, किसी की 40 में। तो कई बार लोग ये बोलते हैं डेथ इज रेट्रोग्रेड, व्हाई, इट इज बेस्ड अपॉन योर पास्ट लाइफ। मृत्यु कब होगी, वो पास्ट लाइफ पे बेस्ड है। वो अच्छी बात है कि बुरी बात है हमें नहीं पता। कोई बच्चा है मान लो 30 साल का पैदा हुआ होगा, और मान लो उसका अगले जन्म एलन मस्क के यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं उसको वैसा बाप लिखा है, तो 30 साल तक पैदा हुआ, मे बी उसने कुछ कर्म यहाँ पे गैदर किए उसे करने थे, अब वो मर गया, तो उस माँ के लिए तो बहुत दुख भरी चीज है कि 30 साल का लड़का मर गया। क्या पता वो एलन मस्क के यहाँ पैदा होने वाला हो, हु नोस। तो ऑब्जेक्टिवली क्या पर्पज है जल्दी मरने का, क्या है, क्यों है, हमें नहीं पता उसकी क्या इच्छा थी क्या नहीं थी, हमें नहीं पता उसकी मरते समय। पर हो सकता है जो भी उसे कर्म हो उसमें एक उम्र छोटी लिखी हो, बाद में उसकी उम्र 80 साल की लिखी हो, एलन मस्क का बेटा बन के वैसे उसके राज करना लिखा हो, वी डोंट नो। तो ये भी एक फिलोसफी हम बोल सकते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, डेथ पीछे की तरफ बढ़ रही है, डेथ आपकी तरफ अप्रोच कर रही है। डेथ किस पे बेस्ड है, पास्ट लाइफ पे बेस्ड है, इसीलिए हम उसको रेट्रो मान लेते हैं, डेथ इज ऑलवेज रेट्रो। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये इन जनरल एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। इसीलिए जिस भी घर का स्वामी रेट्रो हो जाता है वहां ये वो पूरा जीवन हर चीज ही कर्म पे बेस्ड है। ये जन्म बना किसके ऊपर है, इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि एक तो एक्सीडेंटल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स होती है। एक्सीडेंटल थ्योरी है कि माँ बाप ने कंज्यूमेट किया, 9 महीने बाद पैदा हो गया, उस समय जो मुझे फिजिकल एनवायरनमेंट मिला इन टर्म्स ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, तो मेरा जीवन चल रहा है उसके हिसाब से, मैंने कुछ नहीं किया है। बट ज्योतिष मान बट ऋषि मुनि मानते नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, सबका कारण है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई पास्ट लाइफ से हम कर्म लेके आए हैं, पास्ट लाइफ से हमने कर्म किया, आपका पैटर्न, तो जो भी हमने पैटर्न बनाया उसके हिसाब से हमें फल मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स जो मैंने पैटर्न बनाया उसके हिसाब से मुझे फल मिलेगा, हर चीज पास्ट लाइफ पे बेस्ड है। लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम छोड़ नहीं पाते हैं, जो हम भुला नहीं पाते, मरते दम तक वो चीजें हमारे पास ही रहती हैं, उसको उसके बारे में हम कुछ पाना चाहते हैं। एक तो वो हो गया जो हम पाना चाहते हैं, और एक क्योंकि हमारा इंटरेक्शन दूसरों से, अब मैंने मानो किसी का मर्डर कर दिया और उस बंद जो मर रहा है उसकी इच्छा है कि उसको मुझसे बदला लेना है, उसका उसको मुझे फल भोगना, मैं बंध गया हूं मैं उससे, वो एक कर्म हो गया बंधना, तो अब कल को वो भी आके मुझे मारेगा और साइकिल शुरू हो जाती है फिर मारने और मरने की। यहाँ अगेन रेट्रो का कंसेप्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज आपके अंदर बहुत दबी हुई रह गई हो, या किसी और के अंदर इच्छा दबी हुई रह गई हो आपको लेके, तो वो लेके पैदा होगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो किसी व्यक्ति की इच्छा रह गई हो कि वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत उसने पढ़ाई करी, और मरते समय उसके अंदर इच्छा रह गई कि यार यही बनना है अपने तो दोबारा, अगर दोबारा पैदा हूं तो एज एन एस्ट्रोलॉजर ही पैदा हूं। वो पैदा हो रहा है 2020 में, 2000 में, इस जमाने के करियर क्या है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ नॉर्मल करियर इन 2000 के अंदर, राइट। क्योंकि आगे वो 30 साल का होगा तो करियर चेंज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बहुत चीजें आ जाएंगी, तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ नॉर्मल करियर। तो अगर मान लो ये बच्चा पूर्व जन्म में ऐसा मरा था कि मुझे तो यही करियर चाहिए अगले जन्म, मेरे को और एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, मेरे को ऐसा करियर, मेरे को लोगों को गाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखोगे, अगर इसको प्रोफेशन इसका एस्ट्रोलॉजी का होगा कुछ ज्यादा ही, ठीक है, तो वी विल फाइंड दो तरीके हैं, या तो ये किसी पंडित के यहाँ पैदा हो, अगर पंडित के यहाँ पैदा होगा तो वहां तो नॉर्मल है एस्ट्रोलॉजर बनना, उस केस में शनि रेट्रो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पैदा होता है नॉर्मल किसी परिवार में, गांव में पैदा हो गया, पढ़ने वाले परिवार, वकील के यहाँ पैदा हो गया, सब घर में वकील की बातें करते हैं, और ये भाई साहब का पूरा मन लगता है एस्ट्रोलॉजी में और बोल रहे हैं मुझे प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे व्यक्ति का जो करियर है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं है, नॉर्मल से हटके हो गया, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का आपको शनि रेट्रो मिल जाएगा। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप सबको पता है शनि किसको रिप्रेजेंट करता है, करियर को। आज मैं पैदा हुआ गांव में, गांव से जयपुर आया, जयपुर से दिल्ली आ गया, आईआईटी कर ली, तो नेचुरल क्या है, आईआईटी करेगा तो आईएम करेगा, वो नॉर्मल हो गया, अब यूपीएससी भी नॉर्मल हो गया है, हो सकता है कि मतलब मान ले कि हाँ ठीक है नॉर्मल करियर प्रोग्रेशन है, लेकिन जहां वो आईआईटी करके उसने पूरा जीवन चेंज कर लिया, कुछ और ही करने लग गया नॉर्मल से हटके, लीक से हटके, अगर वो एस्ट्रोलॉजी करने लग गया तो इसका करियर पाथ नॉर्मल नहीं है फिर, राइट, नॉर्मल नहीं जा रहा है वो, कुछ नॉर्मल से हटके जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अब वो नॉर्मल से हटके वो ऊपर राइज करेगा या वो नीचे डाउनफॉल करेगा वो बात अलग है, वो किस पर डिपेंड करेगा हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन नॉर्मल से हट गया तो प्रेडिक्शन क्या आएगी, मेरी कुंडली में शनि कैसा होना चाहिए, नॉर्मल की रेट्रो? रेट्रो होगा, जब कुंडली देखोगे तो रेट्रो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा सैटर्न रेट्रो होगा या फिर जो टेंथ हाउस का स्वामी है वो रेट्रो हो जाएगा, या फिर लगन, लगन लगन भी रेट्रो हो सकता है इसमें, लगन भी व्यवहार लगन में, लेकिन कुछ और चीजें भी आती है तो लगन की बात नहीं करूंगा मैं, या फिर जो करियर का स्वामी है वो किसके साथ संबंध होगा उसका, राहु या केतु के साथ, क्यों, क्योंकि राहु और केतु तो होते ही रेट्रो हैं, हमेशा रेट्रो नहीं होते हैं ये हम बात कर चुके हैं, राहु और केतु भी स्टेशनरी होते हैं ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ इस लेक्चर में, हमेशा स्टेशनरी हमेशा ये भी रेट्रो नहीं होते, बट 98% या 95% या 90% टाइम राहु केतु रेट्रो होते हैं, इसीलिए जब भी इंसान की राहु या केतु का समय आता है जीवन में तो हमेशा हम क्या पाते हैं, वो बहुत समस्या में पाते हैं उसको, स्पेशली तब जब राहु या केतु कुंडली में नेगेटिवली प्लेस हो तो बहुत अचानक से उनके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं अचानक से, तो वो बोलते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमें ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान कहाँ है, कहाँ है न्याय, भगवान और न्याय की बात ही नहीं है, पूर्व जन्म कुछ कर्म कर रखे हैं उसके तुम्हें फल भोगने हैं, कौन देगा वो कर्म के फल, राहु केतु, इसीलिए राहु और केतु को लाल किताब में क्या बोला जाता है, वकील, और जज कौन है, कर्म का फल कौन देगा, सैटर्न, वो तो है ही कर्म, ठीक है, तो कर्म और फल भी आ गया और वकील भी आ गया, तो राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ में होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का भयंकर जो ज्ञान है वो उसमें होता है, और वो एक्टिवेट कब होगा, उसके फल कब मिलेंगे, वो मिलेगा जब समय आएगा राहु या केतु का या जिस ग्रह के साथ वो बैठा हो तब आएगा, इसीलिए राहु केतु रेट्रोग्रेड के टाइम चीजें बदल जाती हैं, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, इसलिए मेरा एक पोस्ट भी था इंस्टाग्राम पे कि जीवन में जितने भी तुम देखते हो जो बहुत बड़े आदमी बनते हैं नॉर्मल से हटके हैं, नॉर्मल से हटके पैसा, नॉर्मल से हटके चाहे पैसा हो चाहे सैडनेस हो कुछ भी हो, बिना रेट्रो के प्लैनेट्स नहीं है, जिनकी कुंडली में रेट्रो प्लैनेट्स नहीं होते उनकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, ठीक है, उनके जीवन में दिक्कत कब आती है, बज राहु और केतु के समय, वो भी क्यों आती है उस पर हम बात करेंगे, बट बाकी लोगों के जब तुम देखते हो अगर रेट्रो प्लैनेट्स हैं तो वो नॉर्मल से हटके हैं, बकरी, अब वो नॉर्मल से हटके अच्छा है कि बुरा, आज हमें वही समझना है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। यू नो व्हाट, मुझे एक चीज शेयर करनी, जैसे अभी आपने अपना एग्जांपल शेयर किया ना रेट्रो सैटर्न का एंड हाउ आप उस फैमिली में नहीं बोर्न है बट देन यू आर डेस्टिन्ड टू डू दिस सो यू आर डूइंग दिस, कहीं ना कहीं से वो चीज आनी थी, सो सेम इज दिस केस विद इन माय फैमिली, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, माय ब्रदर ही इज 16 इयर्स यंगर टू मी माय रियल ब्रदर एंड मतलब वो 6th क्लास में है, तो मैं कई बार जैसे मेरे साथ बैठा होता है वो अपना काम कर रहा होता है, मैं अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, अभी भी आज भी वो मेरे सामने वाले टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं अपने पे बैठ के पढ़ रही हूँ, एक उसके 7th हाउस में रेट्रो सैटर्न है, एग्जॉल्टेड सैटर्न है बट रेट्रो सैटर्न है, सो आप मानोगे नहीं, मुझे पता है क्या बोलता है, कहते मैं सोच रहा हूँ तू भी एस्ट्रोलॉजी करती है ना, मैं और मुझसे ऐसे ही बात करता है, कोई दीदी विदी वाला कुछ नहीं है, तू एस्ट्रोलॉजी करती है ना, मैं सोच रहा हूँ बड़े होके ना मैं भी सीखूंगा जरूर, यू नो कहीं ना कहीं से इट वाज रियली, एंड इनफैक्ट आई हैव अ सिस्टर आल्सो, शी इज लीस बॉदर्ड लीस इंटरेस्टेड बट दिस वन इज लाइक मेरा मन करता है एक बारी मैं भी ना सीखूंगा, वैसे मुझे ये करना नहीं है बट मैं सीखूंगा जरूर, वो करे ना करे वो डिपेंड करेगा उसके उसके बाद क्या क्या दशा आती है, क्या सपना आता है, एग्जैक्टली, लेकिन जब भी इन जनरल वैसे भी बोलना भी ना, नाउ दैट यू सेड दिस नो आई फील लाइक उसका बोलना आल्सो कहीं ना कहीं ही वाज ड्रॉन टू द साइंस राइट, दैट्स व्हाई इसीलिए अष्टम भाव के बारे में बात करेगा, या और इसीलिए अष्टम भाव किसका होता है, डेथ का होता है, डेथ इज ऑलवेज रेट्रो, इसीलिए क्या बोलते हैं कि अष्टम के साथ संबंध बन गया, स्कॉर्पियो के साथ संबंध बन गया, बोलते हैं ना पास्ट लाइफ, ट्रू फिक्स साइन, कार्मिक डेट, पेंडिंग कर्मा, ये सारे चीजें वहीं से आती हैं, पॉइंट समझ, कन्या राशि में भी आता है ऐसी बात नहीं है, बट स्कॉर्पियो मेनली, इसीलिए स्कॉर्पियो को बोलते हैं कि अगर स्कॉर्पियो का कोई प्लैनेट है तो उसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है और जब उसका समय आता है तो पूरी लाइफ अप एंड डाउन हो जाती है, अब वो गुड के लिए होगी बैड के लिए होगी, अचानक से घटनाएं घटती है वो पॉजिटिव के लिए कि नेगेटिव के लिए वो अलग बात है, पॉइंट समझ लो,
क्योंकि हम लोग आम आदमी का दिमाग क्या चल रहा है कि जो मैं आज कर रहा हूँ वो उसके हिसाब से बात करता है, उसे नहीं याद है ना पूर्व जन्म में क्या किया था, उसके फल तो मिलेंगे। और उसी को हम भाग्य बोलते हैं, भाग्य खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, वो आएगा एक दिन अचानक से और तब तुम चमक जाओगे ये क्या हो गया। तो वो जो एस्ट्रोलॉजी जिसको ज्ञान है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसको कभी लोड नहीं है, वो बदल तो वो भी नहीं पाएगा। जो नहीं जानता है वो भी नहीं बदल पाएगा, जो जानता है वो भी नहीं बदल पाएगा। फिर भी जो जानता है उसकी जो सर्टेनिटी है लाइफ में वो बेटर है। जो नहीं जानता है वो भी सर्टेन है, यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे तो ये फल मिल ही जाएगा, मैंने IAS मेरा निकल ही जाएगा, मैं तो पढ़ाता भी हूँ और ये करता हूँ, मेरा तो निकल ही जाएगा ये लगता है उसको। पर नहीं निकला ना, क्यों नहीं निकला? उसकी सर्टेनिटी थी कि यार निकल ही जाएगा, और जिसको पता है कि नहीं निकलेगा वो भी एक सर्टेनिटी है। लेकिन दोनों अपना कर्म कर रहे हैं फिर भी एग्जाम देने के लिए, दोनों की सर्टेनिटीज में भी डिफरेंस है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। खैर, कोई बंदा एज एन एस्ट्रोलॉजर बनेगा कि नहीं बनेगा उसमें देखना पड़ेगा हमें, कि 10th हाउस जो है, 10th हाउस बहुत मैटर करेगा उसमें, समझ लो। एक रुझान होना, रुझान तो आपको जुपिटर स्कॉर्पियो से भी आ जाएगा, रुझान तो जुपिटर अष्टम से भी आ जाएगा, रुझान तो आपका अष्टमेश लगन के साथ है तो भी आपका ऑकल्ट और इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर केतु का इन्फ्लुएंस आ गया 10th हाउस पे या लगन पे, लग्नेश पे, 10th लॉर्ड पे, तो भी आपका रुझान आ जाएगा। अगेन रेट्रो का प्रभाव आ गया ना, अष्टमेश को तो मैंने बोल ही दिया, उसमें एक तो है नेचुरली रेट्रोग्रेशन है उसके अंदर, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये मेरा डेरिवेशन है कि रेट्रो हो सकता है, मतलब होना चाहिए। अष्टमेश ये है कि भाई मतलब वो आनी वो बढ़ रहा है वो आपकी तरफ, राइट? जो आपकी तरफ बढ़ रहा है तो मतलब वो रेट्रो है, उल्टा आ रहा है, आप जा रहे हो सीधा, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है तो वो रेट्रो है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन जनरल रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, जब कोई प्लैनेट अर्थ के बहुत नियर पहुंच जाता है, क्लोजेस्ट, जब हम जुपिटर को क्रॉस करने वाले हैं, हम उसके नजदीक पहुंच गए, तो वहां रेट्रोग्रेशन हो जाता है। और डायरेक्ट कब होगा? जब हम दूर पहुंच जाएंगे। रेट्रो में क्या होगा? स्लो हो जाता है प्लैनेट, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इसीलिए उसके इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म रहते हैं। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, स्पीड्स होती है, क्रांति बोलते हैं, या उसकी गति होती है चर, अति चर, मंद, राइट? तो जो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं वो कभी भी रिजल्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं दे पाते हैं, लेकिन रेट्रो इतना स्लो है कि इसलिए उसके रिजल्ट्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हमें ज्यादा फील होते हैं, ज्यादा हमें एक्सपीरियंस होते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? ये रेट्रो का खेल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सवाल ये उठता है कौन कौन से प्लैनेट रेट्रो हो सकता है। एवरी प्लैनेट कैन बी रेट्रो एक्सेप्ट फॉर, कौन से रेट्रो नहीं होते हैं? सन और मून रेट्रो नहीं हो सकते, राइट? बिकॉज अर्थ किसी, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, यहाँ पे अर्थ रेफरेंस पॉइंट है, तो मून कभी अर्थ को ओवरटेक कर नहीं सकता, और सन एक्चुअल में स्टेशनरी है, हम सन को कभी ओवरटेक कर नहीं सकते। तो इन जनरल सन और मून कभी रेट्रो नहीं होते हैं, उसके अलावा सारे प्लैनेट्स रेट्रो हो जाते हैं, प्लूटो, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है? प्लूटो को प्लैनेट मानते हैं कि नहीं मानते, इस बारे में बात कर चुका हूँ पहले भी, वो साइंस की भाषा में प्लैनेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज का प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन सारे प्लैनेट्स की तरह नहीं है, सारे प्लैनेट्स प्लेनर हैं, लेकिन प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो बहुत ही अलग होता है, वो अलग ही मतलब वो कूदता फांदता रहता है, इसलिए उसको प्लैनेट साइंस वाले ना भी मानने फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लूटो किसी ग्रेविटी से बंधा हुआ है? सन की। हम किससे बंधे हुए हैं? सन की। तो वो हमारा पड़ोसी हो गया, कभी वो भी एरीज में जाएगा, कभी वो भी स्कॉर्पियो में जाएगा, कभी अर्थ के पास आएगा, कभी दूर जाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, ठीक है? तो रेट्रोग्रेशन क्या है? रियल मोशन नहीं है। इसको साइंस में क्या बोलते हैं? अपरेंट मोशन बोलते हैं, इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है? जनरली देखा जाता है सबका रेट्रो का टाइम होता है, जनरली सैटर्न जो है वो 140 डेज तक रेट्रो रहता है, ठीक है? अराउंड प्लस माइनस 5 डेज ये स्टेशनरी रहते हैं और फिर रेट्रो होते हैं। तो जब भी तुम कुंडली देखोगे, जनरली मेरा ये कहना होता है कि जब भी हम रेट्रोग्रेड किसी प्लैनेट में देखें, जब भी हम किसी भी कुंडली में हम देखें कि रेट्रोग्रेड है, जैसे ये अभी की कुंडली है, तो हम ये चेक कर, मान लो बच्चा पैदा हुआ है, ये मंगल वक्री है इसका, अब मान लो कि कोई 11 जनवरी को ही पैदा होगा, अब जैसे कि जैन 2023 मंगल वक्री 11 तारीख को, जनवरी को हम क्या देखते हैं 2023 को? मंगल वक्री है। 12 जनवरी को मंगल वक्री है। 13 जनवरी को
मंगल बकरी नहीं, तो क्या एक दिन में हट गया? हो सकता है एक दिन में हट गया, कुछ घंटों में हट गया। स्पेशली जुपिटर और सैटर्न के केस में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आर हट जाता है सॉफ्टवेयर से तो क्या स्टेशनरी को भी रेट्रो ही दिखाते हैं ये लोग। तो हो सकता है कि हमें जो रेट्रो दिख रहा हो वो स्टेशनरी हो, क्योंकि जैसे जुपिटर सैटर्न अचानक से कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, पहले वो पीछे जा रहे हैं फिर वो रुकते हैं कुछ टाइम के लिए, भारी प्लैनेट्स हैं उन्हें कुछ टाइम लगेगा मूवमेंट में और फिर वो आगे जाएंगे। तो किसी को जनरली इनको 5 दिन लगते हैं, तो उन 5 दिन में जब वो स्टेशनरी होगा प्लैनेट्स हमें क्या दिखाएंगे, प्लैनेट्स हमें क्या दिखाएंगे कि वो रेट्रोग्रेड है, बट वो रेट्रोग्रेड है नहीं, वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें चेक करना पड़ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार हमें चेक करना पड़ेगा आगे पीछे कि ये रेट्रो है या कहीं स्टेशनरी है। तो फिर वो चेक कैसे करते हो, लाइक? या मेरे पास तो सॉफ्टवेयर है, इसमें एफएमआरआई से चेक कर लो, या तो जैसे यहाँ पे एफएमआरआई से क्या पता पड़ रहा है। एक्चुअली पुण्या, आपको जिसका भी एफएमआरआई चाहिए ना, आप वो बस एफएमआरआई और उस साल का वो डाल दो। सर आप एक बात बताओगे, सॉरी लाइक अगर आपने बहुत लंबी क्लास नहीं प्लान करी, सो एक अभी रिसेंटली ना कुछ हम बात कर रहे थे, तो सर बताओ। अच्छा आप, सो रश्मि ने मुझे बताया शी थिंक्स दैट शी चेक्ड इट थ्रू समवेयर दैट माय राहु इज अकॉर्डिंग टू हर स्टेशनरी व्हिच इज वेरी यूनिक बिकॉज नेक्स्ट डे भी उसका चेंज हो रहा है एफएमआरआई से, उसने चेक किया। सर एक बार आप बताओगे कि वो रेट्रो में है या एफएमआरआई से चेक किया जाता है, जैसे मान लो एफएमआरआई होता है। था रश्मि ने चेक करके बताया था। हां तो वो हम बाद में चेक कर लेंगे, बट एफएमआरआई में जैसे यहां पे हम क्या देखते हैं, राहु का एफएमआरआई है। ठीक है ठीक है, अभी 19 डिग्री 11 पे 20 तारीख को, और 21 तारीख को क्या है, 19 डिग्री या तो बढ़ गया ना, या तो मतलब नहीं है ना रेट्रो, ये वाला राहु रेट्रो नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया है। अब ये देखो जो 23 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे उनका राहु क्या है, 24 को भी स्टेशनरी है। सॉरी या गॉट इट। ठीक है, तो स्टेशनरी में अलग इफेक्ट होते हैं, रेट्रो में अलग इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट में अलग इफेक्ट होते हैं। लेकिन स्टेशनरी के क्या इफेक्ट्स होते हैं इसमें कोई किताब नहीं है, बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है रेट्रो प्लैनेट्स पे ऑनलाइन। वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने कर रखा है, उसको पढ़ सकते हो, बट यार वेस्टर्न फिलोसोफर्स का क्या रहता है ना, प्रेडिक्टिव पार्ट बहुत ही कमजोर है। सर वो तो खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, लाइक जैसे आई एम बोर्न ऑन स्टेशनरी राहु और मेरी शादी भी स्टेशनरी राहु में ही हुई है, सो दैट वाज वेरी यूनिक थिंग, यू नो। तो अभी आई एम डूइंग रिसर्च ऑन इट और मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है स्टेशनरी राहु वाले कि मैं उनका डेटा कलेक्ट करूं और ये बोलूं कि पूछूं उनसे कि उनकी लाइफ के जो मेन इवेंट, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट है, वो स्टेशनरी राहु में ही हुए हुए हैं या कैसे हुए हुए हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू चेक करना पड़ेगा हर, उसमें क्या तरीका है, तो हर एक बंदे की कुंडली देखो। यस सर, या हर एक बंदे की कुंडली देखो, उसमें चेक करो कि भाई इसका राहु कैसा है, एक दो दिन पहले राहु क्या था, स्टेशनरी डायरेक्ट क्या है, तो उसमें पता पड़ेगा। जो भी डेट आता है ना सर, सबसे पहले मैं उसका राहु ही चेक करती हूँ। दैट्स व्हाई मैंने पुण्याक का चेक करा, तो उसका नेक्स्ट डे डिक्लाइन हो रहा था, तो आई वाज रियली नॉट श्योर कि इसका आएगा स्टेशनरी राहु में। तो मैं इसके अभी देखो, हमें तो क्या डे वाला मिल रहा है, फिर हमें रियल टाइम देखना पड़ेगा। जी मैं जी, क्या करोगे आप फिर कुंडली बनाओगे जिस टाइम पे ये पैदा हुई है उसके 2 घंटे बाद ही कुंडली बना, और चेक कर राहु की डिग्री क्या दिखा रहा है उनमें। अगर उसमें डिग्री बढ़ गई तो पता है कि डायरेक्ट है, नहीं बढ़ी तो स्टेशनरी है फिर तो इसका। That's a very good idea. Yes, sir. तो अब रियल टाइम में देखने के लिए कुंडली ना चेक कर लो, यही करता हूँ मैं तो। Cool idea. Yes, sir. ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और सर बाकी बच्चों के लिए भी यही है कि एफएमआरआई अगर किसी ने देखना है और सॉफ्टवेयर्स नहीं है, तो बेस्ट यही है एफएमआरआई गूगल पे डाल के उसका ईयर डाल दो, पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक का एफएमआरआई आ जाता है उसमें। अगर सर हाँ यही कर रहा था रश्मि ने, मैंने भी वो पिक्चर खोली तो मेरे बर्थ से एक दिन पहले 11:45 डिग्रीज है आई थिंक राहु की, मेरे बर्थ वाले दिन भी 11:45 है, और उसके बाद नेक्स्ट डे से 7th दिसंबर को 11:43 हो गई, दैट मींस स्टेशनरी है राइट। या नेक्स्ट डे से मत देखो उसको, अगर नेक्स्ट डे नीचे जा रहा है तो क्या पता मेरे टाइम भी नीचे जा रहा हो, तो उसको चेक करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे 2 घंटे बाद भी स्टेशनरी था गया। ऐसा तो नहीं कि मेरे पैदा होने के 6 घंटे बाद फिर वो नीचे जाने लग गया हो। सब वो आर वाइज भी होता है चेक। अरे आर वाइज चेक करने के लिए हम कुंडली बना लेंगे ना 2 घंटे बाद की। अच्छा अच्छा, मतलब अगर राहु की डिग्री निकाल लेंगे कुंडली में तो राहु की एग्जैक्ट डिग्री मिल जाएगी ना तुम्हें। ठीक है, ठीक है। ये अभी लड़का है 15 सितंबर 1990 21:24 दिल्ली। ठीक है,
अब मेरे में क्या दिखा रहा है, ये रेट्रो दिखा रहा है, मर्करी भी रेट्रो दिखा रहा है, बट एक्चुअली में इसका मर्करी स्टेशनरी है। तो से एफएमआरई से अगर हम देखें 11 सितंबर इनफैक्ट सर शायद आज से लेके 21st तक यानी कल तक राहु इज डायरेक्ट, तो ये अभी राहु का डायरेक्ट टाइम चल रहा है। ओके सो आई थिंक इस ये चीज देखने के लिए ना लाइक इतनी डिटेल्स देखने के लिए आई फील सॉफ्टवेयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो सॉफ्टवेयर में चेक कर लो ना, अगर तुम्हारे पास एफएमआरई नहीं भी है तो कुंडली लगा के देख लो अगले दिन की। हाँ मैं तो अभी ऑनलाइन ही चेक करती हूँ एस्ट्रो सीट से, बट आई थिंक तुमने इतना इजी तरीका दे दिया है, कुंडली बना के चेक कर लो अगले दिन की क्या दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 1990 मैंने बनाई है एफएमआरएस, ये बच्चा कब पैदा हुआ है 15 सितंबर 1990 21-24 दिल्ली, मर्करी रेट्रो दिखा रहा है इसका और सैटर्न क्या दिखा रहा है रेट्रो, बट एक्चुअली में यहाँ देखते हैं जब हम तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे एफएमआरएस में 17 को रेट्रो खत्म हो गया है राइट। भाई इसने क्या दिखाया कि 15 को भी रेट्रो रेट्रोग्रेड था, फिर 16-17 को रेट्रो था और फिर खत्म हो गया, कब खत्म हुआ 18 को, लेकिन एक्चुअली में क्या है मर्करी मोटा मोटी 2 दिन तक रहता है स्टेशनरी में, 2 या 1 दिन स्टैग्नेंट रहता है तो, और सैटर्न तो पक्का ही इसमें कहीं ना कहीं मतलब सैटर्न का खत्म हो रहा है 23 को खत्म हो रहा है, यानी अभी रेट्रो से हट रहा है, इसके जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रो से हटने की तैयारी में है मर्करी और सैटर्न, अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुंडली में कई बार ये भी देखना पड़ता है हमें कि रेट्रो कौन से वाले हैं, ये अभी जस्ट रेट्रो हुआ है तो मतलब मान लो अगर प्लैनेट रेट्रो होता है तो पहले क्या होता है स्टेशनरी फिर पीछे जाता है, और एक जब रेट्रो हटता है तो क्या होगा पहले स्टेशनरी फिर आगे जाएगा, तो ये भी हमको देखना पड़ता है कि कौन से वाला स्टेशनरी प्लैनेट है, ये स्टेशनरी बाद में आगे की तरफ जाने वाला है या स्टेशनरी बाद में पीछे की तरफ जाने वाला है, तो जो स्टेशनरी पीछे की तरफ जाने वाला होगा उसमें आपको रेट्रो के प्रभाव मिल जाएंगे ज्यादा या बाद में मिल जाएंगे, और जो आगे की तरफ जाने वाला है तो यानी वो रेट्रो से हट रहा है तो ऐसे में रेट्रो की क्वालिटीज कम मिलेंगी, रेट्रो हटने की ज्यादा, पॉइंट समझ में आ रहा है। और वो उस व्यक्ति से जब तुम बात करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा मर्करी रेट्रो, ये स्टेशनरी वाला मर्करी, ये डायरेक्ट वाला मर्करी रेट्रो है या रेट्रो वाला डायरेक्ट स्टेशनरी है, जैसे कि इसमें 2 दिन बाद ही हट गया मर्करी रेट्रो से, इसमें सैटर्न 4-5 दिन बाद ही हट गया, तो काइंड ऑफ स्टेशनरी पोजिशन पे है बेसिकली, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं हुआ क्लियर मेरे भाइयों। जब प्लैनेट रेट्रो होगा तो पहले वो आगे जा रहा था, फिर क्या होगा अब उसकी स्पीड स्लो होने लगी, फिर वो स्टेशनरी हो गया, फिर वो पीछे जाएगा ना, कभी भी गाड़ी रिवर्स लेते हो तो क्या सीधी फॉरवर्ड से रिवर्स ले लेते हो, पहले ब्रेक मारते हो जीरो पे लाते हो फिर रिवर्स जाते हो, पहले लेके आएंगे ना अपन उसकी वेलोसिटी जीरो पे लेके आएंगे ना पहले अपन राइट। कार अगर आगे की तरफ बढ़ रही है तो पहले मैं उसको ब्रेक मारूंगा जीरो पे लेके आऊंगा न्यूट्रल डाला फिर रिवर्स गियर डाला फिर पीछे गया, यानी एक टाइम तो ऐसा आया ना आगे और पीछे जाने में जब मैं स्टेशनरी हुआ, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। तो आगे और पीछे जाने मुझे अगर पीछे जाना है तो भी स्टेशनरी होना पड़ेगा, और अगर मैं रिवर्स गियर में हूँ और मुझे आगे जाना है तो भी मुझे अपनी अपनी स्पीड जीरो करनी पड़ेगी, फर्स्ट गियर डालूंगा फिर आगे जाऊंगा, तो इनमें से अच्छा या बुरे की बात नहीं हो रही है अभी, बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि नेचर में कई बार अंतर मिलेगा तुम्हें, रेट्रो मर्करी में भी तुम्हें अंतर मिलेगा, तो अगर वो रेट्रो मर्करी के ऐसे पैदा हुआ है कि 1-2 दिन के बाद ही डायरेक्ट होने वाला है ना, तो यानी वो जो उसमें जो तुम्हें गुण मिलेंगे थोड़े से रेट्रो के भी मिलेंगे बट इन जनरल वो आगे की तरफ वाले ही मिलेंगे, पॉइंट समझ में मिल रहा है आ रहा है। yes, वो गुण क्या होंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार हमें मर्करी डायरेक्ट के गुण पता है रेट्रो के गुण नहीं पता है वो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन इन जनरल ये कंसेप्ट समझ लो। कई बार हम ये भी देखते हैं कि सैटर्न मान लो फॉर एग्जांपल अभी सैटर्न एक्वेरियस में गया था, कब गया था सैटर्न एक्वेरियस में, अप्रैल में गया था ना। यस yes. और फिर एक्वेरियस से कहाँ गया वो, सैटर्न एक्वेरियस से कहाँ गया बट ओके रेट्रो हो गया कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न में आ गया एग्जैक्टली। तो हम बोलते हैं डिमोटेड स्टेज,
कि कहां वो दूसरी राशि में चला गया था और फिर अपनी राशि से हटके किसी और राशि में चला गया। देखो सैटर्न क्या था, पहले मकर राशि में था, एक्वेरियस में आ गया मई में 2022 में, फिर जून में रेट्रो हो गया, 1 डिग्री पे रेट्रो हो गया। अब यानी 1 डिग्री पे रेट्रो हो गया है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये जीरो को भी टच करेगा, और जैसे ही 0 डिग्री टच करेगा तो क्या होगा, इट विल गो बैक इन जहां से वो आया था, वो कैप्रिकॉर्न से निकल के आया था। देखो ना कैप्रिकॉर्न से निकल के ये गया था एक्वेरियस में, और ये दोबारा एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 11 से 10 में। यस सर। इसका मतलब एक राशि पूरी, इसने राशि ही ट्रिप मार ली, बॉर्डर क्रॉस करी, फिर दोबारा इसको अपने घर आना पड़ रहा है। इसको ज्यादा, इसको इसको अच्छा नहीं मानते बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं डिमोटेड स्टेज, पावर कम मानते हैं इसमें। एक तो होता है कि सैटर्न रेट्रो 25 डिग्री पे, कितना आ जाएगा 20 डिग्री पर, रहेगा सैजिटेरियस में ही और फिर हो गया डायरेक्ट। और एक है रेट्रोग्रेशन डिमोशन वाला, कि वो पीछे आ गया, उसको बोलते हैं डिमोटेड स्टेज। इनका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पढ़ेंगे अभी आगे, बट इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। बाकी बच्चे क्लियर है? रेट्रोग्रेशन कितने सारे देख लिए अपन ने, एक तो वो रेट्रो है कि उसे पीछे जाना है, एक वो हो रहा है कि उसको आगे जाना है, राइट? स्टेशनरी जो हमने समझा रेट्रो के कंटेक्स्ट में, एक स्टेशनरी तो वो होता है जब आप आगे मूव कर रहे थे मौज मस्ती में, अब आपको पीछे की तरफ जाने की तैयारी करनी है, पास्ट लाइफ में जाने की तैयारी करनी है, तो आपको पहले स्टेशनरी होना पड़ेगा फिर आप जाओगे पास्ट लाइफ में। एक ही पास्ट लाइफ मैंने देख ली, अब मुझे बस फल भोग लिए, अब मुझे आगे जाना है, तो फिर स्टेशनरी होगे और फिर आगे जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्लियर है कि नहीं है? हेलो, ये क्लियर है सर? क्लियर है। गुड। तो इन जनरल सैटर्न जो है वो 140 डेज के लिए तुम सब ऑनलाइन मिल जाएगा, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं मैं कि सैटर्न कितने दिन रेट्रो, साइंटिफिकली फैक्ट है। इन जनरल सैटर्न 140 डेज यानी करीब करीब 4 महीना 4.5 महीना हर साल रेट्रो रहता है, यानी हर साल जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 120 दिन बकरी शनि लेके पैदा होते हैं। उसी प्रकार से स्टेशनरी कितने टाइम रहता है, करीब करीब 5 दिन स्टेशनरी रहता है, प्लस माइनस 5 डेज, ठीक है? तो स्टेशनरी पोजिशन 5 दिन तक स्टेशनरी रहता है, डायरेक्ट होने से पहले 5 दिन स्टेशनरी रहेगा और रेट्रो होने से पहले 5 दिन स्टेशनरी रहेगा। जुपिटर 120 दिन रेट्रो रहता है, वीनस रहता है 42 डेज तक, ठीक है? मरकरी रहता है 24 दिनों तक। तो जुपिटर भी करीब करीब 4-5 दिन स्टेशनरी रहता है, वीनस 2 दिन तक तुम बोल सकते हो स्टैग्नेशन रहता है, सेम डिग्री पर रहता है, मूव नहीं करता है, और मरकरी 24 दिन के लिए रेट्रो होगा तो करीब करीब 1 दिन के लिए स्टैग्नेशन रहता है उसका। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, रेट्रो कब होगा, जब सन से सबसे दूर होगा और अर्थ के सबसे नजदीक होगा, जनरली तब रेट्रोग्रेशन देखा जाता है। रेट्रोग्रेशन का पूरा प्रिंसिपल डिपेंड करता है कितनी दूरी पे है सन से और अर्थ से कितने नजदीक है, तो उसका हमें इफेक्ट आ जाता है, ठीक है? क्योंकि अर्थ के बहुत नजदीक होते हैं प्लैनेट्स, तो अर्थ पे उसका इफेक्ट काफी ज्यादा आता है, ठीक है? उसी प्रकार से मान लो अब जो बड़े बड़े रेट्रो जुपिटर सैटर्न दोनों रेट्रो हो गए और वो साथ में आ गए, दो रेट्रो प्लैनेट साथ में आएंगे तो क्या होगा, उसका प्रभाव भी अलग हो जाता है, ठीक है? उसको भी हम थोड़ा समझ लेंगे। और वीनस मरकरी बहुत पास रहते हैं, तो अगर दोनों ही रेट्रो हो गए, अभी कंबस्ट भी बहुत जल्दी आते हैं, क्यों? क्योंकि इस विदिन सन के 45 डिग्री के अंदर रहते हैं वीनस और मरकरी इन जनरल, उससे ज्यादा नहीं आते। ऐसा नहीं कि सन 4th हाउस में और वीनस 10th हाउस में पहुंच जाए, ऐसा नहीं देखोगे तुम कभी, वो हमेशा एक घर पीछे एक घर आगे, इसी में उसका पूरा जीवन है वीनस मरकरी का। सन के, सन क्या है, आत्मा, इसीलिए जनरली लोगों के पास इंटेलिजेंस है, बस मकरी आत्मा के आसपास ही घूमता है, सुंदरता का और एक वो ग्लैमर वाला है क्योंकि उसके आसपास ही घूमता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? खाना पीना मिल ही जाता है आदमी को, वीनस में फूड आता है, खाना पीना मिल ही जाता है आदमी को। तो इन जनरल रेट्रो और कंबशन भी साथ में हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो जनरली उसमें कंबशन का प्रभाव नहीं दिखता है या नहीं देखा जाता है, ठीक है? देखो तुम लोगों को बताना था, मैं बताया था मैंने,
ढूंढ नहीं पाया, आवाज नहीं आ रही है। ओके हेलो, आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। तो रेट्रोग्रेशन में कंबशन का प्रभाव नहीं मिलता है इन जनरल, ठीक है। वो सन से दूर जा रहा है, सन से बहुत दूर होता है, अर्थ के नजदीक होता है, तो उसमें इतना रेट्रोग्रेड का इफेक्ट और सॉरी कंबशन का इफेक्ट हमें नहीं मिलता है। तो परसेंटेज वाइज तुम्हें देख लो, अराउंड 37% सैटर्न रेट्रोग्रेड रहता है, मर्करी 20% रेट्रो रहता है, जुपिटर 30% रेट्रो रहता है साल में, मंगल भी कर लो मतलब 15-19% रेट्रो रहता है, और वीनस करीब करीब 18% टाइम रेट्रो रहता है अगर मैं उसको एक साल के हिसाब से देखूँ तो, ठीक है। कुंडली में ऐसी कुंडली मिलना जिसमें कोई भी ग्रह रेट्रो ना हो, ठीक है, ऐसा कम होता है। और इसमें नेपट्यून यूरेनस प्लूटो तो भी तुम्हें मिल जाएंगे रेट्रो, कल को मान लो नॉर्मल प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड नहीं है तो तुम्हें यूरेनस नेपट्यून प्लूटो तो मिल ही जाएंगे रेट्रोग्रेड, इसलिए बहुत ही कम कुंडलियां जिनमें कोई भी रेट्रो ना हो, यूरेनस नेपट्यून प्लूटो भी रेट्रो ना हो, और मैं राहु की तो इनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जो फिजिकल प्लैनेट्स हैं, कि यूरेनस नेपट्यून प्लूटो भी रेट्रो ना हो और जुपिटर सैटर्न मार्स मर्करी वीनस भी रेट्रो ना हो, ठीक है, ये सारे रेट्रो ना हो किसी कुंडली में, तो ऐसी कुंडलियां ऑन एन एवरेज सिर्फ 8% कुंडली से तुम्हें मिलेंगी, अराउंड 8% कुंडली से तुम्हें ऐसी मिलेंगी जिसमें कुछ भी रेट्रोग्रेड ना होगा। तो फिर ये नॉर्मल लाइफ होगी या क्या होगा फिर, लाइक अभी आएंगे 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 सर, मैंने राहू केतु को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, उसके अलावा सारे प्लैनेट्स वो तो वही तो कह रही हूं। हां तो मेरा कोई भी रेट्रो नहीं है, मैंने मेरा भी कोई रेट्रो नहीं है, अगर यूरेनस नेपट्यून प्लूटो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है कुछ भी रेट्रो नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मल लाइफ है, जनरली एवरेज लाइफ होती है, ठीक है, उनकी रेट्रो का मतलब कुछ हटके, और दुनिया में जो कुछ मचाता है वो हटके वाले कराते हैं, जो नॉर्मल रहेगा वहाँ पे नॉर्मल रिजल्ट आएंगे, नॉर्मल एक्शन नॉर्मल रिजल्ट। थैंक्स फॉर ब्रेकिंग आवर बबल, ठीक है। राहु की तो है ना यार, अब अगर तुम्हारा नहीं नहीं आई नो व्हाट यू साथ में हो गया तो फिर रेट्रो का प्रभाव तो आ ही गया, तो राहु की तो है ना क्या, किसके साथ हो गया? अरे राहु केतु, दैट्स देयर, या वेल आ गया राहु की तो रेट्रो का प्रभाव आ ही जाएगा, ये भी बाकी जो फिजिकल प्लैनेट्स हैं उनकी रेट्रो की बात हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ इफ यू सी कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता रहता है, आई थिंक दैट्स बिकॉज़ ऑफ राहु केतु, अदरवाइज तो लाइफ कितनी नॉर्मल और बिल्कुल मंडीन हो जाए, बट हाँ आई थिंक जब रेट्रो प्लैनेट भी हो, राहु केतु तो है ही, रेट्रो प्लैनेट भी हो, दैट मेक्स इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली रेट्रो ना होना कोई भी, और अगर तुम्हारा लग्न भी है लग्नेश भी राहु केतु से इन्वॉल्व नहीं है फिर तो मतलब ये भी एक यूनिक बात है बेसिकली, फिर ये अलग यूनिक बात हो गई। या आई हैव इट, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, दो या तीन प्लैनेट रेट्रो होना है कॉमन बात है, और कोई ना कोई रेट्रो प्लैनेट मिल जाना किसी कुंडली में नॉर्मल बात है, ठीक है। स्टैग्नेशन में होता क्या है, क्वालिटीज जो होती है वो फुल पावर हो जाती है, मतलब फुल पावर, भैया आप आगे बढ़ रहे हो, आगे मैं अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक करते थे बोले सर जरा पढ़ाना एस्ट्रोलॉजी, मैं बोलूँगा आप सुनो पढ़ो पढ़ो, तो तुम ये नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो, एक मैं खड़ा हो गया, स्थिर हो गया, अब आ जा बेटा, अब तेरे को पूछ क्या पूछना है, मेरा दिमाग एकदम स्थिर है, अब क्या पूछना है क्या नहीं। तो स्टैग्नेशन के अंदर प्लैनेट की जो क्वालिटीज हैं वो फुल पावर मिलती है अपने को, यानी सैटर्न एक इंसान को वर्कहॉलिक बनाता है, तो जिसका सैटर्न स्टेशनरी हो गया वो भयंकर वर्कहॉलिक है, उसका उसको बीट नहीं कर सकता, मतलब अनबीटेबल टाइप है, उसके अंदर सैटर्न की जो क्वालिटीज है फुल टूस मिलेंगी, ये मैं मांग के चल रहा हूँ, अच्छा और पॉजिटिव सैटर्न का एग्जाम्पल लिया है। ऐसी अगर किसी का सैटर्न स्टेग्नेशन में और खराब हो गया, बर्बाद हो गया, अष्टम में आ गया, पाप प्रभाव में आ गया, खराब नक्षत्र खराब नवाम सब कुछ हो गया, तो उसमें क्वालिटीज फुल टूस मिलती है, मतलब उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं रह जाता, मतलब सैटर्न का एक एक कारक तत्व जो है फुल सफर करता है उसमें, और सैटर्न अगर स्टेशनरी में अच्छा है तो एक एक कारक तत्व उसका फुल टूस जाता है, ठीक है, इतना जरूर हम बोल सकते हैं। इवन दो कोई बहुत स्टडी नहीं है बट स्टैग्नेशन में तुम्हें पूरा क्वालिटी, यानी अगर राहु आपके मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को बताता है, राहु आपकी इच्छाओं को बताता है, तो जिनका राहु स्टेशनरी है
उनको फिर राहु का फुल पावर मिलता है। तो राहु क्या देता है? भयंकर पैसा जो होता है वो एक ही प्लैनेट देता है, राहु, याद रखना हमेशा। तो अगर आपका राहु अच्छी पोजीशन में है, कुंडली में वेल प्लेस्ड है, शुभ प्रभाव में है और शानदार प्लेस्ड है, उसके जो एम्बिशन अगर पूरे होंगे तो वो कुछ भी पकड़ सकता है, मतलब दुनिया का कुछ भी मिल जाएगा उसको। ऑफकोर्स में बहुत सारे फैक्टर्स करेंगे, लगन कैसा है, किस लेवल पे मिलेंगे, बट मिल जाएंगे। तो राहु स्टेशनरी होना एक बहुत ही है आपका, तो उसमें फुल पावर, मतलब वो उसका स्वभाव कैसा होगा, जब आप उससे बात करोगे तो वो बोलेगा भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, तो वो चाहिए, चांद पे जाना है मेरे को, वो बात ही नहीं करेगा नॉर्मल, और जाके रहेगा भी अगर राहु वेल प्लेस्ड होगा। नहीं होगा तो फिर उसकी जब बैंड बजेगी तो वो भी नेगेटिवली बैंड बजेगी। बस इतना समझ लो स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, फुल पावर। ये क्लियर है? यस सर। जो कहीं ना कहीं जब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं तो उनका अप्रोच इन लाइफ बहुत ही सीधा और सरल होता है, सरल सीधा जिसको बोलते हैं, वो आगे ही बढ़ता रहता है, बोले भाई पीछे का मैं देखता नहीं, मैं तो आगे चलता रहा, सीधा सरल आदमी हो, तो उनका अप्रोच भी लाइफ में बहुत डिटरमाइंड होता है, काम कर रहे हैं, किया आगे, चलते बने, जयराम जी। ठीक है, कोई बहुत कि मुझे इससे अप्रिसिएशन मिल जाए, मुझे इससे वो हो जाए, ये हो जाए, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के कारकत्व के रूप में वो उनको इतना कुछ नहीं होता है ना। तो वेरी जिनके प्योरली डायरेक्ट प्लैनेट्स हैं और जीरो प्लैनेट रेट्रो है कुंडली में, तो उन व्यक्तियों से जब तुम मिलोगे तो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, और कोई भी समस्या आएगी कुछ टाइम ठीक है रोएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा पास्ट ओरिएंटेड नहीं है, समझ रहे हो, फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इसलिए जिनका लग्नेश वक्री हो जाता है वो इन जनरली पास्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं, वो अपने पास के कुछ गुण अपनी पूरी पर्सनालिटी में लेके आएंगे। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? आपकी बॉडी को। तो अगर आपका मंगल वक्री है, ठीक है, और लग्नेश हो गया मंगल, मान लो एरीज लगन है और लग्नेश वक्री हो गया, उसकी जो बॉडी है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट मिल जाएगा, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिल जाएगा, उसका सर बड़ा मिल जाएगा उसका आपको, उसकी बॉडी से आपको हाथ बड़े मिल जाएंगे, वो एसिमेट्री आ जाएगी। रेट्रो मतलब एसिमेट्री, सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, सिमेट्री, रेट्रो मतलब एसिमेट्री आ गई लाइफ में कुछ, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव डिपेंड करेगा। जनरली अगर तुम देखते हो कि कोई बोना है, मान लो कोई बोना आदमी है, जैसे कि कौन है यार बोना, बहुत फेमस है, टीरियन लैनिस्टर था, राइट, पीटर डिंकलेज, नाउ ही इज अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, राइट। नाउ अगर वो, सोचो तुम एक बार, अगर वो मिजेट नहीं होता, उसकी हाइट छोटी नहीं रह जाती, क्या उसे कभी गेम ऑफ थ्रोन से मौका मिलता इस रोल का जिससे वो फेमस हुआ, वर्ल्ड फेमस, राइट? क्योंकि जो उसका राइटर है, उसका मैं नाम भूल गया, उसके राइटर का नाम गेम ऑफ थ्रोन्स का, मार्टिन, हाँ, जॉर्ज आर आर मार्टिन, एग्जैक्टली। तो जॉर्ज आर आर मार्टिन ने जब भी लिखा होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि उसको ध्यान में रख के लिखा होगा, उसने लिखा एक आइडिया, तो वो इन जनरल तुम पुराने टाइम में देखना, बड़ा इनको अच्छा नहीं मानते थे, कोई बोना पैदा हो गया, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, किसी की लिम्प है, हमेशा ना इविल लोगों को ऐसे दिखाया गया है, किसी को काना दिखा दिया, किसी को लंगड़ा दिखा दिया, किसी को छोटा दिखा दिया। अब तो खैर बिकॉज ऑफ सोशल पॉलिसीज वो आ गया कि इससे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग उन पर नेगेटिव असर पड़ता है, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बट इसके पीछे कारण क्या था? वो कारण ये था कि भाई कोई ग्रह उनको वक्री मिला हुआ है कुंडली में, क्यों मिला है वक्री, पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इवेंट किया जिसका फल उनको भोगना है, अभी वो पूर्व जन्म में भोगा नहीं है इन्होंने, अभी पूर्व जन्म में कुछ चीजें जो छोड़ नहीं पाए, पर ऐसा एक बहुत सीरियस इवेंट है, सीरियसली एक्यूमुलेटेड कोई कर्मा है जिसका इनको कई टाइम तक भोगना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी ने श्राप दे दिया, एग्जांपल ले लेते हैं, होता है कि नहीं होता है इस पर तुम लोग अपना पर्सनल दिमाग लगाना, मान लो किसी ने श्राप दे दिया कि तो अगले 5 जन्म तक गूंगा पैदा होगा, एज ए फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें उस बंदे की कुंडली में वक्री प्लैनेट दिखेंगे हमेशा, तो 5 जन्म पूरे ना हो जाए, क्योंकि वो जो है वो कुछ भोग रहा है पास्ट के एक्शन के कारण, राइट। तो इन जनरली पूरी कुंडली उसके ऊपर है, पास्ट लाइफ कर्मा पे, लेकिन कुछ स्पेशल कर्म होते हैं जो आपने किए होते हैं जिनके फल आपको भोगने पड़ेंगे, कुछ आपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हासिल कर ली है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वेदर इन टर्म्स ऑफ कर्स या इन टर्म्स ऑफ बून या आशीर्वाद, वो तो आपको फल मिलेगा बॉस, ठीक है। तो अगर हम पीटर डिंकलेज की कुंडली देखेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसी ग्रह में रेट्रो प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होगा या मंगल रेट्रो, मंगल इन जनरल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है,
इसीलिए मंगल का रेट्रो ना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, क्यों? क्योंकि आयु का स्वामी है मंगल, आपकी बॉडी का स्वामी है मंगल, तो उसमें स्पेशल कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आएगा, या तो कमी लेके आएगा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी करेगा, कब लंबी करेगा कब छोटी करेगा हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन इन जनरल अभी देखना कि जो भी लोग मिजेट्स हैं तो तुमने कुंडली देखोगे बकरी तुम्हें दिख जाएंगे ग्रह कहीं ना कहीं सर, वो लगन में दिखेंगे उनके फर्स्ट हाउस में दिखेंगे। नहीं 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 हाँ देखो अगर पीटर डिंकलेज के केस में तो बॉडी छोटी रहेगी तो कहीं ना कहीं लगन पे राहु केतु का प्रभाव, लगन पाप कर्तरी में लग्नेश कमजोर या लग्नेश वक्री या लगन का वक्री के साथ संबंधित तुम्हें मिल जाएगा लगन में या नवांश में। पीटर डिंकलेज की हमें कुंडली तो नहीं पता है बट डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी हम निकाले आई थिंक उसमें हमें बकरी मिल सकते हैं, मतलब कुंडली तो नहीं पता बट एक मंगल बकरी इतना इजीली नहीं होता है, डेढ़ साल में 26 महीने में होता है जनरली। अब जैसे कि इसमें मिली गया है, 11 जून 1969 को मंगल क्या था? बकरी है सर, बकरी है ठीक है। अभी देख लो शनि कितना बढ़िया है, शुक्र के साथ है कि नहीं है, ठीक है। सना मकरी भी इसका साथ में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, तो इंटेलिजेंट तो है ही और शनि विनस के साथ है करियर में, इसमें कुछ छोड़ दिया नहीं इसने। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो जब भी पैदा हुआ होगा ऐसे घर वाले सोचते होंगे यार ये जरा छोटा पर क्या करेगा लाइफ में क्या नहीं, पर वही चीज इसको गेम ऑफ थ्रोन्स में कहां से कहां पहुंचा दिया, सारा पैसा सारा नेम एंड फेम। रियल में उससे पहले कॉमेडी रोल करता था ये अमेरिकन पाई और उसमें भी आया हुआ आई थिंक, ठीक है। ऑफ कोर्स रोल्स तो कम हो ही जाते हैं जब होते हैं, बस में जनरली फनी रोल्स ही देते हैं लोगों को, लेकिन इसने गेम चेंज कर दिया इसने, और इसको बाद में फिर एवेंजर्स में भी रोल मिला और उसको इस तरीके से। सो अच्छा या बुरा कभी मत देखा करो चीजों को, मैं पहले बता चुका हूँ सर, अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है क्या, हाई शूटर की हो, ही हैज अ वाइफ, ही हैज अफेयर्स, ही हैज ऑल द मनी इन हिज लाइफ, कई नॉर्मल मंगल के लोगों से काफी अच्छी पोजिशन में है। तो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमें नहीं पता, किसी के पैदा होने पर जज नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र नाम का एक था व्यक्ति, बहुत ही इंटेलिजेंट, नाम सुना है कि नहीं सुना है, 8 जगहों से वक्री था, वो बॉडी पे भी वक्री ग्रह बॉडी में भी डिफेक्ट लेके आएगा, बॉडी में भी स्ट्रेंथ में अपर एंड डाउन लेके आएगा, जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वहां पे भी इशू लेके आएगा। तो मंगल वक्री पूरी बॉडी पे इफेक्ट ले आता है, खासकर हेड पे और बॉडी पे, बिकॉज मंगल रिप्रेजेंट हेड एंड बॉडी इन जनरल, लगन रिप्रेजेंट करता है, तो वक्री मंगल का प्रभाव आता ही आता है वहां, अदरवाइज जिस हाउस का स्वामी बन जाएगा उसके अंदर इशू लेके आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो न्यू सर, है ना, मेरे पास एक और एक कुंडली है जिसमें उसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है एंड दैट पर्सन हैज डन रियली ग्रेट द लाइफ। Let me find out. Actually, क्या ना मेरे क्लासेस प्री प्लान नहीं होती है तो वो इंस्टेंट ही मेरे दिमाग में आता है तो मैं सेव करके नहीं रखता, तो मेरा वेट करना पड़ेगा। लेट मी फाइंड आउट, मैंने कहीं पर तो उसका सेव किया, मेरी आंखों के सामने एक इंडियन एक्टर आ रहा है हु इज लाइक हु इज वेरी शॉर्ट इन हाइट बट मुझे उसका नाम याद आ रहा है, आई डोंट नो, मिर्ज़ापुर में भी आया था वो शायद, मुंगेरी लाल के सीन सपने में आता था वो शायद, यस सर यस उसी में था, उसी में था, उसमें था वो लीड एक्टर, तो वो था कोई और था बट बहुत पुराना सीरियल याद है मिर्जा, अगेन क्या अब इंडियन की तो बहुत ही खराब रहता है उसमें, मिर्जापुर सीजन 2 कास्ट देख लोगे तुम, उसका नाम है लिलीपुट, यस लिलीपुट करेक्ट, अब अगेन इसका डेटा बहुत कुछ दिया हुआ नहीं है यार, मतलब है ना कुछ पता नहीं पड़ सकते बट ये सब बहुत ही पुराना बंदा लिलीपुट। खैर मैंने किसी कुंडली लगाई है यहाँ पे,
इसमें क्या है, इसमें इशू है, इसमें एक मंगल खराब होने से बॉडी पे फर्क पड़ता है भाई मेरे को। नाउ इफ यू विल नोटिस, ये बंदा कब पैदा हुआ है? 31 अगस्त 1983। अभी जब पैदा हुआ है उसके बाद में मकरी क्या हो गया है? अरे मकरी देखो ना, ये यहाँ पैदा हुआ है एकदम, और जस्ट इसके पैदा होते फिर रेट्रो हो गया है ना जी उस टाइम बाद ही। तो ऐसे जो भी बच्चे होते हैं तो इसमें हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी मकरी आप पैदा हो रहे हो, एक दो दिन में रेट्रो होने वाला है, उसका प्रभाव भी आप पे मान लिया आता है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम देख के पता पड़ता है, उसके जीवन देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो खैर नवांश में मकरी केतु के साथ है, ठीक है सर। मकरी रेट्रो में क्या होगा? मकरी रेट्रो पे भी आते हैं कि रेट्रो प्लैनेट्स पे क्या होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जब भी इन जनरल जहां पे भी जुपिटर राहु केतु के साथ में आ जाए, जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ को। यस सर। जुपिटर से प्रेडिक्शन होती है, तो जुपिटर का राहु केतु के साथ में आना वैसे ही आपकी लाइफ को नॉर्मल से हटके बना देता है। कल को आपका लग्नेश केतु के साथ नवांश में केतु के साथ में आ गया, नवांश क्या है? वो तो रियल पोजिशन है, तो नवांश कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को मकरी केतु के साथ में आ जाए, जैसे लग्नेश मकरी है, रेट्रो होने वाला केतु के साथ है, यानी क्या हो रहा है? तो रेट्रो का प्रभाव इसके ऊपर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर लगन इसकी हाइट छोटी है बहुत ज़्यादा इस आदमी की, ठीक है, बहुत छोटी हाइट है इसकी, और ये सिविल सर्वेंट है, बहुत बड़ा है इंडिया का, ठीक है। टाइम पे मतलब इसका वो है, मतलब प्रॉपर टाइप के, पढ़ने में भयंकर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मकरी काइंड ऑफ स्टेशनरी का रिजल्ट मिल रहा है, स्टेशनरी गोइंग टूवर्ड्स रेट्रो, मतलब सॉरी रेट्रो में ग्राफ ऐसे होने का, स्टेशनरी गोइंग टूवर्ड्स रेट्रो, और रेट्रो कहाँ होने वाला है? अपने ही घर में रेट्रो होने वाला है, तो अपने ही घर में रेट्रो हो जाए तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं मानते। किस टर्म में अच्छा नहीं मानते? यहाँ पे लगने से तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, और यहाँ पे मंगल भी नीच का है और लगन पाप कर्तरी में, ऐसे आप नहीं बता पाओगे। चलो तो उसके केस में बैठ गया अपना तुक्का पीटर डिंगलिच कैसे मंगल बकरी, लेकिन तुम्हें मंगल में कोई ना कोई अफ्लिक्शन दिख जाएगा बॉस, समझ। जैसे यहाँ पर भी क्या देखते हैं अपन, मंगल एक तो कैंसर में, और दृष्टि किसकी है? केतु की है ना, रेट्रो प्लैनेट की जी सर। कुंडली देख के हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जैक्ट की क्या है, लेकिन अगर मुझे बंदा मिल जाए तो हम फिर निकाल सकते हैं उसको, ओके ऐसा ये मतलब, लेकिन नियम ये लागू होना चाहिए फिर। अगर ये बंदा छोटा हाइट में तो मंगल का कहीं ना कहीं से रेट्रो होना चाहिए, उसका रेट्रो के साथ संबंध होना जरूरी है, तभी उसकी हाइट में ऊपर नहीं है। फिर लगन का या लग्नेश का रेट्रो के साथ संबंध होना जरूरी है, ये नहीं है तो फिर गड़बड़ है, फिर उसे कुंडली की डिटेल्स गलत है, नियम गलत नहीं हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है जी सर। देखो रेट्रो का मतलब क्या है कि यार मैं जा रहा हूँ पीछे, तुम सब जाओ आगे की तरफ, मैं चला अपने देखने। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं सबके साथ काम करने के, रेट्रो प्लैनेट से संबंधित जो भी काम होगा उसमें वो अकेला ही काम करना चाहेगा, वो औरों से हटके है ना यार, जो औरों से हटके हो गया वो भीड़ में कैसे काम कर लेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? जो भी प्लैनेट वक्री है, मान लग्नेश वक्री है, तो ऐसा व्यक्ति सबके साथ काम करने में सहज नहीं होगा, उसके विचार अलग है, नॉर्मल से हटके है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडिपेंडेंट, उस सेक्टर में वो अकेला रहना चाहता है, बोल रहा है मैं अपना अकेला देख लूंगा, मैं अकेला ही अपना काम कर लूंगा,
अब अगर चार चार प्लैनेट डिटर हो गए तो फिर तो पूरे समाज, फिर तो क्या मतलब, नौ में से दो तो राहु केतु है ही, चार आ गए तो छह, फिर तो पूरे समाज से अलग हो जाएगा। समाज से फिर वो अलग अलग तरह के काम करेगा, समाज से अलग रहने की प्रवृत्ति है, उसके लाइफ भी नॉर्मल सोशल लाइफ जो हम देखते हैं वो नहीं मिलेगी। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति के पापा की डेथ हो गई, मम्मी की डेथ हो गई, फलान डेथ हो गई, तीन दिन के अंदर हो गई, चार दिन के अंदर हो गई, पूरी लाइफ ऊपर नीचे हो गई बिना रेट्रो के। इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि नॉर्मल नहीं है कि एक साथ लोगों की डेथ हो जाना घर में। जनरली नॉर्मल लाइफ क्या होती है, आप बड़े हुए, आपके माँ बाप बूढ़े हुए फिर मर गए, ये नेचुरल है, इसमें कुछ अनकन्वेंशनल नहीं हो रहा है। और एक कम उम्र में किसी के बाप की मृत्यु हो गई, ये अनकन्वेंशनल है, यहाँ भी आपको रेट्रो मिल जाएगा। सामाजिक चीजों से अलग हो गए रेट्रो, बंदा समाज से अलग है तो रेट्रो, कितने ज्यादा ग्रह अलग है उससे और फर्क पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, जैसे प्लेन क्रैश होता है तो उसमें डेढ़ डेढ़ 200-200 लोग इकट्ठे होते हैं एंड दे जस्ट डाई टुगेदर। तो आपने एक बार बोला था कि उस चीज का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें भी वक्री ग्रह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, ऑफ कोर्स वक्री तो है ही, इतने सारे लोग एक साथ मर रहे हैं। इसमें भी देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ोगे किताबें, शास्त्र पढ़ोगे, उसमें है कि सामूहिक जो डेथ होती है या जो एपिडेमिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं, ये वो उसका अलग कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो हम सब लोग तब पैदा हुए हैं जब यूरेनस रेट्रो था, नेपट्यून रेट्रो था, तो हम सब में उसके ऊपर उसका प्रभाव है। तो जब इस तरह की बड़ी एपिडेमिक्स होते हैं तो यूरेनस नेपट्यून प्लूटो काम करते हैं, तो जो जो होगा रेट्रो होगा वो सब उनकी चपेट में आएंगे, उन सबका जीवन एक साथ बंधा हुआ है, समझ लो। तो जो समाज होता है, समाज को सामाजिक दंड अलग होता है, इंडिविजुअल दंड अलग होता है। इंडिविजुअल आपके कर्म के हिसाब से मिलता है, और सामाजिक मिलता है कि मान लो समाज में कुछ उल्टी चीज, मान लो रेप है आज की तारीख में, आपके पड़ोस में कोई लड़की रहती है, उसके अगेंस्ट कुछ हुआ, पूरे कॉलोनी ने कुछ नहीं किया, तो वो आपको करना चाहिए था और आपने नहीं किया, वो भी एक कर्म है, उसका भी फल मिलेगा बॉस, फिर वो पूरे समाज को दंड मिलेगा उसका, और इंडिविजुअली भी मिल सकता है। इसका मुझे क्लैरिटी नहीं, बिकॉज वो तो हमें देखना पड़ेगा, बट ये कंसेप्ट है उसका कि कर्म ना करना भी एक कर्म है, जहाँ करना चाहिए था वहां नहीं किया वो भी एक कर्म है बॉस। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर, ये सर उसका जो इफेक्ट है आपको देखना पड़ेगा। अगर क्राइम है और क्राइम के अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसका फल मिलेगा। पॉलिटिशियंस अगर करप्ट है, कौन इलेक्ट करता है पॉलिटिशियंस को? आप करते हो, आप तो खुद ही बन रहे पॉलिटिशियन, तो वो सारे पॉलिटिशियन होने से जो रूल्स बनाएंगे वो भी ऐसे बनाएंगे, उसका फल सबको भोगना पड़ेगा। यू कैन नॉट से अरे यार सर मैंने तो वोट ही नहीं किया, नहीं किया तो कर क्या लिया, फिर अगेंस्ट में भी क्या किया, या फिर जो भी है, तो पूरा सोसाइटी पे आता है वो। इसलिए समाज एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी काम करता है, वही सारे कंसेप्ट को ऊपर लगा दो। इसको हम संवत्सर बोल देते हैं, 60 साल का मान लो एक पीरियड होता है जुपिटर की साइकिल का, उसमें जो लोग पैदा होते हैं वो एक तरह के पैदा होते हैं। जनरेशनल चीज बोल दो उसको, जनरेशनल चीज किससे आती है? यूरेनस नेपट्यून प्लूटो। पंचांग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अभी मतलब जिन्होंने पढ़ा हुआ है पंचांग है, तो यहाँ सलील है मेरे ख्याल से, यहाँ पे राइट सलील, तने पढ़ा था ना सर पंचांग वाला कोर्स? यस सर। उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? संवत्सर देखते हैं अपन की किस संवत्सर साल का, फिर 60 साल की एक महासंवत्सर होता है, फिर 60 साल की एक साइकिल है, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन होता है, फिर जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन का उसका एक 60 साल होता है, फिर एक संवत्सर होता है कि आप किस संवत्सर में पैदा हुए थे, फिर उस संवत्सर का राजा कौन था, उस जब आप पैदा हुए तो उस राजा की पोजीशन क्या थी। अब मान लो आप कुंडली में मंगल से गवर्नड हो, जैसे अभी राक्षस संवत्सर गया पिछले साल कोविड के टाइम पे, राइट 2021 से 2022 जो साल गया जिसमें इंडिया में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, वो राक्षस संवत्सर था, मंगल उसका था राजा। अब मंगल राजा है, अब मंगल राहु के साथ था, बहुत ही नेगेटिव हो गया। अब इस साल जो भी बच्चे पैदा होंगे उनमें वो मंगल राहु की इनहेरेंट क्वालिटीज आएंगी जो कुंडली में नहीं दिखेंगी आपको, इसलिए कई बार समझ में नहीं आता है कि इतना रिजल्ट क्यों आ रहा है। इतनी सारी चीजें देखनी होती है कुंडली में, एक कुंडली को देखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है कि भैया कौन सा महासंवत्सर था, फिर उसके बाद संवत्सर क्या था, फिर संवत्सर में राजा क्या था, उसके दिन कुंडली क्या बनी थी, उसमें क्या लगन बना था, कहीं मेरा लगन जो है वो सिर्फ छठा और आठवां तो नहीं है, तो उस हिसाब से हमें इश्यूज मिलेंगे, हमें उस हिसाब से दिक्कतें मिलेंगी, वो आप नहीं देख पाओगे। फिर उसके बाद मैं पैदा हुआ तो उस समय क्या था, महीना कौन सा था, उस महीने का स्वामी कौन था, उसकी क्या पोजीशन थी उस समय कुंडली में। फिर मैं देखूंगा कि मैं शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ, कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ, उसका देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुंडली आएगी, फिर उसके बाद आप घोरा देखोगे और फिर नवांश देखोगे, इतना सब देखना पड़ता है कुंडली देखने के लिए। तो लगता है कोई देखता है?
तिथि विथि पंचांग कौन देखता है, संवत्सर देखना पड़ेगा, उसका राजा देखना पड़ेगा, इस साल वो पैदा हुआ उस साल राजा की क्या पोजीशन थी, इसी कुंडली में कैसा है, वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। तो अगर मंगल खराब था, मान लो बच्चे कुंडली आई थी मेरे पास, वो राक्षस संवत्सर का पैदाइश था 20 से 21 के बीच में, तो मंगल राजा है, राहु मंगल, तो इन जनरल इस साल जो बच्चे पैदा होंगे उनमें नेचुरल अग्रेशन रहेगा, नेचुरल उनमें रिबेल रहेगा टुवर्ड्स अथॉरिटी, क्योंकि राहु मंगल था उनका, सब बच्चों में रहने वाला है वो एक साल जो बच्चे पैदा हुए हैं। अब आपका लगन भी मंगल हो गया तो और आप में मंगल गुण आ जाएंगे, आप अष्टमी को और पैदा हो गए तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों कुछ लोग ज्यादा डेंजरस है सिमिलर कुंडली में, कैसे वो यहाँ से निकल के आता है, सर मंगल तो वो भी था, उसका भी लग्नेश मंगल था, वो भी ऐसे ही था, वो तो ऐसा नहीं हुआ, तो हमें संवत्सर देखना पड़ेगा कौन राजा था कौन नहीं था, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है यार, कहाँ से देख पाओगे तुम्हें कुंडलीज में। इसीलिए हम कुंडलीज में इतना एक्यूरेसी देखने की कोशिश करते हैं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स चल रहे हैं यार, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, नहीं देख सकते। इसीलिए हमें पूछना पड़ता है आदमी से, भाई जरा बता दो अपने बारे में थोड़ा बहुत, थोड़ा बैकग्राउंड बता दो, क्योंकि फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, पूरा गेम बदल जाएगा। अब ऐसा ही व्यक्ति मान लो यूएस में पैदा हो जाए और वहां पे तो गन लॉज इतने इजी हैं, तो वो इजीली मर्डर कर सकता है, इंडिया में नहीं मिलते तो वो नहीं करेगा। अच्छे घर में पैदा हो जाएगा तो उसमें गुण होंगे तो वो दिमाग से कुछ करेगा, पर इस्तेमाल तो मंगल करेगा बॉस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग हिल जाएगा इन सब समझ के, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बाकी बच्चे? यस सर। मेरे सर ने एक डेट लिखवाई थी मुझे, 9 अप्रैल तो जिन साल में बहुत सारे लेटर होते हैं वो साल भी अलग होते हैं, उसका अलग इवेंट होता है। इसमें मंगल भी वक्री है, शनि भी वक्री है, मरकरी भी वक्री है, इसमें एक मिनट रुको, आई थिंक विनस को छोड़ के विनस का मैं चेक कर लेता हूँ, विनस भी हुआ था कि नहीं हुआ था, देखना इसमें सारे तुम्हें रेट्रो मिलेंगे। आई थिंक वीनस को छोड़ के सारे लेटर में, राइट, यूरेनस रेट्रोग्रेड, केतु रेट्रोग्रेड, मंगल रेट्रोग्रेड, शनि रेट्रोग्रेड, प्लूटो रेट्रोग्रेड, नेपट्यून रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड, बस ये तीन को छोड़ के, मून सन तो होता ही नहीं है, वीनस बच गया बस। ठीक है, सो 1984 इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट ईयर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब ये रेट्रोग्रेशंस जो होते हैं, जहाँ बहुत सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड एक साथ हो जाएं, तो इवेंट्स भी नॉर्मल से हटके होंगे, इतना समझ लो। एग्जैक्ट इवेंट क्या होंगे किसी को नहीं पता, बस रेट्रोग्रेशन के इवेंट ही नॉर्मल से हटके हैं, वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ही पहली बार बनी है। एक जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होती है वो दोबारा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कब बनती है, 25,000 साल के बाद। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? इसीलिए इन जनरल हम यही बोल सकते हैं कि नॉर्मल से हटके होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जब भी मेजर इवेंट्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा जब बहुत बड़े इवेंट हो जो पूरे अर्थ को हिला दें, इंडिया को, कंट्री को हिला दें, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें वो आ जाएगा, मतलब एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है?
खैर अभी तक जो पढ़ाया है इसमें कोई सवाल है क्या? नो सर। सर अगर दो रेट्रो प्लैनेट इकट्ठे आ जाए एक ही हाउस में उसका क्या इफेक्ट होगा सर? लाइक आप अभी एग्जांपल दे रहे थे कि भी मैं बता दूं। मैं बता दूं। पहली बात तो जब भी दो रेट्रोग्रेशन साथ में आते हैं तो रेट्रोग्रेशन कैंसिल हो जाता है। कैंसिल बोलते हैं जब भी दो रेट्रो प्लैनेट्स, अभी आवाज ठीक आ रही है? जी जी। जब भी दो प्लैनेट्स रेट्रो हो जाए एक साथ एक ही साइन में तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी उनकी रेट्रोग्रेशन, ऐसे तो इंडिपेंडेंटली दे आर रेट्रो, ठीक है, तो क्या होता है जब अगर जुपिटर और सैटर्न अगर एक साथ में हो और रेट्रो हो एक ही साइन में, अगर हम इसको देखें, वैसे एडजेसेंट भी चल जाता है काम, उसमें क्या होता है अगर दोनों, अगर मैं भी पीछे जा रहा हूँ और तुम भी पीछे जा रहे हो तो उसका मतलब हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बेसिकली, फिर तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में फिर हम क्या हो गए, डायरेक्ट हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes. तो सैटर्न रेट्रो का अलग उसको रिजल्ट मिलेगा, जुपिटर रेट्रो अलग मिलेगा, बट जुपिटर रेट्रो सैटर्न रेट्रो साथ में तो फिर मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई उसमें कोई विपरीत आभास नहीं है इन दोनों के बीच में, एक सिमिलैरिटी ऑफ डायरेक्शन मिल गई है। तो जुपिटर सैटर्न जैसे अच्छा करियर देता है तो रेट्रो जुपिटर रेट्रो सैटर्न भी साथ में होंगे तो अच्छा ही मतलब इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलाना, जो हमने पढ़ा है गुरु शनि का योग जो होता है 9th 10th लॉर्ड, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वही वाला सीन यहाँ पर है। खैर अभी हम इफेक्ट्स पर आगे भी देखेंगे, पहले कुछ नॉर्मल अभी हम समझ लें और समझते हैं इसको। देखो हमें देखना है कि अगर मान लो जनरली क्या होता है जब दो प्लैनेट साथ में होते हैं तो आगे वाला प्लैनेट पीछे वाले को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकता है, इसलिए हम देखते हैं कि भाई पाप ग्रह है तो आगे वो रोकेगा। भाई आपके घर आपके आगे हम क्या बात करते हैं कि अगर आपको चंद्रमा मान लो यहाँ बैठा होता है कुंडली में तो आगे क्या मिल रहा है, शनि मिल रहा है, मंगल मिल रहा है, केतु मिल रहा है, तो आगे उसको सारे ऑब्स्ट्रक्टिंग प्लैनेट्स मिल रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। मान लो यहाँ पे सपोज करो मरकरी होता, अब आगे क्या है, सैटर्न है, मार्स है, तो यहाँ मरकरी का डायरेक्ट होना ज्यादा दिक्कत वाला है, समझ लो। अगर मान लो मरकरी यहाँ पे हो और अगर वो डायरेक्ट हो तो क्या होगा, आगे उसे क्या मिलेगा, शनि, फिर मंगल, फिर केतु, ये ज्यादा दिक्कत वाली चीज है उसके लिए। तो ऐसी कुंडली में अगर मरकरी रेट्रो हो जाए ये बेटर है। पॉइंट समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो उल्टे पैदा होते हैं, कभी सुना है तुम लोगों ने कभी? जी यस। बहुत कम होता है ऐसा, तो उनके लिए कुंडली अलग तरीके से देखी जाती है। कैसे देखी जाएगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अलग तरीके से देखी जानी चाहिए, याद रखना हमेशा, बिकॉज वो उल्टा पैदा हुआ है तो उल्टा है ना, वो रेट्रोग्रेशन है बेसिकली, ऐसे मानते हैं। रेट्रो में क्या है, वो औरों से अलग है, तो उसको हम मानते हैं कि मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग मानते हैं रेट्रो की। रेट्रोग्रेशन में प्लैनेट की आपको जो क्वालिटीज है वो बढ़ चढ़ के मिलती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हमें भी ये नहीं पता पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो सर स्ट्रॉन्ग जरूर बोलते हैं, क्योंकि नियरेस्ट टू अर्थ है रेट्रोग्रेशन के टाइम पे,
उसका प्रभाव सबसे ज्यादा आपके जीवन में आएगा। रेट्रो प्लैनेट से प्रभाव इतना क्यों आता है? क्योंकि वो धरती के नजदीक होते हैं, इसीलिए आपके व्यवहार में भी उनका गुण सर्वाधिक अत्यधिक देखा जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। गुड। अब इसमें ना कई सारे नियम हैं, कई सारे रूल्स हैं, और जो मुझे जब मैं पढ़ रहा था अपने सर से, अपने गुरु से, और जिन टीचर से मैं पढ़ा उनके अलग अलग वो थे, लेकिन जो कुछ फेमस जो हैं वो अपन पढ़ लेते हैं अभी। क्या क्या, जैसे कि कई बार लोगों का कहना है जब हम इफेक्ट्स की बात करते हैं और क्या करते हैं, खैर मैं अभी इस बारे में बात करता हूँ अभी, और भी हम कुछ समझते हैं इस चीज़ को। रेट्रोग्रेड जब प्लैनेट हो जाता है उसका नेचुरल स्वभाव चेंज हो जाता है, ठीक है? रेट्रोग्रेड में प्लैनेट जो है उसकी जो क्वालिटीज है वो चेंज हो जाती हैं। अब कैसे चेंज हो जाती हैं, अभी देखा जाता है, जो बोला जाता है पहले वो समझ लेते हैं, और एक्चुअल में क्या होता है जो मैंने देखा है मैं तुम्हें वो बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मंगल जब रेट्रो हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि वो मरकरी के रिजल्ट्स देता है। जो आपका एनिमी है आप उसके तरीके से व्यवहार करने लगते हो। जुपिटर को हम क्या मानते हैं कि बहुत उसमें एथिक्स होंगे, बहुत स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, लेकिन जब जुपिटर रेट्रो हो जाएगा तो उसमें एथिक्स डिफरेंट तरह के होंगे, स्पिरिचुअल वैल्यूज डिफरेंट तरीके के होंगे, और उनमें हल्का सा विनशियन क्वालिटी आ ही जाती है। पॉइंट समझ रहे हो? एक तो इस तरीके से देखते हैं क्वालिटीज को कि पूरा पलटी मार गया, पूरी क्वालिटीज बदल गई हैं उसकी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो। यस सर। ठीक है, जैसे जुपिटर क्या है उसकी एकदम अपोजिट क्वालिटी क्या है उसकी है वीनस की तरह है, तो वीनस की तरह मतलब स्पिरिचुअलिस्टिक थोड़ा मटेरियलिस्टिक बन गया, मार्स थोड़ा मर्करी की तरह बन गया, इस तरीके से दिखाया था। लेकिन जो मैंने देखा है कि इन जनरल मान लो शनि है वो करियर है, तो उसका करियर जो है वो नॉर्मल से हटके होगा, नॉर्मल से जनरली शनि वक्री तुम्हें जिन कुंडलियों में दिख जाएगा एक पोजिशन तुम बोल सकते हो कि अपने करियर की लाइन चेंज कर लेते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उसी के अंदर वो मास्टरी नहीं करते हैं, उसके बाद वो अपना करियर की लाइन चेंज कर लेते हैं, फिर किसी और चीज में काम करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जब हमने पढ़ा था एस्ट्रोलॉजी की जुपिटर पंचम भाव में क्या करता है, कारकस्य कारक भाव, वो जो श्लोक था एग्जैक्ट भूल रहा हूं मैं, नाश करता, ये पढ़ते हैं ना हम भाई, जुपिटर नेचुरल फिफ्थ पंचम भाव से अष्टम है ना, अष्टमेश है, याद है कि नहीं है? हमें बताया कारक क्या होता है, पंचम से अष्टम जो होता है, आयु का कारक क्यों है, लगन से अष्टम का स्वामी मंगल है तो मंगल आयु का कारक है, पंचम से अष्टम जुपिटर है तो जुपिटर बच्चों का कारक है, इसीलिए अगर जुपिटर, अब जुपिटर पंचम में अच्छा नहीं मानते बच्चे पैदा करने के लिए, देखो उसमें क्या डिफॉल्ट आ जाता है, कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है और कोई ना कोई दिक्कत आती है बच्चे पैदा करने में, लेकिन अगर पंचम में वक्री जुपिटर है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो वो नियम नहीं लगेगा, ठीक है? ये प्लैनेट की बात कर रहा हूं। मार्स का इन जनरल जो नेचर है वो बदल जाएगा, मार्स इन जनरल क्या करता है, अग्रेसिव है, बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करना, आगे बढ़ के हर चीज में तैयार रहना, रिजल्ट्स को लेने के लिए, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आप मुझे जिम्मेदारी दो मैं करके दिखाऊंगा, ये मंगल का नेचुरल वो है नेचर। लेकिन जब मंगल वक्री होगा तो वो जो अग्रेशन है थोड़ा सा डिफरेंट तरह का अग्रेशन हो जाता है, नेचुरल से हटके अग्रेशन हो जाता है, ठीक है? कई बार आप मिलोगे ऐसे व्यक्तियों से बहुत शांत दिखेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो टाइम ट्रिगर होगा वो भयंकर अग्रेसिव हो सकता है। एग्जैक्टली कैसे रहेंगे ये हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से साइन में किस तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर साइन में हम मंगल को बेकार मानते हैं तो वक्री मंगल वाटर साइन में इतना बेकार नहीं है। ऑफ कोर्स वो एक इमोशनल एनवायरनमेंट में है, लेकिन वो इमोशनल एनवायरनमेंट में रहते हुए भी, उस टची एनवायरनमेंट में रहते हुए भी अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। उसमें जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मंगल कैंसर में है फिर तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर सकता है, वक्री मंगल में नहीं करेगा। सेंटी होएगा ऑफ कोर्स, इमोशनली ही अपने मंगल का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो वक्त आने पे वो एकदम थोड़ा उसमें लॉजिक वाले इफेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो उसका लॉजिकल जो क्वालिटी थी जो वाटर में कम हो रही थी मंगल की,
वक्री मंगल की कैंसर में इतनी कम नहीं होगी। इसीलिए कालिदास की किताब है उत्तर काला अमृत, उसमें एक उसमें लिखा गया है कि अगर प्लैनेट उच्च राशि का हो और वहां वक्री हो जाए तो वो नीच की तरह स्वभाव देता है। यानी जुपिटर कैंसर में अच्छा है, आपको पूरे ट्रेड्स देगा, पर जुपिटर वक्री कैंसर में है तो फिर वो क्या है, बाहर से जरूर दिखाएगा मैं धार्मिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ, अंदर से वो है कि नहीं वी डोंट नो एंड वी थिंक वी शुड, वो नहीं होगा अंदर से इतना जितना बाहर से वो दिखाएगा। या उसके अंदर जो जुपिटर कैंसेरियन की जो हम नॉर्मल क्वालिटीज मानते हैं कि पुरानी चीजों को मानना, उसके अंदर अब उसमें विनशियन तर्क आ जाएगा, विनशियन इंटेलिजेंस आ जाएगी। जैसे ओशो के एग्जांपल है बेस्ट, जुपिटर कैंसर में पर रेट्रो है, भयंकर ज्ञान है पर ज्ञान देने का तरीका, ज्ञान को समझने की तरीका एकदम अलग है, नॉर्मल से हटके, राइट। अगर तुम लोगों ने आई थिंक ओशो का अगर इफ आई रिमेम्बर इट राइटली, ओशो काफी अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, 11 दिसंबर 1931 आई थिंक 17-10 के राउंड कहीं भी हुआ था, उसे कुंडली टॉरस लगाना है बेसिकली, यही लगाना उसका, जहाँ भी हुआ था वो, बट लगन टॉरस ही है। यहाँ पे जुपिटर क्या है देख रहे हो, आत्मकारक है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 29 डिग्री, नॉलेज भयंकर है, जुपिटर कैंसर का नॉलेज है बट रेट्रो है, नॉर्मल से हटके, इतना ज्ञान किसी के पास ही नहीं था, और उस ज्ञान को समझाने की क्षमता आई थिंक मतलब कहीं ना कहीं कृष्ण से भी ऊपर बोलूंगा मैं तुम्हें समझाने की उसमें, तो भाई मतलब जिस लेवल पे समझाया है वो तो मतलब अलग ही है, पेशेंस लेवल दी नेक्स्ट है इस आदमी का। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपने यहाँ पे जैसे बोला कि जुपिटर थोड़ा सा वेनिशियन उसमें आ जाता है टच, तो जुपिटर रेट्रोग्रेड में ये बोल सकते हैं कि इसमें शुक्राचार्य की क्वालिटी आ गई ओशो में, बट होगी कैंसर में तो हाईएस्ट क्वालिटी की आएंगी, राइट। ठीक है ठीक है, रेट्रो वाले प्लैनेट का लेट जागते हैं थोड़े से, वो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में ना तो थोड़े लेट आते हैं लाइफ में, उनका इफेक्ट ऐसे नहीं पैदा होते इफेक्ट मिलने लग जाएगा, धीरे धीरे इफेक्ट मिलता है, स्लो प्लैनेट्स है ना इसलिए इनके रिजल्ट्स भी स्लोली मिलते हैं, लेकिन बाद लेटर लाइफ में तो भयंकर बढ़ चढ़ के मिलते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई इसमें मतलब दो राय नहीं है। तो एक मिनट लास्ट वाला रिपीट करना, कौन सा रिपीट करूं बताओ, जो आप कह रहे थे रिजल्ट्स, मैंने बीच में जो आप अभी रिजल्ट्स के बारे में बोल रहे थे मैं बाहर चली गई थी, मैंने सुना नहीं। मैं रेट्रो का ये बोल रहा था, रेट्रोग्रेड में जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपना रिजल्ट धीरे देते हैं, लेटर हाफ में उनके ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, उनके ज्यादा प्रभाव मिलता है, समझ रहे हो? या गॉट इट। मान लो किसी का शनि वक्री है, अब वो IIT कर ली, IIM कर ली, वो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब ही नहीं मिल रही है, UPSC दे रहा है, UPSC में लग ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है हो क्या रहा है यार, वो ये बोलेगा यार मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं लगा हुआ हूँ मतलब अपने काम के पीछे, फिर भी ऐसा क्या है, सारा टैलेंट होते हुए मैं इसमें नहीं जा पा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जा पा रहा है बिकॉज सैटर्न रेट्रो से कहीं और लेके जाने वाला है, उसके भाग्य में कुछ और लिखा हुआ है, उसका जीवन पाथ पहले से डेस्टिनेड उसको याद नहीं है, उसके पूर्व जन्म में टीचिंग के लिए उसको बहुत प्रेम था, उसकी आत्मा को प्रेम था टीचिंग से, उसको उसको सुखी वहां से आता था। अभी एक टीचर है ऑनलाइन बहुत ही फेमस, उनके टेस्ट सीरीज मैंने भी करी थी अपने टाइम पे, दिव्य कीर्ति सर, नाम सुना है किसी ने? UPSC की तैयारी कभी करोगे तो सर्च मारना, आज अवध ओझा को सर्च मारना है, दिव्य कीर्ति सर, शब्बीर सर ही बहुत अच्छे थे बट ये लोग फेमस हो गए आज की तारीख में बहुत ज्यादा। लल्लन टॉप पे इंटरव्यू है इनका दोनों का, जरूर देखना, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड मैं तो काफी रिलेट करता हूँ उन लोगों की लाइफ से बिकॉज उनकी भी लाइफ में फिलोसफी ने बहुत चेंज किया उन लोगों को, उन दोनों का ही ऑप्शनल फिलोसफी रहा है और पढ़ा है उन लोगों ने UPSC के लिए, मैंने भी पढ़ा है। अब दिव्य कीर्ति सर बचपन से लग गए तैयारी में से कि भाई मुझे UPSC देना है, दिए अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में UPSC में हुआ भी बट उनको IAS नहीं मिला, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो पढ़ाने लग गए UPSC के लिए बच्चों को, उनके पढ़ाए हुए बच्चे ही शुड टीच हिंदी पढ़ाते थे उस टाइम पे, वो हिंदी साहित्य पढ़ाया करते थे, अमेजिंग टीचर, वाकई में उनके वीडियो सुनना बहुत तुम्हें मजा आएगा सुन के। सर आपने नमारो की क्लास में अवध ओझा सर का ना वो वाला इंसिडेंट बताया था स्टोरी, जिसमें एक शराबी जाता है शराब की बोतल लेने, तो उससे वो मुफ्त मांगता है, तो वो बताते हैं वो आईज और दांत वाला, आपको याद है सर वो स्टोरी? नहीं मैं तो भूल गया, क्या थी स्टोरी सर बताओ? कुछ ऐसा था कि वो कहता है कि अगर मैं अपने दांतों से अपनी आंख काट लूं तो क्या तू मुझे वो देगा,
आप जब माया पढ़ा रहे थे, सारा ऑप्टिक ये इल्यूजन पढ़ा रहे थे, तो तब आपने अवध ऊर्जा सर का वो बताया था कि अगर मैं अपने दांत से अपनी आंख काट लूं तो क्या तू मुझे फ्री बॉटल देगा? वो कहता है उसके दांत नकली होते हैं, वो जबड़ा निकालता है और अपनी आंख काट देता है ऐसे ना, और बाद में वो कहता है अगर मैं आंख निकाल के दांत से काट दूं तो दोबारा उसको एक बॉटल मिल जाती है क्योंकि उसकी आंख भी नकली होती है। नकली होती है उसकी। या आपने ये सुनाया था, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय अवध ऊर्जा सर। इन लोगों के पास बहुत स्टोरीज है बिकॉज ये लोग हिस्ट्री के टीचर्स हैं और जो लोग टीचर्स होते हैं प्रॉपर पीएचडी करके ये बहुत किताबें पढ़ते हैं। इस पर मुझे तो बहुत ज्यादा आया था राहु केतु कि जो दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है, होता नहीं है एग्जैक्टली परसेप्टिव रियलिटी पे था कि एक व्यक्ति दारू लेने के लिए जाता है तो वो बोलता है कि पैसे दे, बोला पैसा नहीं है, ठीक है अगर मैं, हाँ फिर वो बोलता है अगर मैं बियर की बॉटल अगर मैं इससे खोल लूं तो हो जाएगा दांत से, तो इस तरीके से था। खैर बट उनकी जो मैं सुना रहा हूँ स्टोरी, सो व्हेन जब उनके जो वो पढ़ाने लगे और उनके बच्चे फिफ्थ रैंक आए, उनके एक बच्चा था आई थिंक अजय नाम था उसका, हिंदी मीडियम से होकर फिफ्थ रैंक आई थी उसकी, बहुत फेमस केस है उस टाइम का, काफी नाम हुआ था, तो दृष्टि तो सर बहुत फेमस हो गए थे उस टाइम पे, तो सर को भी लगा कि यार अब उनका एक अटेम्प्ट बाकी था और उनको था कि मैं दोबारा से यूपीएससी देना चाहिए मेरे को, तो उस यारों से उन्होंने बात करी तो उनको बोला कि हाँ दे दे यार कोई दिक्कत नहीं, देना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए एंड यू कैन ब्रिंग मोर चेंज देन द कोचिंग सेंटर्स। उस टाइम पे कोचिंग अलग हुआ करती थी, आज तो खैर कोचिंग बेस्ट है चेंज लाने के लिए, बट उनको था यूपीएससी का, उन्होंने यूपीएससी दोबारा दिया और उनके इंटर में मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, उनका पेपर बहुत अच्छा गया था, ही वाज प्रीटी डैम श्योर कि मेरी टॉप 20 में रैंक आ जाएगी, टॉपर भी बन सकते हैं मतलब बहुत अच्छा। और उस समय जो इंटरव्यू का एक इंटरव्यू में क्या होता है यूपीएससी में, वो होते हैं मेंबर्स होते हैं राइट, तो हर एक कमेटी में मान लो 5 बंदे हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है उस कमेटी का, तो वही मार्क्स देता है, तो उस समय आई थिंक एक घोष मैम हुआ करती थी जो बहुत इनफेमस थी, मतलब उसमें जो इंटरव्यू आ गया उनको 60-70 मार्क्स ही मिलते थे 300 में से, 300 में से 70 मार्क मिलना यूपीएससी तो गया, तो इनको उस टाइम आई थिंक हाईएस्ट मिले थे उस टाइम आज तक के 205 मिले थे मेरे ख्याल से, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स थे घोष के, उसमें 240 हाईएस्ट हुआ करते थे, पर 25 उनसे निकालना बहुत बड़ी बात थी, बट उनका फिर अब उनके स्टूडेंट्स का यूपीएससी निकल गया, उनका फिर यूपीएससी नहीं हुआ। सर आपने कभी अवध ऊर्जा सर से उनकी बर्थ डेट नहीं मांगी? नहीं नहीं यार, मैं तब इतना कुंडली उंडली मेरे को मिले बहुत टाइम हो गया, 2014-13 की बात है यार जब मैं उनकी क्लास लगाई थी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने तो असली में बाजीराम 2010 में गया था, मैंने वैसे 10-11 में तब वहाँ पे थे नहीं, आई थिंक सर 14-13 में आए थे, तब मैंने कुछ उन्हीं क्लासेस बीच में ज्वाइन करी थी, प्रॉपर नहीं पढ़ा था, बट उनका तरीका बहुत डिफरेंट था, जनरली हिस्ट्री में बोरिंग पढ़ाते थे लोग, मतलब नींद आती थी बाय गॉड, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था कैसे कोरिलेट करते हैं कि नेपोलियन ने ऐसा क्यों किया, और वो काफी इंटरेस्टिंग था उनका तरीका। तो खैर कहने का तात्पर्य ये, एक व्यक्ति जो इतने लोगों को आईएएस बना चुका है, इतना स्टड है, पहले अटेम्प्ट में खुद यूपीएससी निकाल चुका है, जीएस में इतने अच्छे मार्क्स थे, जो उसने दोबारा एग्जाम दिया 5-4 साल बाद लोगों को पढ़ा के टॉपर बना के, और जब वो इंटरव्यू देने गए हैं तो इंटरव्यू में खुद उनके स्टूडेंट साथ में बैठे हुए हैं 4-5, अरे सर आप यहाँ कैसे, समझ रहे हो, और उनका निकल जा रहा है इनका नहीं निकला, तो लगता है ना कि आप पता नहीं कैसे मेरे और सर के जीएस में मार्क्स कम आए थे। सर के इंटरव्यू था यूट्यूब पे देखना, उस सर ने बताया, अभी क्लास में इतना डिस्कस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जब मैं था तो फिलोसफी पढ़ाना छोड़ चुके थे उस टाइम पे, वो जीएस और वो पढ़ा रहे थे और टेस्ट सीरीज चलती थी, मतलब मैंने तो वही किया था टेस्ट सीरीज, मित्रा आईएएस और दृष्टि आईएएस हुआ करती थी उनकी टेस्ट सीरीज। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है ना कि यार व्यक्ति करता है ताज्जुब, खुद ही ताज्जुब करते होंगे कि भाई मैं जीएस में इतना स्टड, मैं हिंदी में इतना स्टड, मैं फिलोसफी में इतना स्टड, सोशियोलॉजी में इतना स्टड, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें कमांड ना हो, हाई लेवल पढ़े हुए हैं, पीएचडी वीएचडी कर रहे हैं, नेट निकाला हुआ है, जीआरएफ, ये सब, उस आदमी का जीएस में कम नंबर आ जाए, अब वो जो भी कारण रहा हो, चाहे उनके पेपर चेक करने वाले ने कम नंबर कम दे दिए हो, जो भी किए, जीएस में कम नंबर आए, उनके 100 नंबर कम, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उनके नंबर थे उससे 100 नंबर कम आए, वो 100 नंबर मिल जाते आईएएस बन जाते, तो यहाँ भाग्य आता है, उस व्यक्ति का लिखा है कि उसको लाखों लोगों को पढ़ाना है, क्योंकि वो टीचर जो है वो फिर लोगों को नहीं मिल पाएगा वैसा। अब ये जो किस्मत है इसका मतलब क्या है कि उनकी जो कुंडली होगी उसमें शनि कहीं ना कहीं वक्री ग्रह के साथ है, उसके वक्री है या उसके प्रभाव में, ये इम्पॉसिबल है कि ना हो, मानते हो? इनफैक्ट जुपिटर भी रेट्रो हो सकता है सर, जुपिटर रेट्रो हो सकता है, बट उनकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है सर ने उसी में बताई, लल्लन टॉप में 26 दिसंबर 1973, टाइम नहीं बताया, लो आ गया शनि वक्री आ गया, ठीक है चलो तो प्रूव ही हो गया। तो
दिव्य कीर्ति सर की बात करो. शनि और केतु जब भी साथ में होंगे समझ लेना, केतु क्या करता है हमेशा ब्रेक देता है हमेशा करियर में, याद देना. प्रेडिक्शन, शनि वक्री वाला करियर की लाइन चेंज कर लेता है, शनि वक्री केतु में ब्रेक इन करियर होगा. शनि केतु वाला व्यक्ति क्या होता है, ये वो व्यक्ति शनि पे अगर तुम्हारे केतु का प्रभाव हो, आम आदमी के लिए क्या ऐसा है, मेरा करियर ब्रेक होता रहता है, केतु टेंथ हाउस करियर ब्रेक होता रहता है. लेकिन जिसका केतु शानदार हो, क्या है शानदार केतु, जो पर्पस ओरिएंटेड काम करता हो उसका केतु शानदार है, जो वैल्यू ऐड करना चाहता हो उसका केतु शानदार है. मटेरियलिस्टिक आउटकम से मतलब ही नहीं है सर. तो जो लोग ऑकल्ट में जाना चाहते हो जस्ट टू हेल्प पीपल एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मनी, उनके लिए शनि केतु इज अ गुड ड्राइविंग फोर्स. इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पैसा कमा नहीं सकते. हाँ, बट उनको अपना पैसा हायर गोल के लिए लाइक अगर करना भी है एग्जैक्टली देख पैसा तो कमाएंगे ना, सर ने ही पैसा कमाया बहुत. सर ने क्या फीस नहीं ली पढ़ाने के लिए अपनी, होगी ना उनकी फीस कोचिंग, पर हायर गोल है तो पैसा तो चाहिए. यानी आदमी पैसे के लिए काम नहीं करेगा, कर्म के द्वारा. I mean sir, I understand what you're saying. पैसे अगर आप कमा भी रहे हो but आपको वो चीज का इतना लालच नहीं है. एक सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप चार्ज तो करोगे. आज की तारीख में एलन मस्क काम कर रहा है, क्या जरूरत है काम करने की यार. राइट, केतु अच्छे के बिना काम कर ही नहीं सकते हायर गोल्स के लिए, क्योंकि मनी की लिमिट एक टाइम पे खत्म हो जाएगी. डिप्रेशन क्यों आता है सर, पैसा तो कमा लिया, लड़की भी मिल गई, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, देन डिप्रेशन कम्स, पर्पस खत्म हो जाता है, बेस्ट चीज मैंने अचीव कर ली. ओशो की लाइन है ये, सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा, ले लो फिर सुसाइड करोगे कि जीवन क्या लगेगा, खाली लगेगा तुम्हें. कुंडली में भी क्या होता है, ग्यारहवा घर किस चीज का होता है, इच्छा पूर्ति का, खत्म. उसके बाद क्या है, बारहवा ही घर है फिर तो. तो अगर तुम्हारा बारहवा घर, तुम्हारा पाइसेस, तुम्हारा जुपिटर, तुम्हारा केतु जो कि कारक है बारहवें घर का, मोक्ष का कारक है केतु, तुम्हारा केतु ही अच्छा नहीं है तो भाई वो व्यक्ति तो सुसाइड करेगा करेगा. अगर सब कुछ इच्छा है उसकी पूरी होगी तो पक्का कर लेगा, या फिर नहीं होंगी उसके लिए कर लेगा. बट केतु अच्छा करना बहुत जरूरी है, इसलिए धार्मिक होना बहुत जरूरी है. अधार्मिक व्यक्ति, धार्मिक मतलब वो नहीं रिलीजन, नहीं. होता क्या है, जब प्रश्नों का उत्तर मिलता नहीं है ना तो प्रश्न ही उत्तर बन जाता है. इस लाइन को याद कर लो और अगर समझ में आए तो उसको समझ जाना. क्या है एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग नहीं मानते क्या बोल रहे, हम तो एस्ट्रोलॉजी बकवास लगती है, हमारे लिए तो ये बोल दिया वो बोल दिया, क्या है एस्ट्रोलॉजी. उनको उत्तर ही नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कोई व्यक्ति ही नहीं मिल पा रहा है जो उनको ज्योतिष समझा पाए ढंग से. क्योंकि कोई व्यक्ति मिला नहीं तो क्या अजम्पशन ले लिया कि ज्योतिष ही बेकार है. तो जो प्रश्न था, क्या ज्योतिष वाकई में काम करती है, वही तुम्हारा उत्तर बन गया, ज्योतिष काम नहीं करती है. पॉइंट समझ में आ रहा है. Yeah, so sir, but then after doing your course, like if somebody gets to know that I'm studying astrology, you know, most of the people yehi comment karte hain that astrology to pata nahi kaam ki nahi. Then I just say one thing, matlab I don't try to convince them. I say ek baar padh ke dekho and then decide it for yourself ki aapko achhi lagti hai ki nahi lagti, because jab tak aap padhoge nahi na, it's very easy to comment ke वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, बिकॉज क्या पता उनकी भी खुद की थिंकिंग ना हो, किसी ने उनको बोला और वो मुझे बोल रहे हो. सो आई सेड आप एक बार पढ़ के देखो एंड देन डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ. जिसने नहीं पढ़ा है और जो ऐसी औरों के ज्ञान के ऊपर आपको कूद के बोल रहा है, या वो किसी ज्योतिष के पास गया बोला मैं तो तीन चार ज्योतिषों के पास जा चुका हूँ, तो इसकी क्या गारंटी, उन्हें ज्ञान है. ज्योतिष बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए भैया, कोई भी उठ के बन सकता है, मैं भी ऐसे ही बन गया, सब उठ के बन सकते हैं. अंतर कहाँ आएगा, कैसे बताओगे अंतर कैसा है, तो उसका फिर यास टू शो केस. मैं वो ट्राई कर रहा हूँ अपने पेज के द्वारा, ज्ञान देके, थोड़ा मिथ्स क्लियर करके, डिराइव्ड लॉजिक्स देके, या फिर प्रेडिक्शंस देके. प्रेडिक्शन इज द बेस्ट वे टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, राइट. आई कैन एक्चुअली रिलेट टू पुण्या सर. मैं जब आपके कोर्स मैंने ज्वाइन करा था तो मेरे को बहुत ज्यादा लाइक क्वेश्चंस के आंसर मिले सर. जब मैं छोटी थी ना, हमारी संस्कृत की क्लास थी, उसमें ना एक मैंने ये पढ़ा था श्लोक, आपको शायद याद होगा, नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन धेति पावक. तो इसमें कहते हैं आत्मा को कुछ छेद नहीं कर सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको जला नहीं सकता. अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो पूरा जर्नी ही आत्मा के ऊपर है कि कैसे आत्मा को ना किसी ने एक्सपीरियंस किया है, हम कर कहां पाते, हम तो इसी दुनिया में घोए रहते हैं. एग्जैक्टली, तो जो गरुड़ ने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज को, गीता के ऊपर उसका बहुत ही अध्याय पे उसका पूरी वो है, प्लीज श्लोक बाय श्लोक ही हैज डाइसेक्टेड गीता
एंड आई डोंट थिंक एनी गाय कैन एवर डू दैट. बाबाओं को सुनने के बजाय वो सुन लोगे ना, तुम्हारा जीवन ही सफल हो जाएगा. ओशो, उसने गीता पे किया है. मैं तो भाई देखो कोई भी जो तुम्हें लिखेगा जो भी मैंने तो जब उनके इंटरव्यूज देखे इनके अवध ओझा सर के, इन सब में कॉमन क्या था, फिलोसॉफी की स्टडी और ओशो, दोनों बोले हैं ये चीज. और मैं उनसे रिलेट कर पा रहा था बिकॉज मैंने भी फिलोसॉफी से ही मेरा जीवन बदला. घूम ही रहा था मतलब ऐसे वैसे, मतलब तो लाइफ चेंज्ड. सर मैं भी जुपिटर रेट्रो वाली बनती हूँ, मेरे को इजीली ना चीजें ये समझ नहीं आती थी. तो आपने एक बार बोला था कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, ये जो भी है वो यही है, जो यहाँ से कर्मा बचेगा वो तुम नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफर हो जाओगे. दैट वाज अ वेल वेरी वेल सेड थिंग, यू नो. आई मीन जो गरुड़ पुराण में बोला जाता है शायद वो लोगों को डराने के लिए कि भैया अपने कर्म थोड़े से ठीक रखो, दूसरों को मत परेशान करो या खुद परेशान मत हो. तो बहुत तो उससे मुझे ये इतने सालों पुराना जो मेरा जो क्वेश्चन था ना, मैं सबसे पूछती थी, वो मुझे भगा देते हैं. रश्मि तू कहां से क्वेश्चन लेके आ, आत्मा की चीज क्या है ना, अगर आप एटम को तोड़ोगे, आप एटम को तोड़ते चले जाओगे एंड में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा जी, कुछ नहीं मिलना उसके अंदर. आप बीज को तोड़ लो, कभी आम के बीज में आम मिले किसी को? बिल्कुल नहीं मिल सकते बाबा. हो क्या रहा है कि जो जॉन पॉल सात्रे था, और जब इन लोगों ने क्या है, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स थे, इन्होंने खत्म कर दिया वेस्ट को. वहां पे इन्होंने बोल दिया भाई कुछ भी नहीं है, मतलब सब जीरो है, बस मरे और खत्म है गेम. और वहां से भी पूरा कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म की थोड़ी क्या है, कुछ भी नहीं है, आप मरोगे खत्म हो जाओगे, जीरो बन जाओगे, जो है यही है. ठीक है, तो कोई भगवान नहीं, कोई रिलीजन नहीं, इसीलिए चाइना का कोई रिलीजन है ही नहीं. रिलीजन क्या है वहां का? कम्युनिज्म है. स्टेट हैज नो रिलीजन. सप्रेस होंगे. रिलीजन का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो स्टेट से ऊपर भी कुछ है, गॉड है. कम्युनिस्ट बोलेंगे ऐसे कैसे, हमसे ऊपर कोई नहीं है, स्टेट इज द हाईएस्ट एंटिटी, वी आर द स्टेट. अब अगेन इसके लिए तुम्हें कम्युनिज्म पढ़ना पड़ेगा. इसीलिए बोलता हूँ सबको एक साल तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी की, फिलोसफी एज एन ऑप्शन लेके, और एक साल सिर्फ सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं उन्हें कोचिंग करनी चाहिए. दो साल तो इसमें देने ही चाहिए तैयारी के लिए, तब जाके तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन के आओगे. बिकॉज जब तुम्हें समझ में आएगा, when you read diverse point of view towards life, then only you can understand and you can use which suits you better in your particular frame of time. Ji, sir, coming back to this retro wala thing, sir, mere dimag mein ek ajeeb sa question aa raha hai. I don't know that makes sense or not. Yeah. Aapne bahut time pehle ek declaration padhaya tha, you remember? Nahin. To, sir, jab aapne इसी का प्रशारा लाइट में आपने डेक्लरेशन सिखाया था, आई डोंट नो, शायद मैं वो वर्ड गलत वो कर रही हूँ, कि एक प्लेन में भी प्लैनेट ऊपर और नीचे हो सकते हैं. तो अगर आप ये वाली कुंडली डेक्लिनेशन आई एम सो सॉरी अबाउट इट. सो सर अगर इस कुंडली में आप देखे जो आपने मार्क करा हुआ है, केतु इज लाइक 5.06 और ये रेट्रो ही होता है केतु, राइट? एंड शनि इज आल्सो रेट्रो एंड इट इज लाइक 7.29. तो ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दे आर वेरी स्लाइट लाइक एक दूसरे पे. बट अगर इनका हम डेक्लिनेशन देखें तो ये अगर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर गए तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, या जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो वो डिफरेंट होगा? नहीं नहीं देखो, अगर आसपास है एग्जैक्ट कोलाइड का, इसलिए अगेन डेटा हमें चाहिए होगा, राइट? एंड सर ये शायद शनि केतु में डिफरेंट हो, क्योंकि कुजवत केतु होता है, तो दिस इज लाइक अ. इसमें भी मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे केतु काइंड ऑफ स्टेशनरी है वैसे, जब भी सर पैदा हुए हैं यहाँ पे केतु राहु की तो स्टेशनरी चल रहे हैं, मतलब काफी लंबे देख रहे हो यहाँ पे 25-26 पूरा 5 डिग्री 5 डिग्री 6, तो इनका स्टेशनरी है. तो सर आपने पढ़ाया मतलब क्या हुआ कि केतु स्टेशनरी है और शनि उसकी तरफ बढ़ रहा है जी, तो ये करियर में ब्रेक देगा. और शनि अगर तुम कभी देखोगे इतना इंटेलिजेंट आदमी और यूपीएससी नहीं निकल रहा, उसको भी उसके जीवन में लिखा है कि उसे पढ़ाना है भाई, वो लिखा के लाएगा उसे प्रोफेसर बनना है, तो उसकी इच्छा तो है. मे भी शायद पूर्व जन्म में रहा होगा राजा, मे भी शायद पूर्व जन्म में कोई रहा होगा अच्छे पद पे, और शायद पूर्व जन्म में अच्छे पद पे रहकर उसने सोचा होगा कि यार कुछ भी नहीं है अच्छे पदों पर रह गए, पदों की वैल्यू होती है, आदमी की वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू तो ज्ञान की, क्या पता उसकी वैल्यू रखे मरा हो. जो पैटर्न है उसका वो भी उसके साथ में आएगा कि बड़े पद पे जाना है, लेकिन वो कहाँ जाएगा इवेंचुअली? तो जो उसने बीज, अगर उसने बहुत गहरे बीज बोए थे पूर्व जन्म में पढ़ाई के, टीचिंग के, ज्ञान के, तो वहां पहुंच ही जाएगा. उसका फल भोगना पड़ेगा. कब भोगेगा? जब समय आएगा उसका, राइट? जब उसका समय आएगा वहां पहुंच जाएगा, हमें देखना पड़ेगा. इसलिए राहु केतु के टाइम में इन जनरल पास्ट लाइफ के रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं, 7.5 में पास्ट लाइफ के रिजल्ट्स मिलते हैं. तो जनरली अगर आपके एग्जाम देने के समय आपके वक्री ग्रह हो
और राहु केतु या साढ़े सात भी चल जाए, शनि की दशा चल जाए, शनि वक्री हो, तो उस टाइम में आपको पेपर नहीं निकाल पाओगे। ओके, आपकी डीपर सेंस क्या है? टीचिंग है। मान ले मैं दिव्य कीर्ति सर का एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहा है? बिकॉज उनका टाइम में और प्लेस नंबर टाइम नहीं है, लेकिन उस दिन की ग्रहों की पोजीशन तो है ना मेरे पास, मैं जानता हूँ उनको, तो ऑफकोर्स आई नो हिज करियर। तो ये तो जनरली आप भी देखोगे ये पैटर्न, ये मिल ही जाएगा आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब वो सोचते होंगे कि यार मैं क्यों नहीं बन पाया ये, शायद उनको आंसर ना मिले, मेरे पास आंसर है, आई हैव द आंसर। सो बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ ग्रेट प्रोफेसर, यू आर मेंट टू बी अ ग्रेट टीचर, यू हैव टू गाइड मेनी पीपल इन योर लाइफ टाइम, करोगे ही करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर। तो यहाँ पे केतु है तो दैट कॉज द ब्रेक इन एवरीथिंग, राइट? और करियर, ऑफ कोर्स। तो सर इसमें यहाँ पे अगर कोई और प्लैनेट हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल समझने की कोशिश कर रही हूँ, और डेक्लिनेशन में वो काफी ऊपर और काफी, जैसे आपने एक प्लेन बनाया और 15 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस है, तो ग्रेविटी तो दोनों प्लैनेट में होगी, आपने समझाया ना, तो उसके कुछ इफेक्ट में राहु केतु में डेक्लिनेशन में थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या राहु केतु ग्रेविटेशनल पॉइंट्स नहीं है सर, राहु केतु के अलावा। ओके, बट एक तो प्लैनेट राहु केतु, अगर लेट्स सी अगर जुपिटर, अच्छा ठीक है सर, वो भी आपने क्लियर करा, दो अगर रेट्रो प्लैनेट्स हैं तो फिर वो एक दूसरे परस्पर वो हो जाएंगे ना अपना, दोनों रिलेटिवली दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। जी और सर राहु केतु में नेगेटिव कम हो जाएगा, राहु केतु में कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा है। जो भी आपको नॉर्मल से हटके व्यक्ति मिल रहा है, अभी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है दिव्य कीर्ति सर, पूरा इंडिया जानता है उनको, पूरा इंडिया, हर मिडिल क्लास आदमी एक आईएएस बनना चाहता है, और हर मिडिल क्लास के लिए पावर कैसे आएगी, सबसे सरल तरीका क्या आईएएस बनना, क्योंकि बिजनेस में तो भैया रिस्क चाहिए, बिजनेस सबके लिए आसान बात नहीं है, इसमें तो क्या एग्जाम दिया निकल गए हो गए, फिर पूरी लाइफ चिल मारो सर। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड है और राहु भी रेट्रोग्रेड है, या केतु, लेट्स से केतु है, बट उसमें डिफरेंस काफी है, तो तब भी एक्लिप्स लगेगा सर, ग्रहण लगेगा दिमाग को, यानी नॉलेज को ग्रहण लगेगा। अगर जुपिटर मान लो राहु की तरफ अप्रोच कर रहा है, मान लो जुपिटर वक्री है और आगे है राहु से, जी, तो दैट इज जुपिटर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स राहु, तो ये जुपिटर में गुण किसके आएंगे? राहु के। ओके, ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें जरूर देखना जिनकी भी लाइफ नॉर्मल से हटके मिलेगी, राहु गुरु वक्री, जहां भी मैं देखता हूँ कि बहुत ही पुअर लाइफ स्टाइल है या कुछ मतलब उल्टा सीधा हो रखा है जीवन में, क्योंकि हमारे पास तो वही कुंडली आएंगे ना जो उनमें नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है ज्यादातर, मानते हो? जी सर। हमारे पास कौन दिव्य कीर्ति सर क्यों आएंगे, उनकी लाइफ चल रही बढ़िया, ही विल नॉट कम, बट जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा उठा पटक हो गई एकदम से, और उनको कोई मिलता है कि हाँ ज्योतिष आया कोई नया, या उनके टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर हो जो आते मेरे पास शायद उस टाइम पे, मे बी अब वो अगर एग्जाम देते शायद वो क्या पता आते कि यार क्यों नहीं हुआ मेरा यूपीएससी, जरा बताना, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, कि धार्मिक तो है क्या पता वो बोलते कि चलो यार बताओ, लेकिन हमारे पास जनरली जो आएंगे वो नेगेटिव वाले ही ज्यादा आते हैं, नेगेटिव इवेंट्स वाले, तो वहां तुम्हें राहु गुरु वक्री वाले लोग मिलेंगे, खासकर सेकेंड हाउस में मिल जाएंगे, तो समझ जाना उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से बहुत हटके जनरली नेगेटिव में ही होती है। अब एक और चीज समझ लो, वक्री ग्रह में नेगेटिव रिजल्ट कम मिलेंगे जब वो पाप प्रभाव में होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पाप प्रभाव में क्या शनि वगैरह केतु के साथ है, केतु उनका पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? एक तो जिस राशि में बैठा उसका स्वामी कौन है? मरकरी। धनु में बैठा है जुपिटर की कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मकरी दृष्टि पड़ रही है अपने अंदर ही, तो अगर कोई वक्री ग्रह शुभ प्रभाव में होता है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी पास्ट लाइफ में जो एक्यूमुलेटेड आपकी डिजायर्स है या एक्यूमुलेटेड जो आपकी स्किल सेट है वो आप इस लाइफ में भी लेके आ रहे हो, और आप उस इस लाइफ में भी उस स्किल सेट पर दोबारा काम करना चाहते हो। अब आप उस स्किल सेट से राइज करोगे कि फॉल करोगे वो डिपेंड करेगा कि उसमें शुभ प्रभाव कितना है, अगर शुभ प्रभाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे अगर पापी मंगल है, पापी ग्रह है, पर मेरा लग्नेश है, तो वो मंगल केतु के साथ रहेगा तो वो इतना नेगेटिव नहीं करेगा क्योंकि लग्नेश है, लेकिन ऑफकोर्स मंगल केतु के साथ में प्रभाव मुझे मिलेंगे, सर्जरीज होंगी, जानवर काटेंगे, वो अलग चीज है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें सारे फैक्टर लगाने पड़ेंगे कि लग्नेश होके अगर वक्री हो गया, फिर अगर वो राहु केतु के साथ आ गया उसमें ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट मिल सकते हैं, वो हमें बता ही देगा आदमी, बट इन जनरल अगर कोई वक्री प्लैनेट शुभ प्रभाव में हो तो कोई दिक्कत नहीं। राहु मान लो तुला राशि में हो, गुरु और शुक्र साथ में हो, कोई दिक्कत नहीं, शुभ प्रभाव में आ गया वो राहु बढ़िया रिजल्ट देगा, और अगर अच्छे घर में हो गया तो फोड़ ही देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सर रेट्रो प्लैनेट की दृष्टि कैसी होगी सर,
अगर वो अब इसमें बहुत सारे मत है भाई, ये मत बहुत कॉन्ट्राडिक्टरीज है, अब उसी पे आ रहा हूँ मैं। जनरली ऐसा बोलते हैं बकरी ग्रह जिस भाव में होता है तो ऐसा बोला जाता है वो उस भाव के रिजल्ट नहीं देता, वो अपने से पीछे भाव के रिजल्ट देता है, ऐसी दृष्टि में भी बोलते हैं कि शायद इस बकरी ग्रह की दृष्टि कहाँ बोलेंगे हम, तीसरे पे पड़ रही, लियो पे पड़ रही है, बट कई बोलते हैं कि कैंसर पे पड़ेगी। अब ये चीजें डिस्प्यूटेड है, इस गेज से आपको प्रैक्टिस से पता पड़ेगा। मैंने तो ये देखा है कि वक्री दृष्टि में तो वहीं पड़ती है, मतलब जहाँ सामने है तो, लेकिन लियो पे पड़ रही है बट मूविंग टुवर्ड्स कैंसर, मैं ऐसे मान लेता हूँ। तो लियो और कैंसर, तो मैं बोलता हूँ कि लियो से कैंसर की तरफ जा रहा है, तो कैंसर के भी मतलब जो हाउस पड़ेगा उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर दृष्टि की बात हो रही है, शनि वक्री है, जेमिनी में वक्री हुआ है, अब यहाँ पे लगन में बैठा है, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं ये टाइम है सर का, तो हम बोलेंगे 12th हाउस के ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे, यानी अपने घर से दूर ले जाएगा ये बहुत ज्यादा उनको, समझ लो, या अपने घर से दूर जाने की प्रवृत्ति है लेकिन जा नहीं पा रहा आदमी, क्योंकि वक्री उनको जाने नहीं दे रहा है, बार बार खींच के ले आता है लगन में, वो फिर दोबारा जाना चाह रहे हैं यहाँ पे 12th हाउस में, फिर वो खींच के लगन में ले आता है। जैसे मंगल केतु या कोई वायलेंट प्लैनेट प्लेस्ड होता, तो फिर वो वक्री ग्रह की दृष्टि अगर वो 12th पे पड़ती तो वो और ज्यादा उसको एजिटेट कर देती उस हाउस को और उसके इफेक्ट को। बिल्कुल बिल्कुल करेगी। और याद रखो अगर कोई भी प्लैनेट किसी भी भाव में बैठा है उसके ऊपर अगर दो से मिनिमम दो अगर नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है तो उससे कारकत्व में कमी तो पक्का आएगी। सीमान वक्री, आपका शनि वक्री है, उससे मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, बैंड बज गई आपके, पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्जांपल देता हूँ, एक शनि वक्री है, गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. शनि किस राशि में बैठा है? धनु राशि में बैठा है, उसी का स्वामी उसको देख रहा है, पहला तो ये हो गया, अच्छी बात हो गई, राशि के स्वामी ने राशि को देख लिया, ये तो अच्छी बात मानते हैं अपन जो पढ़ चुके हैं पहले। Yes, sir. दृष्टि में क्या करता है, उसे बचाएगा कि उसको मारेगा? बचाएगा, बचाएगा। फिर ऊपर से 9th हाउस तो है ही जुपिटर का, यहाँ पे देखो मेष लगन में डबल इम्पैक्ट हो जाता है, पढ़ाया था मैंने, याद है कि नहीं है? मेष लगन में हर चीज डबल होती है। Yes, नेगेटिव हुआ मेष लगन में डबल है, मून स्कॉर्पियो में, तो मून का अष्टम में जाना बेकार है, अब स्कॉर्पियो में और भी दिक्कत आ गई, वो तो नक्षत्र बचा गया यहाँ पे, और क्या बचा गया? मंगल की अपने घर पे दृष्टि है, ये बचा गया। ऊपर से नेचुरली भी मंगल और मून में क्या वो है, 4-10 रिलेशन है, तो अच्छा मानते हैं ना अपन भाई, मंगल नेचुरल में कहाँ आता है, यहाँ पे, और मून नेचुरल कहाँ आता है, यहाँ पे, ये जो रिलेशन होता है मार्स और मून का 1-4 ठीक मानते हैं, झेलना पड़ेगा ना आदमी को। चंद्रमा को क्या हो रहा है, शनि चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, और चंद्रमा शनि की तरफ बढ़ रहा है, अच्छी बात चंद्रमा के लिए नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति के मन की इच्छाएं कितनी अटकेंगी, बहुत अटकेंगी, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, है ना। अब यहाँ पे जनरली हम क्या बोलेंगे, शनि पीछे की तरफ जा रहा है और जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो काइंड ऑफ इसको कई बार ये भी मान लिया जाता है कि जुपिटर पे शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि वक्री है, तो गुरु की दृष्टि में आ गया अभी, पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन अगेन ये मानते हैं, इसमें कितनी क्लैरिटी है हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, अगेन कोई बहुत रिसर्च नहीं है, इसमें बहुत किताबें नहीं लिखी गई हैं, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस से पता पड़ेगा, बट इतना मान लो अगर किसी, अगर तुम देखते हो किसी व्यक्ति के शनि पे केतु की दृष्टि है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, समझ जाना सब केतु अच्छा है, तभी कर रहा है वो। और राहु केतु अच्छे कब होते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं उसका स्वामी स्ट्रांग होगा, तो राहु केतु किसके पद फल देते हैं, मैंने पढ़ाया था छाया किसके हिसाब से फल देगी, अपने स्वामी के हिसाब से फल देगी, स्वामी स्ट्रांग है, अच्छे घर में बैठा है, तो ठीक ठाक रिजल्ट उसमें मिल जाता है, नेगेटिव और रिजल्ट नहीं मिलता है। और केंद्र और त्रिकोण में अगर बैठे हैं और बिना पाप प्रभाव के तो ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कुंडली में क्या हो गया, इस वाली कुंडली में, इस कुंडली में एक सेफ गार्ड ही हो गया, केतु किस घर में बैठा हुआ है, लियो में, लियो का स्वामी कौन है, सूर्य केंद्र में बैठा है, इस पे कोई पाप प्रभाव नहीं है,
सूर्य पे कोई पाप प्रभाव है क्या? कोई दृष्टि पड़ रही है, पाप प्रभाव पापी रहेगी? नहीं। राहु किस राशि में बैठा है? कुंभ राशि में। उसका स्वामी कौन है? शनि। त्रिकोण में बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि है, और राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो मिल गया ना प्रोटेक्शन राहु को। yes. तो यहाँ जब राहु आएगा तो एकदम से क्या होगा, जब भी राहु की दशा आएगी एकदम से नेम फेम मिल जाएगी एकदम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी का चल रहा है इस आदमी का, केतु में वीनस चल रहा है, और केतु में वीनस में क्या है, राहु आ गया, तो 19 अक्टूबर से लेके 22 दिसंबर एकदम से इसको नेम एंड फेम मिल जाएगी, एकदम से इसके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, एकदम से सक्सेस मिल जाएगी इसको। समझ में आ रहा है? कौन है ये सीमा? यस सर। तो राहु किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है? अगर तुम ओशो ओशो की में भी देखोगे, अब ओशो की कुंडली इसका भी देखो, राहु कब से कब आया था, 61-79 भयंकर नेम एंड फेम मिली कि नहीं मिली इसको? राहु सबसे बेस्ट पोजीशन क्या राहु की, सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी मानी जाती राहु की? 11th हाउस। क्यों मानी जाती है? इच्छा पूर्ति सर। और राहु का स्वभाव क्या है? इच्छा पूर्ति। वो इच्छाओं के पीछे पागल है, तो उसको वहीं वही इसको एनवायरनमेंट दे दो तो मजे हो गए। फिर आप राहु स्टेशनरी भी कर दो तो कितना भयंकर एम्बिशियस बन जाएगा आदमी, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी। और स्टेशनरी भी डायरेक्ट की ओर जाता हुआ, डायरेक्ट की ओर जाता हुआ, फिर जुपिटर की दृष्टि आ गई तो बस बल्ले बल्ले ही होगी, फिर तो खत्म ही हो गया गेम ही फिर तो। फिर जैसे यहाँ पे जनरली मुझे लगता है कि दृष्टि वही रहती है, मेरा ये देखा गया मैंने, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जुपिटर यहाँ से कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ, तो 29 डिग्री पे था तो 29 डिग्री पे दृष्टि डाल रहा होगा मीन राशि में, और 29 डिग्री से किसकी तरफ बढ़ रहा है, राहु 9 डिग्री पे, इसकी दृष्टि टूवर्ड्स राहु बढ़ रही है ना। Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उसकी माइकल जॉर्डन जिस दिन पैदा हुआ था, राइट उसका मेरा देखा हुआ है इसलिए बता देता हूँ, ये तुम्हें एक मंगल वक्री का वो दे रहा हूँ मैं रिजल्ट, इस पे ही बहुत वो है कि भाई मंगल वक्री कैंसर में नीच का मानू उच्च का मानू। अब कई लोग बोलते हैं कि आई थिंक जेडी भसीन थे, जेडी भसीनी है उनका नाम, भसीन तो मुझे याद है उनका पहले इनिशियल में भूल जाता हूँ, तो भसीन साहब की किताब है उसमें भी यही लिखा हुआ उत्तर कालामृत का ही है, कई लोग बोलते हैं कि वो गलत हैं और बकरी रहे तो बकरी रहेगा तो मंगल बकरी नीच का ही रहेगा। देखो पर्यावरण तो कैंसर का ही रहेगा ना, मंगल बकरी हो जाए कैंसर में तो भी पर्यावरण तो उसे एनवायरमेंट तो कैंसर का ही मिल रहा है ना, इमोशंस वाला ही, पर उसमें उसका बिहेवियर बदल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल जो शॉर्ट गेम्स होते हैं जिसमें बहुत कम टाइम वाले जो गेम होते हैं, जैसे मान लो बास्केटबॉल है, आधे घंटे का ही गेम है, एक घंटे का गेम है, दो घंटे का गेम है, बहुत कम वाले हैं, मतलब फटाफट खेला और चल लिए फिर गैप मिल गया, जनरली ये मतलब ये मूवमेंट वाले गेम्स हैं। जिस दिन माइकल जॉर्डन पैदा हुआ उस दिन मंगल क्या है, बकरी है कैंसर राशि में, ये उच्च की तरह स्वभाव दिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, मंगल उच्च का मतलब क्या होता है, what dedication, highly dedication towards his energies. Now he, does any guy with Mars in Capricorn knows how to channelize his energies. Point समझ में आ रहा है? और generally क्या होता है, राहु मंगल स्पोर्ट्स के लिए अच्छा माना गया है। Point समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। कि राहु मतलब राहु तो देखो मंगल फायर है, राहु एयर है, एयर और फायर से क्या होता है, फायर बढ़ती है। मैं काहे 2 साल से फायर फायर करता रहता हूँ, क्योंकि हर समय राहु मंगल चल रहा है यार, पहले राहु और मंगल साथ थे, अभी राहु एरीज में, इसलिए 2 साल से हम इतनी आग की बातें सुन रहे हैं। पहले कहाँ सुनते थे इतनी, अभी सुनने लगे। क्यों सुनने लगे? इसी कारण से सुनने लगे। जो मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ वैसे होना कि ऋषि मुनि लिख के गए कि ऐसा होगा ऐसा होगा, अब इस टाइम पे वो डिराइव करनी पड़ती है। ग्रहण पे भूकंप देने की प्रेडिक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करती किसी ज्योतिष ने, चाहे वो मैं हूँ या कोई और ज्योतिष हो, बहुत छोटी चीज है। इट इज द मोस्ट क्या बोलूँ इसको मैं, इट्स लाइक कि मंगल की तो सर्जरी होती है, जो नॉर्मल आप पढ़ते हो कि सूर्य है तो अथॉरिटी है, तो वो वाली बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसा मेन है कि उसमें ड्राइव क्या करते हो, तो वो ड्राइव कर लोगे तो बहुत अच्छा, और वो आप बच्चे कर पाओगे अब, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है
किस तरीके से अपने को करना है, किस तरीके से अपने को ठीक है सर। मेरे पास भी एक डिटेल है जिसमें सैटर्न मंगल और जुपिटर तीनों रेट्रो हैं, लाइफ बहुत अलग है, मतलब जीरो से बहुत पैसा कमाया और मैरिज भी फैमिली के बिना बताए की है। हो गया। वो भी सारे रेट्रो हैं, मतलब तीन मेन प्लैनेट्स रेट्रो ही हैं। ठीक है, तो अभी, अभी अभी उसको हम लेते हैं, उसको अभी उस कुंडली देखते हैं पहले, मुझे रेट्रो पढ़ा दो पूरा। आई थिंक आज तो रेट्रो में चले जाएगा, अगली क्लास यूरेनस नेपच्यून प्लूटो तो शायद अगले में कर पाऊंगा डिस्कस, या देखते हैं आज अगर कर पाए तो। ठीक है, तो अपन क्या समझ में आ रहा है, स्वभाव बदल जाएगा, यानी अगर आप रेट्रो फ्रेंडली राशि में रेट्रो हो गए तो वहां पे एनिमी वाली फील आएगी आपको, एनिमी राशि में आप रेट्रो हो गए तो फ्रेंडली वाला एनवायरमेंट मिल जाएगा। न्यूट्रल में तो न्यूट्रल ही रहता है, उसमें जनरली ऐसा कुछ मतलब न्यूट्रल में न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न जब धनु राशि में रेट्रो होता है, धनु क्या है उसकी न्यूट्रल राशि, जुपिटर सैटर्न में ना फ्रेंडशिप है ना एनमिटी है, इसलिए वहां पे सम का स्वभाव सम ही मिलता है, विषम में सम का हो जाएगा, सम में विषम का, इवन में ऑड का, ऑड में इवन का, फ्रेंडशिप में एनमिटी, एनमिटी में फ्रेंडशिप का। पॉइंट समझ में आ रहा है जी सर। लेकिन रेट्रो प्लैनेट्स में आपको पीछे वाले हाउस का रिजल्ट मिल जाता है, जनरली देखा गया है ये मिल जाता है। जैसे एक मान लो किसी का एक मान लो किसी का सेवेंथ हाउस में जुपिटर रेट्रो हो जाए, लगन की डिग्री 29 डिग्री है, जुपिटर मान लो मतलब यहाँ पे रेट्रो आपको सेवेंथ हाउस में दिख रहा है 3 डिग्री का, लेकिन ये मान के चलना वो बीमारी देगा उसको लिवर की, पक्की बात है। और अगर जुपिटर के आगे, यहाँ मान लो आगे बोल रहा हूँ, जब प्रोग्रेस करेंगे लाइफ को तो आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, तो मान लो आगे अगर पाप ग्रह हैं उसके, मान लो जुपिटर रेट्रो है, एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ यार तुम्हें, अभी मेरे पास एक केस आया था लिवर ट्रांसप्लांट का, डरना नहीं है यार रेट्रो प्लैनेट से, एकदम बढ़िया चीज है, सिंपल वही है, रेट्रो प्लैनेट से प्रभाव में अच्छा रिजल्ट देगा बल चढ़ के। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग केस है बहुत ही जो तुम्हें दिखाने वाला हूं। केपी के अंदर रेट्रो है ही नहीं भाई साहब, केपी में कोई रेट्रो फेट्रो का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ रेट्रो, लेकिन जो ओरिजिनल केपी थे कृष्ण मूर्ति जी, उन्होंने जरूर इस्तेमाल किया है प्रश्न कुंडली में, कि अगर प्रश्न कुंडली में कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आया है और उस समय 11वें भाव का स्वामी रेट्रो है तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, सीधे उनका आंसर है। लेकिन नॉर्मल कुंडली में रेट्रो का उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया है, और उनके जो चेले हैं जो अब देखते हैं अपन, वो तो करते ही नहीं है मतलब। खैर, ये कुंडली है, जब भी कुंडली आई मेरे पास तो लगन ही स्कॉर्पियो था, एक तो लोग बात अलग है, लगन का स्वामी मंगल है, वो एक तो कैंसर साइन में नीच का है और भाग्य में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीमारी में क्या है, यहाँ पे वृश्चिक लगन में बीमारी का स्वामी कौन बन जाता है, मंगल ही बन जाता है, गुरु के एक तो छठे भाव की तरफ बढ़ रहा है, उसके रिजल्ट देगा पक्की बात देगा। और जुपिटर के आगे प्लैनेट्स क्या है, राहु और मंगल है, पीछे भी शनि ही है क्या, बट आगे राहु और मंगल है, तो ये जुपिटर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो जुपिटर का बीमारी संबंध हो जाए और आने आगे जो प्रोग्रेशन है उसमें जो प्लैनेट्स हैं, प्रोग्रेशन में हमेशा आगे वाले प्लैनेट्स देखते हैं, अगर इमीडिएट में होता तो जरूर देखते हैं हम, अदरवाइज आगे के प्लैनेट्स देखते ही देखते हैं। तो आगे जुपिटर को प्रोग्रेस कराऊंगा जब मैं, तो राहु और मंगल मिलता है, उसमें रेट्रोग्रेशन नहीं देखते प्रोग्रेशन में अपन, तो आगे अपन क्या देखते हैं, राहु और मंगल, तो ये जुपिटर को कमजोर कर रहा है, लिवर को कमजोर कर रहा है इन जनरल। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या है इस केस में, जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लिवर को, राइट, याद है कि नहीं है जी सर। अब इसमें कमाल की चीज तुमको दिखाता हूँ, अब इनकी बेटी इनको लिवर अपना ट्रांसप्लांट दे रही है, अपने लिवर का हिस्सा इनकी बेटी अपने फादर को दे रही है, तो इसका मतलब क्या, उसका जुपिटर नॉर्मल होगा क्या, क्या प्रेडिक्शन है बिना कुंडली देखे, क्या लगता है तुम लोगों को, रेट्रोग्रेड होगा सर। बाकी बच्चे नॉर्मल तो नहीं होगा, ये भी अच्छी प्रेडिक्शन है कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। रेट्रो जुपिटर स्कॉर्पियो में आ गया, पूरा पास्ट लाइफ संबंध हो गया,
लग्नेश ही जुपिटर है इसका, तो लग्नेश ही वक्री है 12th हाउस में स्कॉर्पियो के अंदर, संबंध सूर्य से बना हुआ है फादर। यहाँ पे 9th लॉर्ड भी सूर्य है, यहाँ पे डबल सन फादर बन गया है यहाँ पे। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ भी वक्री ग्रह बैठा हुआ छठे भाव में, इसलिए शुक्र राहु शुक्र केतु ये लव अफेयर्स में आपको दिक्कत दे देंगे। पास्ट लाइफ प्रेम हुआ, बहुत प्रेम हुआ पर दिल टूट गया। केतु इन जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात की जाती है स्कॉर्पियो, तो केतु में भी स्कॉर्पियो ही गुण है ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, जहाँ सडन अप एंड डाउन है वहाँ राहु केतु दोनों आते हैं। पर जब जीवन में घटना घटेगी आप टूट जाओ एकदम से, चकनाचूर हो जाओ कि भाई मतलब क्या हो गया, सेटबैक जिसको बोलते हैं, वो बिना केतु और स्कॉर्पियो के पॉसिबल नहीं। बड़े लेवल पे अचानक सेटबैक, देखो सेटबैक्स होना बुरी बात नहीं है जीवन में, बिना सेटबैक के तो आगे जीवन में, जीवन में अगर आपने सेटबैक बड़े देखे नहीं, कहीं कोई भी बड़े आदमी को पकड़ लेना उसकी कहानियों में तुम्हें एक चीज जरूर मिलेगी कॉमन, बिग सेटबैक। क्या मैं कह सकता हूं, किसी के पिताजी बचपन में छोड़ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फादर का होना जीवन में, किसी के अचानक फादर की मृत्यु हो गई कम उम्र में, गरीबी में रहा, कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा हो गया, वहां कुछ नहीं मिला कहीं चला गया, कोई बीमारी हो गई आपके, आपकी बीवी की डेथ हो गई, उसके आपने कैंसर के, इमरान खान था कैंसर का अस्पताल उसने बनाया पाकिस्तान में वो लगा रहा। कोई भी बड़ा आदमी देख लेना जीवन में जिसने कुछ भी उखाड़ा है, बिना बिग सेटबैक के उखाड़ ही नहीं सकता है। इनफैक्ट अगर हम कुंडली भी देखें काल पुरुष की, काल पुरुष कुंडली में हम क्या देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ लेगा उसे कोई बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जीवन में भाग्य कब आता है, सीधे भाग्य मिलता है क्या 7th हाउस के बाद, या पहले ये आता है डेथ, पहले 8th हाउस आएगा भाई, पहले आपको मरना पड़ेगा, पहले आपके अंदर जो भी है, जो भी आपने सीखा हुआ है ना दुनिया से, ये परिवार से, ये दोस्त छोटे भाई बहन दोस्तों पड़ोसियों से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बीवी से, जो भी आपने सीखा हुआ है इन सबको तोड़ना पड़ेगा। इसको मरोगे, जब मरोगे, जब डेथ आएगी उसके बाद ही तुम्हें भाग्य मिलेगा, सिर्फ डेथ के बाद ही। तो वो डेथ जो है वो सिर्फ वैसी डेथ नहीं है, आपके अंदर की डेथ है, आपके सारे नियम कानून तोड़ने पड़ते हैं आपको कि शिट जो मैंने सीखा था यार वो तो सब कुछ बकवास था, जीवन तो कुछ और ही है। और जब वो सेटबैक लगते हैं उसके बाद ही आपको क्या मिलता है, भाग्य का उन्नति शुरू होता है, उसके बाद भाग्य मिलने लगता है, और फिर उसके बाद गुरु मिलता है आपको, 9th हाउस गुरु है भाग्य, पूरी लाइफ यहीं से ही है। और वृश्चिक राशि जो है स्कॉर्पियो जो है अष्टम भाव है, इसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं, गुरु का, शनि का और बुध का। काहे पड़ते हैं, कितनी बार हम देख चुके हैं कि जैसे ही आपके जीवन में सेटबैक आया उसके बाद करियर में राइज हुआ, क्यों? क्योंकि नक्षत्र कौन सा है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, अनुराधा का मतलब क्या होता है, शनि, शनि किसका स्वामी है काल पुरुष कुंडली में, किसका स्वामी है, काम और गेन्स, 10th और 11th लॉर्ड का। तो मान लो व्यक्ति क्या बोलोगे इसको आप, ये कुंडली प्रेडिक्शन अलग चीज है, आपने बोल दिया कि स्टडी करना है, बट जो काउंसलिंग है उसे काउंसलिंग करनी है आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉब। प्रेडिक्शन गलत हो सकती है आपकी यार, कब जॉब लगेगी, कब शादी होगी, यू विल कमिट एन एरर बिकॉज सो मेनी वेरिएबल्स आते हैं, कब फॉरेन जाएगा एरर हो जाएगा उसमें, लेकिन इसमें कभी एरर नहीं हो सकता जब उसे गाइड करोगे कि भाई जीवन में तेरे सेटबैक लगते ही रहेंगे, चंद्रमा वृश्चिक में है, लेकिन सेटबैक के बाद ही करियर राइज होगा। तो एक टाइम जब भी तेरे जीवन में लो आए समझ जाना आगे बहुत राइज करेगा, उस लो का इस्तेमाल कर। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन यही चंद्रमा अगर इसमें फंस गया ज्येष्ठा में, यहाँ पे भयंकर टर्मोइल है, ये लास्ट नक्षत्र है, अब बस आप वाटर से फायर में जाने वाले हो, इनके लेवल की सेटबैक बहुत ज्यादा बड़े लेवल के होते हैं, बहुत ही बड़े लेवल के, क्योंकि मरकरी काल पुरुष कुंडली में छठे भाव का स्वामी भी, तो रिश्तेदारों से कर्जों से परेशान हो कि जब सेटबैक आएगा तो वो फिर ज्येष्ठा में आएगा, स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ इन जनरल।
तो बिना से अगर और लोग क्या बोलते हैं, सर स्ट्रगल नहीं चाहिए सर मेरे को, सर बहुत स्ट्रगल है सर, सर स्ट्रगल कम कर दो, बताओ यार कितने बेवकूफ है, डिमांड ही गलत है उनकी, इसलिए सप्लाई भी नहीं मिलेगा उनको, बनना है सर बड़ा आदमी बनना है, सॉरी बिना सेटबैक के नहीं बन सकते। कौन सी मूवी रॉकस्टार की तरह दिल टूटा है कि टूटा है बोलता है ना, मतलब पहले प्यार कर, जब वो दिल टूटेगा ना तब पता पड़ेगा। वैसे भी स्कॉर्पियो वॉटरी साइन है यार, इमोशनल सेटबैक देता है भयंकर, ट्राइन है कैंसर का, प्रेम का लव है यार कैंसर क्या है, होम होम का पंचम है ये, घर से दूर जाओगे दिल टूटेगा, प्रेम में दिल टूटेगा, उसके बाद ही इंसान राइज करता है। ऐसा क्यों होता है हर जगह, क्या कारण है ये, ये कारण स्कॉर्पियो, आप अगर स्कॉर्पियो से नहीं गुजरे हो तो धनु में कैसे पहुंच जाओगे। समझ में आ रेला है कि नहीं आ रेला है? ठीक है, समझ में आ रहा बकरी ग्रह कैसे काम करते हैं, यही है बकरी का मेन, रेट्रो में प्लैनेट का स्वभाव चेंज हो जाता है। ठीक है, जो भी आप प्लैनेट्स के रिजल्ट पढ़ते हो अपनी कुंडलीज में, वो एवरेज स्पीड मान के रिजल्ट दिए गए हैं, वो चर अतिचर उसके हिसाब से नहीं रिजल्ट दिए गए हैं। नक्षत्र की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों केपी में इतना नक्षत्र की बात करी गई है, क्योंकि भाई नक्षत्र तो है मेन चीज, किस नक्षत्र में बदलाव हुआ, राशि तो यार चंद्रमा तो अष्टम में 60 करोड़ लोगों का है, क्या सारे 60 करोड़ लोगों का ऐसा होगा, नहीं, फिर नक्षत्र देखेंगे उस पर दृष्टि क्या है, रिलेटिव पोजिशनिंग क्या है प्लैनेट्स की, वो भी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या चंद्रमा से 10th हाउस में क्या हो गया, सारे अच्छे प्लैनेट्स आ गए, शुक्र आ गए चंद्रमा से केंद्र में, तो बच गया, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कुंडली में। सिर्फ ये बोल देना मून 8th हाउस बेकार है और उस बात पे आप वैदिक का मजाक बनाओ, बहुत ही पुअर अंडरस्टैंडिंग है आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। बात समझ में आ रही है, आपको रिलेटिव पोजिशन देखनी पड़ेगी प्लैनेट्स की, मून 8th हाउस में है, किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी कहाँ है, शुभ प्रभाव है कि नहीं है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, जिस घर में बैठा है उसमें क्या हालत है, क्या दशा आपकी चल रही है, सब देखना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। तो से अलग अलग यू कैन डिराइव, यानी अगर आपका लग्नेश वक्री हो जाए, फर्स्ट लॉर्ड रेट्रो हो जाए, तो व्यक्ति को अपने नेम और फेम के लिए बहुत ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जरूरत से ज्यादा, बिकॉज प्लैनेट नेचुरली बैकवर्ड्स मूव कर रहा है, उसको फॉरवर्ड ले आने के लिए आपको डबल बूस्टर लगाना पड़ेगा, नाइट्रो बूस्टर लगाना पड़ेगा, गाड़ी आपकी ढलान पे पीछे की तरफ जा रही है, तो अगर पीछे की तरफ जाने से आपको आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आगे लेके जाना पड़ेगा। अब जिसका शुभ प्रभाव में होगा, आज मान लो शनि वक्री है मान लो मेरा, तो मैं चाहे कितना IIT पढ़ लूं, लॉ पढ़ लूं, कुछ भी पढ़ लूं, लेकिन अब नेचुरल मेरा जो शनि है मुझे पीछे लेके जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी एक पास्ट करियर है, इस लाइफ का करियर नहीं है, पास्ट लाइफ करियर है, और अगर वहां जाने से मुझे शुभता मिल रही है, मेरे को मॉनिटरी हेल्प हो रही है, मेरे को स्पिरिचुअल हेल्प हो रही है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं वक्री में। और वहीं सारे क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्लैनेट सारे एस्ट्रोलॉजी के पेजेस पे यूट्यूब पे भरा पड़ा है, वक्री मतलब बर्बाद आदमी, हर वक्री को बर्बाद सीधे बोलते रहे वक्री वक्री वक्री, ऐसे नहीं होता है। इनफैक्ट जितने भी बड़े लोग हैं सबका तुम्हें जुपिटर वक्री मिलेगा, एक भी उठा के देख लेना, मेजोरिटी तुम्हें जुपिटर वक्री, जुपिटर का वक्री मतलब क्या, लाइफ ही एकदम अलग है, पूरा लाइफ ही आपका चेंज हो गया है। तुम चाहे एलोन मस्क उठा लो, क्या है उसका 28 जून 1971, वो आदमी अलग है, पूरी दुनिया से अलग है, जुपिटर वक्री स्कॉर्पियो में और है, तो भयंकर पास्ट लाइफ में भयंकर इसने लेके आ रहा है, शनि शुक्र की दृष्टि मिल रही है इसको, और क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में आप उसको ले लो, नरेंद्र मोदी को ले लो, तो जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, हम अज्यूम करते हैं कि वो सही है, आई थिंक वो ठीक ही है, ले लो 17 सितंबर 1950, कोई बात नहीं, टाइम का नहीं पता, तो टाइम भी पता है तुरा लगन है वैसे, लेकिन फिर भी जिस दिन वो पैदा हुआ है, जुपिटर क्या है, बकरी है। और उठा लो कोई, टॉम क्रूज देख लेते हैं, नॉर्मल से हटके बंदा है भाई, सारे स्टंट खुद करता है वो अपने, बकरी ग्रह मिल जाएगा, जो भी आप कियानो रीव उठा लो, कहीं भी बकरी ग्रह मिल ही जाएगा उन्हीं कुंडलीज में आपको, चाहे बुध वक्री या कुछ, जुपिटर वक्री में और ज्यादा वो हो जाता है। ये लो 3 जुलाई 1962 जुपिटर वक्री है, शाहरुख खान उठा लेता हूँ मैं, कहाँ है शाहरुख खान की, क्या है यार सलील को पता है, सलील क्या है, 2nd नवंबर 1965 एग्जैक्टली।
कहाँ है भाई जुपिटर? वक्री है, शनि भी वक्री हो गया। शनि की दशा में क्या रिजल्ट मिलेगा वो अलग चीज है, बट वक्री मिल गया तुम लोगों को यहाँ पे। प्रमाण देख रहे हो सब कुछ, प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। जो व्यक्ति नॉर्मल से हटके सोचता है समाज की दिशा से, समाज की दिशा में सोचना कोई महान कार्य नहीं कर दिया आपने, अनलेस अंटिल समाज ही महान हो तब गुरु वक्री दिक्कत है। तो पुराने जमाने को ये जो विद्या लिखी गई है एस्ट्रोलॉजी की, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए लिखी गई है। इसमें जो रिजल्ट आप पढ़ते हो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, इसलिए वक्री गुरु को बेकार मानते हैं वहां पे, वक्री शनि को बुरा मानते हैं। अगर सारा समाज ही समाज कल्याण के लिए काम कर रहा है, आइडियल समाज, तो वहां वक्री गुरु की दिक्कत की बात है। लेकिन यहाँ पे तो समाज ही अलग है भाई, इनके नियम कानून ही अलग है। इस समाज में शादी करना आसान है, अलग होना महा मुश्किल है। डिवोर्स इतना ज्यादा अनटाइडी प्रोसेस डिवोर्स का, कभी कोर्ट जाओगे ना तुम्हें मतलब शर्म आ जाएगी। मतलब डिवोर्स केस में ना आदमी ऐसी, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मैं तो देखे केसेस जब मैं था, बहुत ही मतलब डिवोर्स केसेस ज्यादा वन ऑफ द वर्स्ट केसेस। तो फैमिली लॉयर को सलाम है भाई जो फैमिली के केसेस देखते हैं, अगर वो सुनेंगे कभी ये वीडियो तो उनको सलाम है मेरा, बिकॉज फैमिली लॉ केसेस देखना बहुत टॉर्चरस है। सेम विद एस्ट्रोलॉजी, जब मेरे पास आते हैं केसेस, रिलेशनशिप के केसेस आते हैं, तो वाकई में मतलब क्या बोलो, मतलब वहां पे क्या करोगे, मतलब बहुत दुखदाई है। तुम्हें मिल जाएगा वीनस खराब, जिनके रिलेशनशिप खराब है तुम्हें वीनस कमजोर दिख जाएगा उसमें। स्कॉर्पियो में होगा आगे पीछे मंगल केतु होंगे, ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें बेचारे के, जा ही नहीं अच्छे रिलेशनशिप, क्या करें, उसको बदलना पड़ेगा अपना बिहेवियर। वहां गाइड करना पड़ेगा तुम्हें कि वीनस के आगे तेरे को मंगल मिल रहा है यार, तू भी थोड़ा सा ना मतलब मंगल क्रॉस कर, डोमिनेंस से बाहर निकल, अपने पार्टनर्स को डोमिनेट करना या अपने ही तरह के चूजी एकदम पार्टनर्स ढूंढना, उससे आगे निकल, छोड़ इन चीजों को। तेरा काम प्रेम करना है, जो मिलेगा उसे प्रेम करूंगा। बट ये व्यवहार को लाने के लिए इंसान में धर्म की चिंगारी होनी चाहिए, वो है ही नहीं। और धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब ड्यूटी है, आग का धर्म जलना और जलाना। तो बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए बहुत इंसान को किसी गुरु, क्यों गुरु की इतनी महत्वता बोली, गुरु से क्या श्रद्धा आती है आदमी से कि गुरु ने बोला तो मैं मानूंगा। वो मानते थे लोग, गुरु ने बोल दिया मानना है। कर्ण था जैसे कि गुरु ने बोल दिया मेरी नींद टूटनी नहीं चाहिए, तो उसको पूरा वो काट गया था मतलब कीड़ा कर्ण को, जो स्टोरी में दिखाया गया हमें, और उसने चूं भी नहीं करी मतलब। इवन तो उसको बाद में श्राप दिया गया बिकॉज उसने अपना को क्षत्रिय दिखाया था और वो सूतपुत्र था। एज पर देम शेड्यूल कास्ट मान लो, या एज पर देम क्षत्रियों को ही अलाउड था, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं रिजर्वेशन और उसका, या तो उन्होंने बोल दिया कि तू तो अलाउड ही नहीं है, धर्म तोड़ रहा है। तो वहां पे धर्म का मतलब कुछ और था, बट वो जो लेवल की श्रद्धा है वही आपको महान बनाती है। पर श्रद्धा भी ऐसे गुरु में होना जो गुरु भी मतलब श्रद्धा देने लायक हो। यहाँ पे गुरु भी कमाल के हैं, अधूरे ज्ञान में सबने शुरू कर रखा है मतलब पूरा बिजनेस, चाहे कोई भी हो, तो वहां कैसे आपको मिलेगा। इसलिए क्वालिटी टीचर्स मिलना, ये भी आपके भाग्य की बात है कि आपको अच्छे गुरु मिल जाए, बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब वाकई में आपने कोई अच्छे कर्म किए तभी कोई अच्छा गुरु मिल पा रहा है, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल है। ये कैसे, क्योंकि आपको भी तो, क्योंकि जो शिष्य है उसमें अभी जजमेंट करने की एबिलिटी नहीं आई ये गुरु मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, जैसे बच्चे में नहीं होती है, तो जो सिखाते हैं वो मान लेता है। तो पहले तो खुद को भी वहां पहुंचाना है कि आप में हो, और वो कैसे आएगा, सेटबैक्स के थ्रू। पहले मैं टीचर के पास गया, उसकी फिलोसफी मानी, हैप्पीनेस मिली नहीं मिली, चेंज द टीचर, तब जाके आपको फिर मिलता है कि यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। एक है कहानी गौतम बुद्ध की, उसके पास जाता है, आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम था उसका राजा का, कि वो बोलता है कि मक्खली घोसाल और उस समय के जो फिलोसफर्स थे उनका कहना है कि, या जो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, अगेन मैं नाम भूल रहा हूँ, चार्वाक था उस टाइम पे कि नहीं था मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक था जिसमें बहुत हेडोनिस्टिक फिलोसफी उस टाइम पे आ गई थी और एग्जिस्टेंशियलिस्ट, कि आप मर जाओगे इसी में समा जाओगे कुछ भी नहीं है। तो गौतम बुद्ध बोलता है कि मुझसे ज्ञान लेने से पहले आपके जितने भी ऑलरेडी यहाँ पे टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, पहले आप उनके पास जाओ, उनसे आप ज्ञान की दीक्षा लो, और उसके बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले तब मेरे पास आना। सीधे मेरे पास आओगे तो मेरी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, पहले आप उनके पास जाओ। फिर वो राजा बोलता है कि मेरे को पता नहीं, वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि बस मर के खत्म है बुरा गेम, बट इससे मजा नहीं आ रहा, मतलब अंदर एक द्वंद्व है, एक डुअलिटी है कि मैं कुछ तो अलग हूँ। तब फिर वो समझाना शुरू करता है कि जैसे एक ओशो का एग्जाम्पल था एक अच्छा, कि जो ब्रिज है वो पार करने के लिए, वो घर बनाने के लिए नहीं है। तो मनुष्य भी एक ब्रिज है, एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है मनुष्य, हम यहीं पे रुक गए हैं बेसिकली, हम यहीं पे अटैच हो गए हैं। पहुंचना कहाँ है, परमात्मा बनना है, और कहाँ से निकले हैं, पशुओं से।
हमारे लिए पशु एक लोअर स्टेट ऑफ वो है, वो भी चिल मारते हैं। पशुओं में कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, चिल मारते हैं वो। लेकिन उनका चिल और एक जो परमात्मा को पा जाए उसका चिल, उसमें रात दिन का अंतर है, राइट। पशुओं में विचार उत्पन्न नहीं होते, हमारे में विचार उत्पन्न होते हैं और हम उन्हीं में फंस गए हैं। अब उन विचारों से उत्पन्न होकर आगे बढ़ना, वो एक बहुत टफ चीज है, वो हमेशा ज्ञान से आती है। रेट्रो प्लैनेट में यार आई थिंक हमने काफी तो कुछ कवर किया ही है। हमने ये भी समझा कि कैसे उसमें रिजल्ट मिलते हैं। सबसे मेन क्या है, शुभ प्रभाव ही है। अगर तो आपका फर्स्ट लॉर्ड रेट्रो हो गया, ज्यादा नेम एंड फेम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड लॉर्ड रेट्रो हो गया तो पैसा कमाने में आपको थोड़ा स्लोनेस आ जाती है। अगर पाप प्रभाव होगा तो और दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सेकंड लाइफ, सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में ज्यादा सक्सेस मिलती है रेट्रो प्लैनेट्स वालों को। इसीलिए अब क्या देख रहे हैं भैया, दिव्य कीर्ति सर क्या देख रहे होंगे कि यार मेरे साथ के लोग तो इतना आगे पहुंच गए, मैं काहे नहीं पहुंच पा रहा। अगर उनका मापदंड आईएएस बनना है तो दिव्य कीर्ति सर का, वो इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा उनको वक्री शनि का रिजल्ट, वो बाद में मिलेगा जो उनको मिला है। और आज उनको लगता भी होगा कि अच्छा हुआ आईएएस नहीं बनाया, जहां पहुंचा हूं वहां भी बहुत अच्छा हूं और काफी अच्छा अचीव कर लिया है यहां पे भी। भाई देखो, जो अच्छा इंसान है ये अगर आईएएस दिव्य कीर्ति सर अगर आईएएस बनते, ऊजा सर आईएएस बनते, वहां भी वो फोड़ते, लेकिन वहां पे नहीं पहुंच पाए कोई दिक्कत नहीं, तो जो करूंगा उसमें भी फोड़ूंगा। ये आईटी जीवन में जिसका है वो बहुत आगे बढ़ेगा, जो अटक गया ना उसमें कि नहीं नहीं हम तो इसी से कर सकते हैं और किसी में नहीं, वो फंस जाएगा फिर, ठीक है। उसी में क्या होगा, थर्ड लॉर्ड आपका रेट्रो हो गया पराक्रम का स्वामी, तो उतना करेज नहीं होगा उसके अंदर जितना होना चाहिए था। जनरली देखा गया कि थर्ड लॉर्ड रेट्रो तो भाई बहन की संख्या तो कुछ बहुत ही ज्यादा होगी, नॉर्मल से हटके बिल्कुल होंगे ही नहीं, या उनमें कोई दिक्कत होगी। थर्ड हाउस में कोई वक्री ग्रह प्लैनेट बैठ गया, जैसे मैंने बताया था आपको अभी कभी, एक मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने सुसाइड किया, तो जो उसका जो बड़ा भाई है उसके बड़ा भाई में दिखना चाहिए ना उसे कुंडली में कि छोटे भाई के साथ कुछ गड़बड़ थी, राइट। तो जो बड़ा भाई है उसके तीसरे भाव में वक्री ग्रह बैठा हुआ है, समथिंग अनयूजुअल अबाउट छोटा भाई बहन। अब वो कितना अनयूजुअल है, गुड या बैड, वो डिपेंड करेगा थर्ड लॉर्ड कैसा है। अब वो टॉरस लग्न का व्यक्ति था, ठीक है, तो जुपिटर वक्री बैठा हुआ है कैंसर में थर्ड हाउस में, और चंद्रमा लेकिन टेंथ हाउस में था अष्टम में। वो मीन लगन है, वो मीन लगन था और थर्ड हाउस में टॉरस में वक्री जुपिटर था और चंद्रमा अष्टम, चंद्रमा टेंथ हाउस में था, उसमें ये था। तो तीसरे वक्री ग्रह का मतलब समथिंग अनयूजुअल। चौथा घर का स्वामी वक्री हो गया तो प्रॉपर्टी से दिक्कत रहेगी आपको। मंगल क्यों, मैं मंगल वक्री में प्रॉपर्टी के लिए मना करता हूँ, मंगल इज द कारक ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ अनयूजुअल है। अब वो अनयूजुअली गुड है या अनयूजुअली बैड, इट विल डिपेंड अपॉन द कुंडली। बिकॉज मेरे पास लोगों की कुंडलियां नहीं है इसलिए मैंने जनरली सबको बोल दिया, ऐसा नहीं है कि वक्री मंगल में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ना खरीद रही है ना यार, खरीदेगी जिनकी। तो अब इसमें एक और सवाल था इसका कि सर अगर कुंडली में वक्री ग्रह तो क्या होगा। अगर मेरी कुंडली में शनि वक्री है और शुभ प्रभाव में है, यानी जब भी आकाश में शनि वक्री होगा तो वो मेरे लिए अच्छा है, ऑटोमेटिकली मेरा और भी पास्ट लाइफ के से जो कनेक्शन था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उस टाइम पे मेरे को और अच्छे गुरुज मिलेंगे, और अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, मेरे ये वाला एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। अरे काटे मत ऐसे बीच में मेरे को, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो मुझे और अच्छे लोगों से मिलना हो सकता है। ऑलवेज रिमेम्बर, वक्री ग्रह अगर आपकी कुंडली में जब होते हैं और जब आकाश में ग्रह वक्री हो जाता है गोचर में, उसका प्रभाव आप पे आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, इट विल डिपेंड कि रिलेटिव पोजीशन क्या है उसकी आपकी नेटल पोजीशन से। नंबर वन, 6-8-12 में है तो दिक्कत देता है, लेकिन अगर ओरिजिनल कुंडली में आपका ग्रह वक्री है और वो स्ट्रांग है तो वक्री में इतनी समस्या नहीं होती है। जैसे अन्ना गोस्वामी है, उसका बुद्ध वक्री है, जब भी वक्री बुद्ध वक्री होगा इन सबको दिक्कतें आएंगी। वो कितनी दिक्कतें आएंगी और उस दिक्कतों से उनको लाभ होगा, इट विल डिपेंड अपॉन उनकी दशा और रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रह बीइंग रेट्रोग्रेड। वो कब रेट्रोग्रेड हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 6-8-12 में जनरली अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, नेटल पोजीशन से। तो और अगर आपका मर्करी डायरेक्ट है कुंडली में तो वक्री में दिक्कत आएगी। अब इसको और समझ लेते हैं। मान लो मैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो जब बुध वक्री होगा मेरी कुंडली में और अगर बुध की दशा चल रही होगी और आकाश में बुध वक्री हो गया और बुध मेरी कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट है, तो रेट्रो होते ही मेरी बैंड बजेगी, अरे यार काश मैं बैकअप ले लेता, शिट उड़ गया मेरा बैकअप। पॉइंट समझ में आ रहा है, सब तब होगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि अगर आपको अपना बुध वक्री हो रहा है
आपको पता है बुध वक्री होने वाला है और आप डेटा ऑर्गेनाइज नहीं करते हो, प्लीज ऑर्गेनाइज करो, अच्छी बात नहीं है। और कई बार ये भी देखोगे किसी कुंडली में बुध वक्री है, वो जरूरत से ज्यादा बोलेगा, कम्युनिकेशन है, जरूरत से ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा, उसको बुध वक्री में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब पूछो क्या बोल रहे थे। नहीं सर, हो गया क्लियर, थैंक यू। चौथे भाव का स्वामी वक्री हो जाए तो रियल एस्टेट में अगर फंस गया तो समस्या आ जाएगी, ठीक है, या प्रॉपर्टी लेट से बनेगी उसकी, डिपेंडिंग अपॉन शुभ और पाप प्रभाव। पंचम भाव का स्वामी वक्री है आपका, यार अगेन वक्री है, राहु के तो प्रभाव एक ही बात हो गई, तो उसमें अनयूजुअलिटी आती है, या तो बच्चों की संख्या कम होगी, या बच्चे होने में दिक्कत आती है, या संतान की उसको इच्छा ही ना हो, यही पॉसिबल है, या संतान को नॉर्मल से हटके समस्याएं होंगी, इनमें से कुछ भी पॉसिबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पंचम भाव वैसे भी पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, तो पंचमेश वक्री है पाप प्रभाव में, पूर्व जन्म के कर्म बहुत आपके कमजोर है, भाग्य ऑटोमेटिकली कमजोर ही मिलने वाला है उसको। कि पंचम और नवम काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भाव है, लगन पंचम और नवम ये कॉम्प्लीमेंट्री भाव है। छठे भाव का स्वामी वक्री हो गया आपका, या उसमें वक्री का इन्फ्लुएंस आ गया, बीमारी डायग्नोज नहीं होगी आपकी, बीमारी बार बार आएगी, रेकर करेगी, आप इजीली अपने एनिमीज पे जीत नहीं पाओगे, बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अब छठे भाव का स्वामी वक्री हो और उसको लॉयर बनना हो तो उसको बहुत दिक्कत आई केस जीतने में, अगर वो पाप प्रभाव में भी हो गया। अभी मैं जनरल नेगेटिव में ही बता रहा हूँ, पॉजिटिव आप कर लेना। सेवेंथ हाउस का स्वामी वक्री हो गया है, बीवी नॉर्मल से हटके मिलेगी, अगर वो पारिवारिक या लव मैरिज कर ले, भाग की शादी कर ले, उसमें वक्री का प्रभाव हमेशा होता है, जहाँ पे भी आप समाज के नियम कानून तोड़ते हो, मैरिज को डिले कर देता है, जहाँ पाओ कि कोई लड़की आई है साथ ही भाव का स्वामी वक्री है, मैरिज में डिले मिलेगा ही मिलेगा, अगर थोड़ा पाप प्रभाव में आ गया और इस तरीके से तो मिल ही जाता है, मतलब परेशानी देता है, तो क्या उपाय देना पड़ेगा कि अगेंस्ट द सोसाइटी मैरिज करनी पड़ेगी, कर लो डिवोर्सी से मैरिज, किसी के बच्चा है तो उससे कर लो, अब नहीं होगी नॉर्मल, हो गए अब आप 35 के, लड़की है तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से शादी होती है, जितनी लड़की की उम्र बढ़ेगी शादी की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम, उसको आउट ऑफ द बॉक्स अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आयु का स्वामी रेट्रो हो गया आपका, अष्टमेश वक्री है, आयु में कमी हो सकती है, आयु नॉर्मल से हटके है, बहुत ज्यादा या बहुत कम, इट विल डिपेंड अपॉन द इन्फ्लुएंस, इनहेरिटेंस में दिक्कत आ जाएगी, बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी, लफड़े में फंस जाएगा, परिवार में तनाव आ जाएगा, डेथ जो होगी वो अननोन कॉजेस से हो गई, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में हो गई, ठीक है। कई बार कहा जाता है अगर अष्टमेश वक्री हो और शुभ प्रभाव में हो, मान लो अष्टमेश शनि है, वक्री हो गया और शुभ प्रभाव में, तो उसकी आयु ऐसे बोलते हैं कि 3 गुना बढ़ जाती है, मतलब भाग्य का स्वामी वक्री हो गया आपका, फादर आपके नॉर्मल से हटके, जनरली जब भी आप देखोगे जो बड़े लोग होते हैं जिनके माँ बाप राजा रहे हैं और मंत्री रहे हैं, सीएम पीएम रहे हैं, उनका आपको नवमेश वक्री मिल जाएगा, नवमेश में कहीं ना कहीं वक्री ग्रह का संबंध मिल जाता है। रिलीजन धर्म के प्रति उसकी आस्था में बदलावट आ जाती है, कमी आ जाएगी, वो डिपेंड करेगा अगेन शुभ या पाप प्रभाव पे, ठीक है, खुद ही गुरु बन जाएगा वो खुद का गुरु खुद ही है, नवमेश वगैरह लॉन्ग ट्रेवल शायद हो ही ना उसके जीवन में, ठीक है। टेंथ हाउस वक्री है तो हमें पता ही है, जो उसने एजुकेशन करी है उसे हटके जॉब करेगा, अगर फैमिली ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, उसमें उसका मन नहीं लगेगा, है ना। टेंथ लॉर्ड को बहुत ही अच्छा माना गया रेट्रो होना, अगर शुभ प्रभाव में आ गया आपका टेंथ लॉर्ड तो मतलब भयंकर ही उसको अच्छा माना गया, मतलब 3 गुना मतलब स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाता है, ऐसे 11th लॉर्ड रेट्रो है तो उसको भी मतलब, अगर 11th लॉर्ड रेट्रो जनरली देखा गया है बड़े भाई नहीं होते हैं, ठीक है, मेल स्पेशली बड़े भाई नहीं होते हैं 11th लॉर्ड रेट्रो, और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा रिपोर्ट नहीं होता है अगर शुभ प्रभाव में ना हो, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, अगर शुभ प्रभाव में होगा 11th लॉर्ड में अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगेन बढ़िया होगा या बहुत बुरा होगा, नाउ यू नो हाउ टू जज। 12th हाउस का स्वामी वक्री है, फॉरन जाने में दिक्कत आएगी, इजिली फॉरन नहीं जा पाएगा, मल्टीपल वीजा रिजेक्शन हो रहे हैं उसके, 12th लॉर्ड वक्री है या उसमें वक्री का प्रभाव है, कुछ ज्यादा फिर कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा फॉरन जाने का, इनको नॉर्मल तरीके से फॉरन नहीं जाएंगे, ठीक है। 12th हाउस बेड प्लेजर का भी होता है, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, ठीक है,
ट्वेल्थ हाउस खर्चे का है, वो खर्चे नहीं करेगा, कंफ्यूज बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। तो शनि जब वक्री होगा तो वो मंगल का रिजल्ट देता है, मंगल वक्री में शनि का प्रभाव मिल जाता है, जुपिटर रेट्रो होगा तो वीनस का प्रभाव मिल जाएगा, मंगल में मंगल वक्री में बुध का प्रभाव मिल जाएगा, ये सब आपको मिलते रहेंगे इन जनरल। अब आपका जुपिटर टेंथ हाउस, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में होता है तो टीचिंग की तरफ लेके जाता है, प्रोफेशनल टीचर बनाता है। अब वक्री गुरु मकर राशि में हो जाएगा, टेंथ हाउस में वक्री गुरु हो जाएगा तो थोड़ा जनरली टीचिंग नहीं देता है, ठीक है। वीनस रेट्रो हो गया जनरली लस्ट कम करता है, लेकिन लस्ट एक्सट्रीम भी कर सकता है, अगर राहु और उनके प्रभाव में आ गया तो एक्सट्रीम भी कर देता है उसको, ठीक है। एक और चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, अगर शनि वक्री हो और आगे उसको मरकरी मिल रहा हो, मरकरी बहुत छोटा प्लैनेट है राइट, वो इतना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है आपको, छोटे प्लैनेट बहुत बड़े प्लैनेट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, बट अगर छोटे प्लैनेट को बड़े प्लैनेट मिल गए आगे पीछे और उन वो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट फील करता है, ठीक है, क्योंकि जो साइज है प्लैनेट की बहुत छोटी है छोटे प्लैनेट की, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक रेट्रो में इतना काफी है, समझ में आया रेट्रो? Yes. कोई सवाल? कंबस्ट में क्वालिटीज कैसे कम होती है? अरे कंबशन का जनरली नहीं लगती है क्वालिटी, बिकॉज सन से दूर होते हैं रेट्रो के टाइम पे, लेकिन अगर मान ले रेट्रो प्लैनेट है और सन की तरफ बढ़ रहा है तब कंबशन की क्वालिटी उसमें बढ़ेंगी, सन की तरफ बढ़ डिग्री देखनी पड़ती है उसमें। मान ले वीनस रेट्रो टू मूविंग टुवर्ड सन, दिक्कत होगी ना। अब मान ले सन दो सन मान ले 6 डिग्री पे है, वीनस 5 डिग्री पे है, तो कंबशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हो ही गया। अब रेट्रो होने पे क्या हो रहा है, अब दूर जा रहा है, इसमें इतना कंबशन नहीं लगेगा, ये बेटर है। ओके पॉइंट क्लियर है? जी सर। मान लो जुपिटर कैंसर में स्टैग्नेशन पे पहुंच जाए, भयंकर रिलीजियस, भयंकर धर्म और इनको मानने वाला भयंकर लेवल पारंपरिक, जुपिटर रेट्रो कैंसर में धर्म को मानेगा बट उसके धर्म के प्रति उसकी क्वालिटीज डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। जैसे इसके में क्या है, आई थिंक जुपिटर जस्ट रेट्रो हुआ ही था आई थिंक ओशो के केस में, हाँ क्या ओशो का केस, can you see Jupiter just retro हुआ ही है। ये सब स्टेशनरी है। Even though retro दिखा रहा है but stationary moving towards retro, जितनी धर्म के ऊपर ओशो ने बोला होगा, I don't think किसी ने बोला होगा आज तक दुनिया में, अभी तक जो भी लोग पैदा हुए हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है, कृष्ण राम इन सबको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, ऋषि वशिष्ठ उन सबको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, जो क्लैरिटी इस आदमी की है और मॉडर्न तरीके से जो समझाया है इसने, वो मॉडर्न तरीका कहाँ से आ रहा है, बिकॉज स्टैग्नेशन मूविंग टुवर्ड्स रेट्रो। अब समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है, रेट्रो मूविंग टुवर्ड्स स्टैग्नेशन अलग है, पहले उसके विचार कुछ और होंगे बाद में विचार वो कुछ और देगा, इसमें क्या विचार पहले कुछ और है और बाद में इसने एकदम अलग तरीके से समझाया, एकदम कि आम आदमी भी समझ पाया उसको आम आदमी की भाषा में। इसमें एक और भी एक है, इसमें खास बात कि जुपिटर और चंद्रमा में वो भी है, इसमें एक्सचेंज भी है, जुपिटर चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, यहाँ पे जुपिटर के साइन में, ये जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन भी बन रहा है, इसने इसको बहुत फेमस किया।
राहु की दिशा में तो यार ये एकदम उठ गया था, मतलब ऊपर ही, मतलब बड़े लेवल पे। रेट्रो जुपिटर से हेल्थ इश्यूज भी बहुत आते हैं, बिकॉज जुपिटर इन जनरल आपका हेल्थ है, मतलब लिविंग और आपका सिग्निफिकेटर है, तो रेट्रो जुपिटर में हेल्थ के इश्यूज भी रहते रहते हैं, बिकॉज रेट्रो जुपिटर होती है जॉन्डिस लिवर बचपन में देखा जाता है, मतलब चंद्रमा अष्टम में भी है यहाँ पे, यहाँ तो पक्का ही देखा गया होगा, हमें पता नहीं उसके बारे में। रेट्रो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कुछ सवाल हो तो पूछो रेट्रो पे, नहीं तो मैं यूरेनस नेपच्यून प्लूटो करके समापन करूं इस लैन वन का। ठीक है, अभी तक तो काफी क्लियर हो गया है सर, एक बार दोबारा फाइल सुनेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो आई विल आस्क अगेन। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, नेपट्यून इज नॉट इक्वल टू केतु, जो निमेरो के बच्चन को पहले से पता है, वैसे वापस उनकी रेपिटेशन है बट सुन लो, यूरेनस इज नॉट इक्वल टू राहु। ये हर जगह हम पढ़ने को देखते हैं न्यूमेरोलॉजी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरेनस नेपट्यून प्रॉपर एक प्लैनेट्स है फिजिकल फॉर्म में, राहु केतु फिजिकल नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, दे कैनॉट बी इक्वेटेड, सो हूएवर डज दैट इट इज रॉन्ग। आई डोंट नो ये कहाँ से आया, वेस्ट से आया, कहाँ से आया, जो फेमस हो गया यहाँ पे, ऐसा नहीं है और ना तुम्हें क्वालिटी सेम मिलनी है, ये समझ लो, ठीक है। सो ये मार्स, ये आउटर प्लैनेट्स हैं एकदम बाहर के, जो बहुत देरी में राशि चेंज करते हैं, राइट। प्लूटो का 240 इयर्स है, तो 20 साल में राशि चेंज करता है, तो जब भी प्लूटो राशि चेंज करेगा, इनके साथ जब राहु केतु आ गए, सैटर्न आ गए, मंगल आ गए, तो उस समय दुनिया में अलग तरह के इवेंट्स You can easily predict. जैसे इस समय क्या चल रहा है, राहु यूरेनस साथ में चल रहा है मंगल की राशि में, इसीलिए वॉर वापस शुरू हो गए, चाइना ताइवान की बात कर रहा है, कहाँ से निकाल रहा हूँ predictions? यहीं से निकाल रहा हूँ, रशिया भाई जो वर्ल्ड पावर है वही तो करेंगे वॉर, तो ऐसे आप प्रडिक्शन निकाल सकते हो, फिर वहां पे ग्रहण की कुंडली और वो सब देख के आप कर सकते हो प्रडिक्शन, लेकिन जो मैं करता हूँ उसमें इनका इस्तेमाल करता हूँ, ये एक्स्ट्रा प्लैनेट्स हैं कुछ तो, अगर कोई रेयर इवेंट हो रहा है, कुछ रेयर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है, वो कैसे बनता है, वो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो से बनता है, समझ में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा प्लैनेट्स हैं। इन जनरल इंडियन क्लासिक्स में इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, बट यूरेनस को लोग अरुण बोल देते हैं, नेपट्यून को वरुण बोल देते हैं, या इंटरचेंज एग्जैक्ट थोड़ा हो सकता है मेरा क्लियर ना हो, और प्लूटो को तो यम बोलते हैं, यम मतलब लॉर्ड ऑफ डेथ, साउथ की दिशा को भी यम बोल, वास्तु जब कभी पढ़ाऊंगा आगे उसमें पढ़ाऊंगा, तो साउथ की दिशा को यम बोलते हैं, प्लूटो क्या है मार्स का हायर ऑक्टेव है, नेपट्यून क्या है वीनस का हायर ऑक्टेव है, और यूरेनस क्या है किसका हायर ऑक्टेव है, न्यूमेरो वाले बच्चों बताओ, किसका पूछ रहे हैं सर, मरकरी, यूरेनस मरकरी का हायर ऑक्टेव है, तो मरकरी क्या है, सिंपल समझ है आपकी, मरकरी सिंपल मैथमेटिक्स है, जोड़ गुना भाग जो हम जीवन में करते हैं, चाहे बच्चे आईआईटी निकाल लिए हों इसका मतलब ये नहीं कि वो यूरेनस वाले बच्चे बन गए होंगे, पहले से लोगों ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स निकाल चुके हैं, उसी को वो सॉल्व करते हैं, रटते हैं, सॉल्व करते हैं और निकालते हैं, बट उसमें कुछ विशेष योगदान नहीं करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली दे बिकम कंसल्टेंट्स, और कंसल्टेंट जब आप बन जाते हो वहाँ पे नॉर्मल मरकरी आपका जनरली अच्छा होता है आईआईटी वालों का, तो जोड़ गुना भाग तो अच्छी बात है ही, जो बनिए होते हैं, जो वैश्य समाज के होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन सबकी जो मकरी है वो अच्छा होता है, यू नो मकरी का मतलब क्या है, प्रोज एंड कॉन्स देखने की ताकत वो उनमें अच्छी होती है, और अगर मकरी रेट्रो हो और अगर शुभ प्रभाव में हो तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, मोदी का मकरी रेट्रो है, अर्णब का मकरी रेट्रो है, शायद कंगना का भी मकरी रेट्रो हो, तो वो मिल जाएगा आपको, उसका प्रभाव वो भी मिलेगा, ज्यादा बोलना, कभी कुछ भी बोल जाना, बोलने में दिक्कत करना, बोलने में गलती करना, वो भी आपको मिल जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन इन जनरल जो मरकरी है वो बेसिक जोड़ गुना भाग है। व्हेन यू रीड हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेल्टा एक्स, डीएक्स, साई फंक्शन, वेव फंक्शन, ये भैया नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, इसको समझने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए हायर दिमाग चाहिए, बिना यूरेनस के पॉसिबल नहीं है, आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है बड़े लेवल का, यूरेनस चाहिए मेरे को, अगर कुछ नया निकालना है तो
बिना यूरेनस के फिर आप इतना नहीं कर पाओगे। तो जो आप जो बुक्स में पढ़ रहे हो उसी को पढ़ के आप ठीक है लोगों को गाइड कर सकते हो, बट कुछ नया निकालना है तो टेंथ लॉर्ड का, और आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है और उसमें कुछ नया करना है तो टेंथ लॉर्ड का यूरेनस के साथ या शनि का यूरेनस के साथ, यूरेनस होना बहुत जरूरी है। नेपट्ट्यून क्या है, हायर ऑक्टेव ऑफ वीनस, वीनस में कहीं ना कहीं लस्ट है, प्योर लव जो है वो नेपट्ट्यून में है। तो जो हम वीनस इन पाइसिस में पढ़ते हैं, ट्रू लव, सिर्फ देने की इच्छा, सिर्फ देने की भावना, जहां देने की भावना है वही प्यार है, जिसको मूवीज में दिखाते हैं वो प्यार नहीं है, वो मन की बात करते हैं कि दिल देके देखो और दिल चीज क्या है जान लीजिए और वो सब, वो एक्चुअली में मन की बात कर रहे हैं, वो दिल की बात नहीं कर रहे हैं। दिल का मतलब है कि प्योर, लेकिन दिल क्या चीज है जान लीजिए, वो तो जान देने की बात कर दी, अपने लगन को ही उसने लॉस्ट की बात कर दी है, तो वो तो उच्च वीनस बोल सकते हो। प्रेम में आप किसी के लिए जान दे दी आपने, आपने अपना शुक्र उच्च का कर लिया, होंगी सिर्फ देर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है ऑफ गिविंग, कि कोई बात नहीं यार तू किसी और के साथ तू बस खुश रहे, आई एम हैप्पी, उच्च का शुक्र, और वही नेपट्ट्यून मान लो उसको तुम, बहुत ही हायर लेवल ऑफ, जो लोग पूरे समाज के लिए प्रेम भाव रखते हैं वहां पर नेपट्ट्यून आ जाता है, ठीक है। और प्लूटो क्या है, हायर लेवल ऑफ मार्स, नॉर्मल अटैक, नॉर्मल गन्स मार्स में आ गई, लेकिन जब AK-47 न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं मार्स में, तो प्लूटो आया था, इसलिए जब प्लूटो स्कॉर्पियो से जाएगा तो बहुत अपीवल्स लेके आएगा। प्लूटो कैप्रिकॉर्न से जाएगा तो वो दुनिया का पूरा करियर हिला के रख देगा, जहां से जाएगा प्लूटो वहां पे दिक्कत लेके आएगा, वो एफ्लिक्शन है वो ब्रेक लेके आएगा वहां पे, इतना ही है बस यूरेनस नेपट्यून प्लूटो। उसके अलावा तुम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत कुछ लिखा हुआ है इनके ऊपर, बट मैंने तुम्हें सार बता दिया है, इतना सा ये है, मतलब रामबाण बेसिकली, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बट इंडिविजुअल लाइफ में बिकॉज यूरेनस नेपट्यून प्लूटो बहुत स्लो चलते हैं, तो इंडिविजुअल लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ता है इनका, प्रेडिक्शंस में बेसिकली इतना टाइम होता है उस समय कुंडली देखते समय इतना देखने का, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बट यूरेनस अलग चीज है, अलग लेवल ऑफ आपको एनालिटिकल स्किल्स देगा, अलग लेवल पे नेपट्ट्यून, अलग लेवल पे आपको देने की भावना देगा। ओशो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मकरी नेपट्ट्यून नवांश में साथ में, राहु जुपिटर नेपट्ट्यून आसपास है, प्लूटो भी आसपास है, यहाँ पर मार्स प्लूटो आमने सामने है, इसमें ये लोग ब्रेक करते हैं समाज को, तोड़ देते हैं सब कुछ, ये ज्ञान से तोड़ेगा ये आदमी, ये वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये सिर्फ अपनी वाणी और ज्ञान से काफी है तोड़ने के लिए समाज को। ओशो की बात कर रहा हूँ, मतलब सही, आपने नेपट्ट्यून और प्लूटो से देखा कि नेपट्ट्यून इज लव एंड प्लूटो इज डिस्ट्रक्शन, ये भी तीनों मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेट्रो ही रहते होंगे। देखो राहु मरकरी बहुत एक्सट्रीम इंटेलिजेंस देता है आदमी को, अगर अच्छे प्रभाव में हुआ ना, राहु मरकरी राहु यूरेनस एक्सट्रीम इंटेलिजेंस देते हैं आदमी को, भयंकर वक्ता बना देंगे, भयंकर वक्ता। तो खैर पाइसिस में है तो मतलब जुपिटेरियन के अंदर इसने तो फोड़ ही दिया इस आदमी ने, लेकिन खैर तो आदमी अलग था यार, मतलब इसके देखो ना जुपिटर रहते 29 डिग्री पे जुपिटर है यार इसका, सैटर्न देखो कहाँ पर है, कर्म और धर्म देखो तुम इसका, इस आदमी का शनि की डिग्री क्या है, 28, जुपिटर की डिग्री 29। तो अगर कोई मुझे व्यक्ति बोलता है कि ओशो फ्रॉड है, वो है, वो उनकी परसेप्शन है, पर एक्चुअल रियलिटी कौन बता रहा है मुझे, कुंडली पर कुंडली ने बता दिया मेरे को असली में वो आदमी कैसा है, बाहर दुनिया में क्या दिखा रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता है असली में बंदा कैसा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। अष्टम भाव में इतने हैं, ऑकल्ट वाले भाव में इतने, तो कितने तो ग्रह आ गए उसके, है ना, आत्मा उसकी स्कॉर्पियो में, और सारे उसके वो हैं एकदम गंडांत में, ज्येष्ठा खत्म होने को आ रहा है एकदम, अश्लेषा लास्ट फेज, लास्ट फेज, पॉइंट समझ में आ रहा है। चंद्रमा पार कर चुका है स्कॉर्पियो को, मन से तो ये जीत चुका है पूरा, आत्मा का बचा है वो
जो भी है एनलाइटनमेंट के, हम जहाँ पता नहीं ना, हम जहाँ कुंडली देखी, गौतम बुद्ध कुंडली देखी नहीं, अब ये एनलाइटन है, ये एनलाइटन आदमी कुंडली है कि नहीं, वी हैव नो आइडिया, माइट बी, क्या पता ऐसी होती हो, कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास, मैं कुछ कोरिलेट कर पाऊँ अब इससे में और भी लोग पैदा हुए होंगे, सब तो ओशो नहीं बने, इसीलिए डिविजनल चार्ट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो हम अगले कोर्स में समझेंगे हल्का सा। डिविजनल चार्ट बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज हर सेकंड पृथ्वी मूव कर रही है, हर सेकंड कोई ना कोई ग्रह मूव कर रहा है, पर्यावरण हर सेकंड चेंज हो रहा है, इसीलिए हर व्यक्ति अलग होता है। तो सेम कुंडली में भी पूरा एकदम चेंज हो जाता है, नवांश बदल गया पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब व्यक्ति पूरा बदल जाएगा। लगन कुंडली से करते रहो प्रेडिक्शन। नवांश कितने टाइम में बदलता है? 15 मिनट में तो बोल सकता है, 15 मिनट में नवांश लगना है, 15 मिनट में चेंज होता है भाई। 2 घंटे को 9 से एक नवांश में कितने होंगे? 9 होंगे ना? हाँ, तो 120 मिनट को डिवाइड कर दे 9 से। अच्छा, ओके, अगर मान लेते हैं कि अभी हम एवरेज ले लेते हैं, अगर 2 घंटे का 24 घंटे को 12 से डिवाइड कर दिया ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं है हर लगन, कोई लगन 2.5 घंटे का भी होता है, कोई 1.5 घंटे का भी होता है, पर मान लेते हैं उन्होंने एवरेज 2 घंटे का लगन है 120 मिनट का, ठीक है, डिवाइड कर दो उसको। हाँ, जितने भी टाइम का लगन है उसको डिवाइड करना है 9 पार्ट्स, 9 से डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। तो 120 मिनट का अगर लगन होता है कोई, डिवाइड बाय 9 किया तो क्या आएगा, करीब करीब 9 बाय 2 तो करीब करीब आ जाएगा 13.33 आ जाएगा, मतलब तो यानी करीब करीब 14 से 15 मिनट में एक नवाम चेंज हो जाता है। तो जो अब जैसे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं वो नवांश होकर, चंद्रमा का तो बहुत जल्दी बदल जाता है, 2.5 दिन में वो पूरा एक कर लेता है राशि कवर, और 2.5 दिन में ही वो 9 नवांश कवर कर लेता है। शनि 2.5 साल में 9 नवांश क्लियर करेगा, और लोग बोलेंगे शनि तो मेरा उच्च का है, अभी तो नक्षत्र तो बदल जाएगा, नवांश बदल जाएगा, अब शनि नवांश में किसके साथ हो देखना पड़ेगा ना, मेरे शनि उच्च का हो और नवांश में शनि गुरु साथ में हो तुला के अंदर ही तो बहुत बढ़िया है, पता पड़ा वही शनि राहु के साथ आ गया, मंगल के साथ आ गया नवांश में तो बिगड़ जाएगा। शनि उच्च का लेके आप घूमते रहो, शनि उच्च का लेके मजाक बनता है इंटरनेट पे। डिविजनल चार्ट्स में भी नक्षत्र दिखते हैं क्या? डिविजन देख सकते हो आपके ऊपर है, अरे वो तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कर सकते हो। जैसे मान लिया अभी ये इसका नवांश देखना है, मान लेते कि 5-10 पे हुआ था, ये नवांश आ गया, तो नवांश लगन आ गया इसका, तो लगन 28 डिग्री है, राहु वीनस हस्ता नक्षत्र में नवांश में, You can find out. डिग्री निकाल लो, सब दे रखे हैं। इतना यार prediction के time, time कहाँ होता है? लोग आएंगे फटाफट, आधा घंटा होगा, कुंडली देखनी है, तो of course तुम मुझे prediction दे दोगे, तुम्हारा time का बच्चा होगा वो सब ठीक है, लेकिन जो होता है ना कि मैं कौन हूँ अपने आप को जानना, वो अपने आप में एक, वो astrology is the best tool to know yourself. इतना तुम्हें कोई और dissect नहीं कर पाएगा जितना कुंडली कर देगी, और जितना तुम खुद की कुंडली में दिमाग लगा सकते हो उतना कोई और लगा भी नहीं सकता है, इसलिए कुंडली सीखनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए अलग चीज है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए तो सीखनी ही चाहिए, हर कोई पैसा नहीं कमा सकता एस्ट्रोलॉजी से, उसके लिए दशा और बाकी चीजें करनी है। अब एस्ट्रोलॉजी से कम ज्ञान में भी खूब पैसा कमा सकते हो, फेमस होने में क्या बड़ी बात है, सलमान खान फेमस है ही, वो खुद ही बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, और वो है भी नहीं, इरफान खान जैसा थोड़ना है, ऐसा थोड़ना कि वो डेंजल वॉशिंगटन या लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे ये जो एक्टिंग करते हैं उनके लेवल पे करता है, नहीं, और वो फेमस है, फेमस डज नॉट मीन कि अच्छा है, हमारा आम आदमी क्या मानता है फेमस मतलब अच्छा, ये गलत धारणा है। हो सकता है फेमस हो तो पहले चेक करो कि किन कारणों से फेमस है, सही व्यक्ति ड्यू डिलीजेंस करेगा, लो अच्छा एस्ट्रोलॉजर फेमस है, लेट्स सी हिज प्रेडिक्शंस, या कुछ तो उसने दिया हो, या वो व्हाट वी सी ऑन यूट्यूब इन जनरल, सूर्य इस भाव में तो क्या होता है, खत्म बस, तो किताबों में लिखा हुआ है, तो तुम खोल लो अपना चैनल, बुक्स पढ़ते रहो, उनसे डालते रहो पेजेस में, फिर हम उसको ज्ञान समझ लेते हैं, ज्ञान वो नहीं है, ज्ञान है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपने कैसे उसका इस्तेमाल किया है, लोगों को समझाया कैसे, आप प्रेडिक्शंस कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और जो ये जॉब और एक मैरिज की प्रेडिक्शंस हैं, इनमें बहुत एरर होते हैं, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, इसलिए ये एरर प्रोन है और एरर प्रोन रहेंगे, हम इनमें और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं अगले कोर्स में करेंगे, और जब तुम लोग सीखोगे, तुम लोग अप्लाई करोगे, तुम लोग मुझे बताओगे सर हमने कुछ नए नियम देखे, बहुत अच्छी बात है, वो हमारा काम है एज अ रिसर्चर, नए नियम डिस्कवर करना, जिस पर मैं काम भी कर रहा हूँ मतलब, और तुम लोग भी करोगे बाद में एज माई स्टूडेंट्स, पूरा पर्पज ही है इस कोर्स का, नए ज्योतिष तैयार करना जो कि रिसर्च करें मतलब।
पैसा कमाना लेट दैट बी द साइड इफेक्ट, नेवर मेक मनी द मेन पर्पस. मनी मेन पर्पस बनाओगे तो क्या होगा, रिसर्च खत्म हो जाएगी तुम्हारी. क्योंकि पैसा ऐसा है कि दुनिया में समस्या हमेशा रहेंगी, आते रहेंगे लोग, पैसे भटक आवाज नहीं आ रही सर. नो सर. सर अभी थोड़ा बेटर बट स्टिल नॉट वेरी ऑडिबल. बहुत लो है. And now even worse. सर पहले से और खराब होती जा रही है. अभी आ रही है आवाज? Yes sir, loud and clear. Yes sir. Okay okay okay. जो पहले मैं बोल रहा था उस टाइम आ रही थी आवाज क्लियरली? Yes sir. Okay. चलो फिर अभी इंडिकेशन है अपना आवाज कमाने का कि अब समय आ गया इसको उसको खत्म करते हैं. अब तो लैंड 01 अब ओवर हो गया, तो लैंड 02 का अपन अब देखते हैं. उसका पैटर्न एक बार तुम लोग नेट पे देख लेना, मैंने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स पैटर्न डाल दिया है, तो वो करेंगे. उसका मुहूर्त मैं निकालता हूँ कब शुरू करते हैं. तुम लोग कुछ दिनों का लो लीव एक बार, वैसे तो तुम्हें पिछले संडे मिल गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में कोई अच्छा मुहूर्त मेरे को मिलता है तो मैं उसमें शुरू कर दूंगा क्लास. थैंक यू सर.